हेलो पीपल, आपका ये मैराथन बस स्टार्ट ही होगा एमसीएस का। बिफोर स्टार्टिंग द मैराथन आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो कि ये जो मैराथन वीडियो हमने रिकॉर्ड किया है तकरीबन 2.5-3 घंटे का, इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा इशू है पिक्सलेशन का विथ रिस्पेक्ट टू द कैमरा, कि जब मेरा आपको मूवमेंट दिखेगा इसके अंदर तब मेरा मूवमेंट में थोड़ा सा आपको पिक्सलेशन दिख सकता है। वी हैव हैड अ वर्ड विद द टीम एंड वी इंश्योर दैट द प्रॉब्लम विल नॉट बी देयर इन एनी फर्दर वीडियो, कि आगे के वीडियो में वो प्रॉब्लम नहीं आएगी उसका हम ध्यान रखेंगे, बट इस वीडियो के अंदर आपको पिक्सलेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। सो प्लीज़ उस चीज़ को लेके थोड़ा सा कंसिडरेट रहिएगा। एंड रिमेनिंग वी इंट्रोड्यूस नाइस थिंग्स इन दिस मैराथन, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी है कि यू विल बी आउट ऑफ योर माइंड, ऐसी चीज़ें हमने कुछ इस मैराथन के अंदर की है। सो आई होप कि आप थोड़ा पेशेंटली पूरा मैराथन देखोगे। एक माइनर पिक्सलेशन का प्रॉब्लम है कि जब भी मैं कोई मूवमेंट करूंगा इसमें आपको दिखेगा तो मेरे हाथ थोड़े से पिक्सलेट होते हुए दिखेंगे, तो माइनर पिक्सलेशन का प्रॉब्लम है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू स्टिल गिव अस द लव विच यू ऑलवेज गिव। ओके, थैंक यू सो मच पीपल, एंड दैट विल बी ऑल। प्लीज कंटिन्यू द मैराथन एंड एंजॉय। बाय बाय। हेलो पीपल, कैसे हैं आप लोग? द सब्जेक्ट मैटर टुडे विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एमसीएस सीएस प्रोफेशनल के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज। आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस माय सेल्फ एंड देयर आफ्टर वी गोइंग टू डायरेक्टली हेड टुवर्ड्स द टॉपिक जो आज हमें मेनली डिस्कस करना है। माय नेम इज शुभम सुक्लेचा। आई हैव डन ऑल ऑफ माय स्कूलिंग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ माय लाइफ। आई हैव स्टेड इन राजस्थान उदयपुर, देयर आफ्टर आई हैव शिफ्टेड टू पुणे एंड स्कूलिंग वगैरह पूरी राजस्थान से हो गई थी। देयर आफ्टर पुणे में फर्स्टली इन 2014 I got my first degree, that was company secretaryship. तो 2014 के अंदर मैंने मेरा CS complete किया था। 2015 में मैंने मेरा CA complete किया था। तो start of course मैंने more or less दोनों साथ में कर लिए थे, but 2014 के अंदर CS मेरा complete हुआ, 2015 के अंदर मेरा CA complete हुआ and 2016 के अंदर I completed my law. तो मेरा law भी parallelly चल रहा था from the very prestigious ILS Law College and after that recently I've completed my LLM in corporate laws. Apart from these things, I've done a few certificate courses, diploma courses in corporate law, cyber law, IPR and various other minor required legal aspects. Or I can say various acts, various laws, various interpretation. के लिए मैंने बहुत सारी उसी दौरान 2014-15-16 के दौरान ही मैंने कुछ minor certificate courses और diploma courses भी किए थे. And here I am. Post that, अगर मैं बात करता हूँ by profession, I'm a lawyer. I'm a person who's registered under Bar Council of India and of course ye agar alag ek topic ka discussion ho jayega but wo bhi nahi karunga that I don't practice CACS, I'm practicing law, but of course by passion it's been a long time I'm into this teaching and that is the reason I'm standing here right now. Chaliye yaar, ye ho gayi mere bare mein. Ab baat karte hain aaj ke session mein, what am I going to discuss aaj ke session ke andar. I'm going to discuss without wasting any time, bilkul crisp tarike se, to the point tarike se, ye char cheeze hain. सबसे पहली चीज जो आज डिस्कस होगी दैट इज पेपर पैटर्न ऑफ एमसीएस. तो मुझे ऐसी अपेक्षा है कि आप में से मेजॉरिटी बच्चों को ऑलरेडी एमसीएस के पेपर पैटर्न का बहुत अच्छा आइडिया होगा, बट आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट फर्स्ट एंड देयर आफ्टर आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेशन, बिकॉज अगर किसी व्यक्ति को वही नहीं पता है तो देन द पर्सन कैन नॉट स्ट्रेटेजाइज स्टडीज. तो पहले वो चीज पता होना बहुत अनिवार्य है. सबसे पहली चीज डिस्कस होगी दैट इज गोइंग टू बी paper pattern of MCS. The second thing which I'm going to discuss, of course, the main purpose for the day, quick revision of all the case laws of chapter 1, number 1, company law. अब इस session को आप revision बोल दो, marathon बोल दो, quick revision बोल दो. आज के अंदर MCS का chapter number 1 है, company law, वो मैं पूरा revise करके छोड़ूंगा. ठीक है, तो उसका एक मैं quick revision करवाने वाला हूँ of the entire chapter 1, company law. और इसी तरह से धीरे धीरे आगे जो sessions आते रहेंगे उसमें MCS को अलग अलग parts में complete कर लेंगे. ठीक है, second, additional new cases, आप सबको पता है जिसको हम कभी कभी MCS में अमेंडमेंट्स कहते हैं. अमेंडमेंट्स के नाम पे MCS के सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, MCS के सब्जेक्ट में जो लेटेस्ट केस लॉज होते हैं तो ICSI वो आपके सिलेबस में ऐड करता रहता है. कभी भी जनरली साल में दो बार केसेस ऐड होते हैं, एक केसेस ऐड होते हैं फरवरी एंड में, एक केसेस ऐड होते हैं अगस्त एंड में. तो इस तरह से साल में दो बार जनरली केसेज ऐड होते हैं. तो आपको यू डोंट हैव टू वरी एट एनी टाइम. आपने क्या करना होता है, आपने बस आपके अटेम्प्ट के लिए कौन कौन से केसेस ऐड हुए हैं वो देखने होते हैं. तो ये जो एडिशनल केसेस की मैं बात करूंगा ये ऐड हुए हैं जून 2020 के अटेम्प्ट के लिए. एक बार जब केस ऐड हो जाता है वो उसके आगे के सारे अटेम्प्ट्स पे ऑफ कोर्स एप्लीकेबल रहता है. तो जून 2020, दिसंबर 2020, जून 2021, दिसंबर 2021, इन सब के लिए ये दो केस लॉज एप्लीकेबल रहेंगे. क्लियर है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा समय बदबीत रहा है उस टाइम पे कोर्ट्स के केसेस तो आ ही रहे पैरेलली, तो उन्हीं केसेस को इंस्टीट्यूट हमारे सिलेबस में ऐड करता रहता है और कुछ केसेस को रिमूव भी करता रहता है. कि कीपिंग दैट अपार्ट, कंपनी लॉ की अगर मैं आज बात करता हूं तो कंपनी लॉ में से कोई भी केस रिमूव नहीं हुआ है. और इसी तरह से मैं एक एक करके आपके चैप्टर की बात करता रहूंगा
धीरे 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 बिफोर द एग्जामिनेशन. कंपनी लॉ में कोई भी केस लॉ रिमूव नहीं हुआ है और दो एडिशनल केस लॉस एड हुए हैं. अब ये चीज मैं एंड तक कहता रहूंगा, एडिशनल केस लॉस तो आपको पूरा घोट के जाना है. एडिशनल केस लॉस से एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा, 100% आएगा. तो पूरे सिलेबस की बात कर ले हम लोग, तो पूरे जून के लिए 10 एडिशनल केसेस ऐड किए होंगे और उनपे क्वेश्चंस आएंगे, मतलब आएंगे. तो आपको जो एडिशनल केसेस तो बहुत अच्छे से पढ़ना है और उनकी शीट तो जब आप एग्जाम में लेके जाएंगे ओपन बुक एग्जामिनेशन तो सबसे ऊपर अपने हाथ में रखनी है. तो यू हैव टू कीप देम हैंडी. एडिशनल केस लॉ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इन द कमिंग अटेम्प्ट, फॉर दैट मैटर इन एवरी अटेम्प्ट. चल तो वो मैं डिस्कस करूंगा. एंड फाइनली जो आज का पर्पस है, आई एम गोइंग टू लॉन्च समथिंग. वायर्ड चार्ट करके कंसेप्ट है विच आई एम स्टार्टिंग इन एमसीएस, तो वो मैं लॉन्च करूंगा और उस बारे में बात करेंगे. मतलब आप दीवाने हो जाओगे, अरे आप पागल हो जाओगे पागल, कि वायर्ड चार्ट का फंडा कैसे फंक्शन करता है. बट उसके लिए हम अभी रुकते हैं. जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा और हम एंड में, हमारा उद्देश्य यह है कि वायर्ड चार्ट भी मैं लॉन्च करूंगा. दिस इज गोइंग टू बी फॉर कंपनी लॉ. दीज टू चार्ट आर गोइंग टू बी फॉर कंपनी लॉ के वायर्ड चार्ट रहेंगे. इस तरह से धीरे 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 आपको पूरे एमसीएस के वायर्ड चार्ट मिलेंगे. चलिए यार छोड़ो, अब सबसे पहले हम यहीं पे थे. पेपर पैटर्न डिस्कस हो जाएगा, फिर क्विक रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद में एडिशनल न्यू केसेस जो कंपनी लॉ के रहने वाले हैं वो भी डिस्कस हो जाएंगे. जो एडिशनल न्यू केसेस आने वाले हैं, दो केसेस एडिशनल है मैं डिस्कस कर लूंगा. क्विक रिवीजन, जैसे कि मैंने आपको कहा मैं सारे एमसीएस के अंदर उन दो केसेस को हटा दूं तो मॉड्यूल के अंदर 66 केसेस है. तो हम 66 के 66 केसेस को हम रिवीज करने वाले हैं. ये केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4, केस नंबर 5, एक एक करके हम सारे केसेस को डिस्कस करने वाले हैं. सारे के केसेस को हम डिस्कस करने वाले हैं. सो द पॉइंट इज एकदम चिपक के रहना है और यहां पे बैक टू बैक हम सारे केसेस को वन लाइनर तरीके से रिवाइज करेंगे. वन लाइनर मतलब उस केस का टेक अवे क्या था, उस केस का प्रिंसिपल क्या था जो हमको लेके जाना था. तो सिर्फ वो प्रिंसिपल के तौर पे हम पूरा का पूरा कंपनी लॉ अभी खत्म करने वाले हैं. ये लेक्चर कौन देख सकता है? 100% लेक्चर वो व्यक्ति देख सकता है जिसने एक बार सारे केसेस पढ़ लिए. एक बार आपने सारे केसेस पढ़ लिए हैं तो उसके बाद में आपके लिए लीगल प्रिंसिपल आप रिवाइज कर सकते हैं, राइट? तो ये एक क्विक रिविजन कह सकते हैं, या फिर ये इस तरह से कह सकते हो कि आपका पूरे सारे केसेस पढ़ने से कभी कभी के माइंड में करेक्ट अप्रोच ही नहीं बैठी अभी तक, कि एक सही अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारी एग्जाम को लेके. तो वो करेक्ट जो अप्रोच वगैरह वो आपको उससे मिलेगी कि आपके लिए कभी भी कोई केस अगर आप पढ़ते हैं तो जब आप डिटेल में पढ़ रहे हैं तो उसके फैक्ट्स, उसके फिगर्स ये आपके लिए रेलेवेंट ही नहीं है. आपके लिए रेलेवेंट है सिर्फ उसके आउटलाइन ऑफ फैक्ट्स. एक फैक्ट्स का ओवरऑल आउटलाइन चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था, एंड उस केस में क्या लीगल प्रिंसिपल है जो आपके लिए टेक अवे. एक लीगल प्रिंसिपल होगा कि हाँ इस केस से ये सीखा. तो इस तरह से हर एक केस से आप कुछ ना कुछ सीखेंगे. तो वो हर एक केस से आपको क्या सीखना है, यहां से हमारा सेशन शुरू होगा. तो ये एमसीएस का मेरा पहला सेशन है. ऐसे सेशंस की सीरीज आएगी. तो जो एंड की, जैसे कि आज का सेशन इज मोस्टली डेडिकेटेड टू कंपनी लॉ. साथ में ऑफकोर्स पहला सेशन है तो मैं पेपर पैटर्न डिस्कस कर रहा हूं, कंपनी लॉ और वायर्ड चार्ट. इसी तरह से मैं आता रहूंगा. और जो मेरा लास्ट सेशन होगा उसका जो लास्ट टॉपिक होगा, जैसे कि ये इंट्रोडक्शन है, वैसे जो लास्ट सेशन का लास्ट टॉपिक होगा वो रहेगा हाउ टू राइट द आंसर्स. How to write answers in MCS. तो मेरा last session का last topic रहेगा. So just make sure that you are watching all the sessions. चलिए यार, अब बात करते हैं. Finally, let's start with respect to our revision. हाँ, एक और minor चीज. कभी भी हो सकता है lecture आपको भी late देख रहे हो, तो कभी भी आपको इस चीज की tension नहीं लेनी है कि सर मेरे attempt के लिए क्या, मेरे attempt के लिए आज जो मैं ये ले रहा हूँ ये June 20 के बाद के हर student के लिए relevant है. जैसे कि मैंने कहा जून 20, दिसंबर 21, हर एक स्टूडेंट के लिए लेक्चर रेलेवेंट है. लेकिन आपको कभी भी टेंशन नहीं लेनी है. आगे आपको, मतलब जब आपको नोट्स वगैरह मिलेंगे तब नोट्स के अंदर आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दिए होंगे. कभी भी आपको अगर लगता है कि सही मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे अटेम्प्ट के लिए क्या है, तो आपको उस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर देना है. एंड द पर्सन वुड गिव यू आपके एग्जैक्ट आपके अटेम्प्ट के लिए कौन कौन से केस लॉस रेलेवेंट है. तो आपके अटेम्प्ट के जो नोट्स होंगे वो आपको भेज दिए जाएंगे. तो आपको कभी भी लोड नहीं है मेरे लिए क्या, क्योंकि डिफरेंस माइनर होता है बस. तो हर अटेम्प्ट के लिए ऑफकोर्स आई विल बी कमिंग अप विद एडिशनल केसेस लॉस का वीडियो वगैरह एवरीथिंग. लेकिन कभी भी अगर आपको पैनिक आता है, कभी भी आप एकदम मिड ऑफ द ईयर में कभी होता है कि मेरे अटेम्प्ट के लिए कौन सा रेलेवेंट है, सो देन यू कैन जस्ट ड्रॉप अ व्हाट्सएप ऑन दैट नंबर एंड यू विल गेट कि आपके ईयर के लिए रेलेवेंट कौन सा है. आपको नोट्स के अंदर वो नंबर मिल ही जाएंगे. अभी क्लियर? चलिए यार, इसी जोश के साथ में लेट्स स्टार्ट द सेशन विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज पेपर पैटर्न ऑफ एमसीएस. एकदम सिंपल. चलो पेपर पैटर्न की बात करते हैं. पेपर पैटर्न के लिए कुछ चीजें आपके दिमाग में क्लियर कर लो पहले. जब मैं पेपर पैटर्न बता रहा हूं, ये एक ओपन बुक पेपर है. लास्ट सेशन के अंदर जब मैं बताऊंगा कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, तब एक और चीज मैं एड्रेस करता हूं कि एग्जाम में आपको क्या क्या लेके जाना है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एग्जाम में आपको क्या क्या लेके जाना है. एक आइडिया अगर अभी से उसका दूं मैं,
तो आपको एग्जाम में आपको लेके जाना है बल्कि मटेरियल लेके जाओ, बहुत सारी बुक लेके जानी लेके जाओ, लेकिन पहले से प्रिपेयर्ड होकर जाओ कि एक ही बुक को अपना भगवान मान के जाओ कि मुझे इसी बुक से सारे आंसर लिखने हैं। ये जो बाकी सब ले जा रहा हूँ ना, ये तो मैं सिर्फ ऑन द सेफर साइड होने के लिए लेके जा रहा हूँ। आप समझ रहे हो? अरे जैसे कि एग्जाम में हम कंपास बॉक्स लेके जाते हैं, अपना बॉक्स लेके जाते हैं, अपना डिसाइडेड है कि एक ही पेन है, इसी से पूरा पेपर लिखना है, लेकिन अगर कहीं कुछ हो गया तो सेफ साइड बाकी चीज है। अगर कोई स्टूडेंट ने इस तरह से तैयारी की कि हर एक आंसर के लिए वो अलग अलग बुक को रेफर करेगा, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। एक ही बुक को भगवान मान के लेके जाना है, लेकिन हाँ, टू बी ऑन द सेफर साइड बहुत सारी चीजें और साथ में लेके जानी होती है। तो मैं लास्ट सेशन के अंदर लास्ट में ये भी बताऊंगा व्हाट ऑल टू कैरी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। चलो, पेपर पैटर्न में सबसे पहले चीज आप सबको पता है, इट इज अ ओपन बुक एग्जामिनेशन। तो आप एग्जाम में बुक्स लेके जा सकते हैं, जितनी चाहे उतनी बुक्स लेके जा सकते हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स लेके जा सकते हैं, प्रिंटेड बुक्स लेके जा सकते हैं, मॉड्यूल लेके जा सकते हैं, कुछ भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा है कि क्या सर सिर्फ मॉड्यूल ले जाना अलाउड है? नहीं, आप कोई सी भी बुक लेके जा सकते हैं। क्लियर? आगे बात करते हैं अगला। इस पेपर के अंदर एग्जाम में कोई चॉइस नहीं रहती है, मतलब आपके पास 100 मार्क्स का ही पेपर आएगा और 100 मार्क्स का ही आपको लिखना है। देयर आर नो चॉइसेस इन दिस पर्टिकुलर पेपर, देयर आर नो चॉइसेस, मतलब जैसे कि जनरल क्वेश्चन में वन और टू में से कोई सा एक कर लो, ऐसी कोई चॉइस इस पेपर के अंदर नहीं आती है। एंड सिंस इट इज एन ओपन बुक एग्जामिनेशन, तो ओपन बुक भी दे दो, चॉइस भी दे दो, टू मच ऑफ आस्किंग हो जाएगा। सिंपल है, तो यहाँ पे कोई चॉइस नहीं आती। अब समझना पेपर पैटर्न होता कैसे है एग्जैक्टली। क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरीके से आता है कि आपका एक क्वेश्चन नंबर वन जो आता है उसके अंदर चार पार्ट्स होते हैं, ए बी सी एंड डी, और ये होता है 10 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर वन के अंदर चार सब क्वेश्चंस होते हैं विच आर फॉर 10 मार्क्स ईच। तो क्वेश्चन नंबर वन टोटल कितने मार्क्स का हो गया? 40 मार्क्स का। तो 40 मार्क्स का आपका पहला ही क्वेश्चन आता है। सो क्वेश्चन नंबर वन, उसके चार सब क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन 10-10 मार्क्स का होता है। ये क्वेश्चन केस लॉस पे होता ही नहीं है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है 40 मार्क्स का, ये मोस्टली केस लॉस पे होता ही नहीं है। ये एग्जाम में केस स्टडी आई होती है, जैसे कि कॉम्प्रहेंशन, जैसे आप बचपन में लिखते थे, तो आपको 3-4 पेज का एक कॉम्प्रहेंशन पैसेज दिया जाता है और उसके ऊपर चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम स्कूल के तो है नहीं बच्चे कि हमसे इस तरह की अपेक्षा करेंगे कि चार क्वेश्चन दिए हैं, इन इस पैसेज में से इन चार क्वेश्चन का आंसर ढूंढो और लिखो, तो ऐसा नहीं होता है। प्रोफेशनल, हम सीएस प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स हैं, तो इट इज नॉट दैट यू टू फाइंड द आंसर्स फ्रॉम द पैसेज। व्हाट यू हैव टू डू इज आपको वो पैसेज रीड करना है, फिर वो क्वेश्चन रीड करने, फिर उस पैसेज में जो डायरेक्शन दिए हैं और अपने थॉट प्रोसेस को इन दोनों को मिलाते हुए आपको अपना आंसर लिखना है। इन दोनों को मिलाते हुए आपको अपना आंसर लिखना है। आर वी अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी केस लॉ जो हम ये पढ़ते हैं ना, आपके सिलेबस जो 300 के आसपास केस लॉज हैं, वो केस लॉज को पढ़ के ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर नहीं होता। तो दिस इज समथिंग ऑल टुगेदर डिफरेंट। बट यहां पे ऐसा है कि एक सीएस के स्टूडेंट से अपेक्षा की जाती है, एक सीएस के स्टूडेंट से अपेक्षा की जाती है कि वो स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट इन सब चीजों में एकदम परफेक्ट हो। एकदम परफेक्ट हो मतलब कि उसको एक ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में भी चीजों का एक फेयर आइडिया हो। क्लियर है हम लोग? जनरली जो भी मार्केट में चल रहा था पिछले 1.5 साल से, उसी के ऊपर घुमा फिरा के वो एक केस स्टडी पूछ सकते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ जून की, तो जून की जो केस स्टडी आनी है जून 2020 में, कंसिडरिंग द कोरोना विच इज हैपेंड, जून की केस स्टडी कुड बी रिलेटेड टू हेल्थ इंडस्ट्री, इट कुड बी रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, और इट कुड बी रिलेटेड टू के एक कोई भी एक बीमारी का ओवरऑल ग्लोबल इम्पैक्ट कैसा होता है। तो हेल्थ इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, या फिर ग्लोबल इकोनॉमी पे जो इंपैक्ट होता है उसके ऊपर आपकी केस स्टडी आने की प्रबल संभावना है। सर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है टोटल प्रेजेंस ऑफ माइंड का क्वेश्चन होता है, इसके लिए द स्टूडेंट हुज रीडिंग नॉट फ्रॉम एग्जाम पर से, जो एक जनरलाइज रीडिंग बहुत करता है, उस स्टूडेंट को यहाँ पे बहुत बेनिफिट होने वाला है। बिकॉज के अंदर यू आर वेल अवेयर के इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, ग्लोबली क्या चल रहा है, सो दैट वही चीज़ों को आप अपने आंसर के अंदर मेक स्ट्रक्चर कर सकते हैं। जैसे कि उसके ऊपर मैं एक अलग सेशन लेने वाला हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे टैकल करना, बट एक फेयर आइडिया लेता हूँ कि आपको थोड़ा एक प्रिपेयर होकर जाना है कि अगर इंडिया से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो इंडिया में ओवर पॉपुलेशन, डेंसिटी, ये सब एक प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट, तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि अपने क्वेश्चन को इन चीज़ों से कैसे रिलेट करना है। तो आपको अपना आंसर लिखना होता है करंट सिनेरियो में प्रेजेंस ऑफ माइंड से, कीपिंग एवरीथिंग अपार्ट। अभी सो जो क्वेश्चन नंबर वन होता है, क्वेश्चन नंबर वन होता है उसमें एक पैसेज आता है और उस पर चार क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 10 मार्क का, तो ये हो गया 40 मार्क्स का पेपर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर टू में दो क्वेश्चन आते हैं, दैट इज फॉर 6 मार्क्स ईच, ये हो गया
12 मार्क्स का। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, मतलब 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर इसका टोटल करते हैं तो हो जाता है 100। आर वी अंडरस्टैंडिंग? सो जो पहला क्वेश्चन आया है वो पहला क्वेश्चन आता है 40 मार्क्स का, उसके बाद में 12-12 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं तो वो हो गया 60 का। हर एक क्वेश्चन में दो सब क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन में दो सब क्वेश्चन होते हैं 6 मार्क्स ईच के। तो अगर मैं और सिंप्लीफाई कर दूं आपके लिए तो आपका पेपर पैटर्न कुछ ऐसा है कि आपके 6 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, आपके पेपर में चॉइस तो है ही नहीं है, तो 6 मार्क्स के 10 क्वेश्चन है 60 और 10 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है दैट इज 40। 6 मार्क्स के 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, तो ये हो गया 40 एंड 60। ये जो 60 मार्क्स के क्वेश्चन हैं दे आर डैम वेरी स्कोरिंग, ये जो 60 मार्क्स है दैट इज डैम वेरी स्कोरिंग। आई एम टेलिंग यू ये 40 मार्क्स बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बट ये 40 मार्क्स उतना स्कोरिंग नहीं है, उतना स्कोरिंग नहीं है, लेकिन ये 60 मार्क्स इज डैम स्कोरिंग। और ये 60 मार्क्स के लिए हम लोग पढ़ते हैं वो 300 केस लॉस। तो जो 300 केस लॉस हम एग्जाम में पढ़ के जाते हैं, इन 300 केस लॉस से ही मोरलेस क्वेश्चन बनाते हैं वो घुमा फिरा के, और वो क्वेश्चन होते हैं ये 10 क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स ईच। आर वी अंडरस्टैंडिंग? तो ये जो इतने सारे हम केस लॉस पढ़ते हैं ना, ये हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम इन क्वेश्चन को करेक्टली आंसर कर पाए। ये जो क्वेश्चन है ना हमारे, ये वाले क्वेश्चन कह रहा हूं, नीचे वाले क्वेश्चन 6-6 मार्क्स वाले, तो इन क्वेश्चन को आप करेक्टली आंसर कर पाओ, इस कारण से हम पढ़ते हैं सारे केस लॉस। आर वी अंडरस्टैंडिंग? आई होप यू आर ऑल थरो केस लॉस एंड ये केस स्टडी क्वेश्चन जो आता है, आपने जिन लोगों ने मॉड्यूल अच्छे से पढ़ी तो आपके कुछ चैप्टर नंबर 6 के आसपास ऐसे कुछ केस स्टडीज दे रखी है, राइट, केलॉग्स की दे रखी है आपको, वहाँ पे आपको उसके अलावा अमूल की दे रखी है, तो ऐसे कुछ केस स्टडीज दे रखी है, वो एग्जाम्पल है। वैसे एग्जाम में कुछ नया आएगा, एक बार रीडिंग हम करके जाते हैं लेकिन वो एग्जाम्पल एग्जाम में कुछ नया आएगा। ये होता है, उन 40 मार्क्स के लिए एक अलग सेशन रखूंगा मैं, सिंपल सा हम लोग बैठेंगे बात करेंगे। आज का जो टारगेट है, कमिंग बैक टू द टॉपिक, दैट इज कंपनी लॉ। अमंग ऑल द चैप्टर्स जो केस स्टडी के चैप्टर्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंपनी लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कंपनी लॉ, वही हमारा आज का उद्देश्य है। एम आई क्लियर? चलिए आ रहा हूँ फुल स्पीड में। आप लोग क्या करेंगे, ये कहीं पे पेन डाउन कर लेंगे, पूरे सेशन के अंदर आप लोग मेरे साथ में लिखने की कोशिश नहीं करेंगे कुछ भी, मैं आपको कहूँगा पूरे के पूरे नोट्स मैं आपको दूंगा, तो आपको मेरे साथ में लिखने की कोशिश नहीं करना है, ठीक है? तो एनीवेज ये हमारे क्विक समरी नोट्स हैं, रेगुलर नोट्स कुछ और ही रहते हैं, ये हमारे क्विक समरी नोट्स हैं, तो ये मैं पूरे के पूरे आपको दूंगा, आपको साथ में लिखने की जल्दबाजी नहीं करनी है, जब मैं बोलूँ तब आपको लिखना, तो एक बार फुल स्पीड में पेपर पैटर्न लिख लो, फुल स्पीड में पेपर पैटर्न। Yes people, so I hope you're done with writing it down and now let's start the chapter. आज का उद्देश्य है कि हम फटाफट सारे केस लॉस रिवाइज करेंगे, और अब अभी तक मैं बड़े शांति हिसाब से बात कर रहा था, अब जो मैं बात करूंगा मैं फुल स्पीड में बात करूंगा, इसी तरह से बात करूंगा, सो दैट मैं ये चाहता हूं कि ये जो रिवीजन हमारा है ना, ये आप बार 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 देख सके। अरे जो पहले 20 मिनट्स का सेशन था, ये पेपर पैटर्न, ये तो एक ही बार समझना है, इसको रिवाइज थोड़ी ना करना है, तो ये एक बार देख लिया स्टोरी ओवर, एंड आफ्टर फिर टाइम सेट करके देखोगे कि ये जो 20 मिनट के बाद का है ये हमें एग्जाम के पहले कम से कम 10 बार देख लेना, तो इतनी बार देखोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और मैं खुद ही 2x पे पढ़ाऊंगा ताकि आपको 2x करने की आवश्यकता ना पड़े। तो जिन बच्चों ने 2x कर रखा है तो आप इसको नॉर्मल कर लो। चलो यारो
चैप्टर वन कंपनी लॉ की बात करते हैं, तो कंपनी लॉ के अंदर हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ने हैं रेगुलर केसेस 66 रेगुलर केसेस हमको पढ़ने हैं जो कि हमारे मॉड्यूल में दिए थे, एंड वी हैव टू रीड टू एडिशनल केसेस. तो 66 रेगुलर केसेस 1 टू 66 आएंगे, एंड देन एडिशनल केस 1 एडिशनल केस 2 आएगा. क्लियर है यार वहां पे? चलो उसके बाद में बात करते हैं हम लोग ये वायर्ड चार्ट. वायर्ड चार्ट में आपको टुवर्ड्स द एंड समझाऊंगा कैसे फंक्शन करता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई केस लॉ मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपकी बुक, आपने अगर कहीं और पढ़ा था तो रेगुलर बुक आपकी, अगर आपने मॉड्यूल से पढ़ा था तो मॉड्यूल में आपको आपके केस लॉस को मेरे हिसाब से नंबर कर देना. तो यहाँ पे ये जो 66 है ना, ये 66 केस लॉस के नंबर है, तो आपको आपके केस लॉस को मेरे हिसाब से नंबर कर देना है. मैंने वैसे भी 1, 2, 3, 4 ही फॉलो कर रखा है, जैसे कि ये पहला केस है तो पहले केस के ऊपर नंबर दिख रहा है आपको 1 कनोडिया नेट्स का. इसी तरह से हर एक केस लॉ का अपना अपना नंबर है, और ये मैंने मॉड्यूल में 1, 2, 3, 4 क्रोनोलॉजिकली दिया है. तो आपने कुछ नहीं करना है, आपको मेरे हिसाब से आपके केस लॉस को नंबर कर देना है, ताकि एग्जाम में आपको याद आ रहा है केस नंबर 25 फटाफट 25 पे कर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे, चाहिए तो वीडियो पॉज करेंगे और 1 to 66 को नंबर कर लेंगे. 1 to 66 वन स्टार्ट हो रहा है अपना कनोडिया से, ठीक है, कनोडिया से बैक टू बैक कंपनी का लास्ट केस आता है 66 पे. चलो यारो, कीपिंग एवरीथिंग अपार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट केस लॉ. द फर्स्ट केस लॉ इज कनोडिया निट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आरओसी दिल्ली एंड हरियाणा स्ट्राइकिंग ऑफ नेम ऑफ द कंपनी. पहले एक आपको मैं आइडिया देता हूं कि किस तरह से आपको आपका पेज दिखेगा. आपके ऊपर सबसे ऊपर लिखा होगा आपका केस लॉ का नाम और उसका नंबर, फिर यहां पे कॉर्नर में आपको दिखेगा उसका टॉपिक, तो किस टॉपिक के ऊपर का केस लॉ है. अरे कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, टॉपिक अपन को केस लॉ याद ही नहीं आ रहा है, तो अपने पता है कि इसके अंदर स्ट्राइकिंग ऑफ दिख रहा है, स्ट्राइकिंग ऑफ ढूंढ लिया फटाउट कि हाँ स्ट्राइकिंग ऑफ का केस लॉ तो ये रहा टॉपिक. टॉपिक के बाद में रहेगा उसका आपका मेन लीगल प्रिंसिपल, दिस इज द टेक अवे जो आपको लेके जाना है. और यहाँ पर सिंपल एक इमेज रहेगी जिससे कि आपको केस लॉ याद रहे, इमेज पिक्चर मेमोरी. हमारे वैसे 66 केसेस की 66 में कुछ केसेस की इमेज नहीं होती है, तो मोरल आप समझिए आपके 60 केसेस की इमेजेस रहेगी जिससे कि आपको याद हो जाए अरे हाँ ये वाला. पिक्चर मेमोरी एक व्यक्ति की ज्यादा अच्छे से काम करती है. चलो यारो छोड़ो, पहला केस कनोडिया निट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आरओसी, इसके अंदर क्या हेल्ड किया था कोर्ट ने, एनसीएलटी हैज हेल्ड कंपनी कुड नॉट प्रूव दैट इट वाज कैरिंग ऑन बिजनेस प्रोड्यूस फेक बिल्स विच एनसीएलटी आइडेंटिफाइड टू बी फेक एज द कंपनीज नेम वाज स्ट्रिकन ऑफ. यहां पे अगर इस केस लॉ को आप याद करोगे तो ऐसा कुछ हुआ था कि उन्होंने कंपनी के नेम को स्ट्राइक ऑफ कर दिया था, फिर उन लोग अपील करके आए कि हमारी कंपनी को कैसे स्ट्राइक ऑफ कर दिया, हम तो बिजनेस कर रहे थे, हम तो सारी चीजें कर रहे थे. उन्होंने दो चीजें रेस की, एक तो कि हम बिजनेस कर रहे थे, हमें राइट ऑफ हमें स्ट्राइक ऑफ मत करो, और दूसरी चीज उन्होंने बोली थी कि हम तो हमारे पास तो बिल्स भी बिजनेस के और आपने हमें नोटिस नहीं दिया. तो जब एनसीएलटी ने इसको हेल्ड किया तो एनसीएलटी ने कहा पहले तो नोटिस सारे दिए हुए हैं, उसका पूरा एफिडेविट आया आरओसी से कि नोटिस दिए, बात खत्म. अब बिजनेस कर रहे थे तो इस कनोडिया निट्स प्राइवेट लिमिटेड ने प्रूफ के तौर पे दो बिल सबमिट किए कि ये दो बिल है, देखो हम तो बिजनेस कर रहे थे. और यहीं पे कोर्ट ने जब उसमें एनालाइज किया, पता चला कि ये जो बिल्स है इस पे जो परचेजर के एड्रेस दिए वो भी इन्हीं के एड्रेस है, जो सेलर के एड्रेस दिए वो भी इन्हीं के एड्रेस है, तो पता चला है तो फ्रॉड है. तो यहाँ पे ये दो बिल्स को भी सेटिसफाइड किया गया और फाइनली हेल्ड किया गया नहीं, आपकी कंपनी का नाम बंद कर दिया जाएगा, एंड द नेम ऑफ द कंपनी वॉज स्ट्रिकन ऑफ. चलो तो पहला केस लॉ का टेकअवे रहा, कंपनी कुड नॉट प्रूव दैट इट वाज कैरिंग ऑन बिजनेस प्रोड्यूस्ड फेक बिल्स व्हिच एनसीएलटी आइडेंटिफाइड टू बी फेक, हेंस द कंपनीज नेम वाज स्ट्रिकन ऑफ, दैट इज द फर्स्ट केस लॉ. चलो ठीक है, क्लोज डाउन बंद कर देंगे कनोडिया नेट्स को, बंद कर देंगे. चलो सेकंड केस बहुत ही प्यारा केस था, दैट वाज जॉन थॉमस वर्सेस डॉक्टर के जगदीशन, सुप्रीम कोर्ट का केस था. ये टॉपिक था किस पे, डिफेमेशन पे. इस केस के अंदर क्या होता है, एक फेयर आइडिया अगर आपको दूंगा तो इस केस के अंदर क्या हुआ था कि एक व्यक्ति था जो कैरिकेचर्स ड्रॉ करता था न्यूज़पेपर में, उस व्यक्ति ने कैरिकेचर ड्रॉ किया जिसमें एक हॉस्पिटल को दिखाया कि हॉस्पिटल किडनीज वगैरह इन सब चीजों की ब्लैक मार्केटिंग में इन्वॉल्व है, ब्लैक मार्केट में इन्वॉल्व है. इस तरह का एक कैरिकेचर बनाया था, ड्रॉइंग बना के उसने न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दी. कंपनी का डायरेक्टर गया कि ये क्या चल रहा है, आप हमारी कंपनी के अगेंस्ट ऐसा डिफेमेशन की चीजों को कैसे डाल सकते हैं. तो सामने वाले कंपनी के न्यूज़पेपर के एडिटर ने क्या ग्राउंड लिया कि सुनो हमने कंपनी के अगेंस्ट डिफेमेशन किया तो हमारे अगेंस्ट कंपनी केस फाइल करेगी. डायरेक्टर आप कैसे आ रहे हो, आपके पास क्या लोकल स्टैंड है, आप किस बेस पे आके केस फाइल कर रहे हो. तो यहां पे उस डायरेक्टर गया था सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया लीगल प्रिंसिपल. यहां से हम क्या लेके घर जाएंगे, यहां से हम ये प्रिंसिपल लेके घर जाएंगे कि क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि इवन अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी कैन फाइल अ केस ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी फॉर डिफेमेशन. डायरेक्टर कैन फाइल अ केस ऑफ डिफेमेशन इवन इफ द डिफेमेशन इज अगेंस्ट द कंपनी. डिफेमेशन कंपनी के अगेंस्ट तो भी डायरेक्टर केस फाइल कर सकता है, डिफेमेशन कंपनी के अगेंस्ट तो भी डायरेक्टर केस फाइल कर सकता है. डिफेमेशन अगेंस्ट अ कंपनी कैन ही फाइल अ केस, यस कंपनीज डायरेक्टर कैन फाइल अ केस. चलो यारो दो केसेस हुए हमारे. थर्ड केस जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस जयपुर मेटल इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. ये केस किसके ऊपर था, वाइंडिंग अप. अब आप देखो कि कंपनी लॉ के अंदर वाइंडिंग अप पे बहुत सारे केसेस हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इतने सारे केसेस के अंदर हमारे काम का केस क्या, तब काम आएगा वायर्ड चार्ट.
बाद में आऊंगा उसके ऊपर। तो इसके अंदर क्या हुआ था, सुनना ध्यान से बहुत आराम से। अरे इमेज तो देखो, इमेज तो देखो, क्या प्रूफ हो रहा है वहां पे सिंपल तरीके से, दैट हाई कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा है वाइंडिंग अप का, तो उस केस को टुपुक करके कहां भेज दिया जाएगा, एनसीएलटी के पास। उस केस को भेज दिया जाएगा एनसीएलटी के पास। देखो क्लियरली, वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग विल बी हैंडल्ड बाय हाई कोर्ट, नो इट विल बी हैंडल्ड बाय एनसीएलटी। जब एनसीएलटी आ चुका है तो सारे जो भी वाइंडिंग अप के केसेस वो कहां जाएंगे, एनसीएलटी के पास जाएंगे। केस लॉ नंबर 3 जयपुर मेडल्स का वाइंडिंग अप का, इसने कहा कि कोई भी केस अगर हाई कोर्ट में है वाइंडिंग अप का, तो उसको डुबुक करके कहां भेज दिया जाएगा, उसको भेज दिया जाएगा एनसीएलटी के पास। नेक्स्ट केस 4th, बैंक स्ट्रीट सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस रीजनल डायरेक्टर नथन रीजन एनसीएलटी। ठीक है, ये केस किसके था, एनबीएफसी अमालगमेशन आरबीआई। बहुत ही तूफान केस था ये भी। इस केस के अंदर क्या हुआ था, आप मान लीजिए एक ग्रुप कंपनी थी, उसने एप्लीकेशन दी थी कि हम डीमर्जर करना चाहते हैं। ये एप्लीकेशन आ गई, इस एप्लीकेशन के अंदर एक ग्राउंड के ऊपर इसको अपोज किया गया कि आपके ग्रुप के अंदर कुछ कंपनीज हैं जो एनबीएफसी एक्टिविटीज कर रही है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की एक्टिविटीज कर रही है। तो अगर ऐसी कंपनी है तो हम आपका डीमर्जर सिर्फ तब अलाउ करेंगे जब आप आरबीआई का अप्रूवल लेकर आएंगे। तो इस केस को बहुत लंबा चौड़ा चला कि क्या ये, क्या हमारी कंपनी एनबीएफसी का बिजनेस कर रही है नहीं कर रही है। तो वो कंपनी बोले नहीं, एनबीएफसी का कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने सेटिंग अप के अंदर पढ़ा है एग्जीक्यूटिव में, एनबीएफसी के लिए 50-50 रूल होता है कि आपकी इनकम का 50% होना चाहिए फाइनेंशियल इनकम, आपके असेट्स का 50% होना चाहिए फाइनेंशियल असेट्स। तो यहां पर उन्होंने बोला कि हमारी तो इनकम जीरो है, तो फाइनेंशियल इनकम की बात ही नहीं आती है। कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपके असेट्स बिल्कुल हैं, आप उसकी डिटेल भी नहीं दे रहे हैं, तो हम आपको मानेंगे फाइनेंशियल कंपनी। और सिंस आपकी कुछ कंपनीज एनबीएफसी हैं, तो अगर आपको डीमर्जर करना है तो आरबीआई का अप्रूवल अनिवार्य है। जब तक आरबीआई का अप्रूवल नहीं लाओगे, तब तक हम आपको किसी भी हालत में डीमर्जर अप्रूवल नहीं देंगे। व्हाट वाज हेल्ड, इफ अ कंपनी इज कैरिंग ऑन एनबीएफसी एक्टिविटीज, इट आल्सो नीड्स आरबीआई अप्रूवल फॉर अमालगमेशन मर्जर। फोटो किसका लगाया हमने, आरबीआई आरबीआई आरबीआई। तो दिमाग में याद आ जाना चाहिए, अरे आरबीआई का अप्रूवल, अरे हाँ वो वाला केस है, केस नंबर 4। तो अब उससे क्या होगा, मान लो आपके हाथ में शीट्स है, तो फटाफट आरबीआई वाला, अरे ये आरबीआई वाला केस हुआ, फटाफट आप हर एक पेज के ऊपर फटाफट से रीड नहीं कर पाओगे, लेकिन हर एक पेज की इमेज आप फटाफट से देख पाओगे। और कंपनियों के 66 पेजेस में से अगर केस ढूंढना है तो बहुत आसान हो जाएगा। तो यहां पे ऐसा कहा गया था कि अगर एनबीएफसी का केस है, तो एनबीएफसी कंपनी है, मर्जर डीमर्जर करना है, तो किसका अप्रूवल चाहिए, आरबीआई का अप्रूवल चाहिए, मतलब चाहिए। क्लियर है हम लोग, चलो यारो नेक्स्ट आता है केस तो नंबर 5। ये तो तूफान केस था, इसके बारे में जितना बोलूं उतना कम है। द नेम ऑफ द केस वाज द एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड अनदर वर्सेस लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस। इस केस को तो मैं हर एक स्टूडेंट को सजेस्ट करूंगा कि गूगल पे जाके, विकिपीडिया पे जाके इस केस को बहुत डिटेल में पढ़ना। दिस केस इज फेमस एज द गांधी फैमिली केस, और साथ में आपको फोटो के पीछे दिख रहा है नेशनल हेराल्ड केस। इसके अंदर कुछ ऐसा था कि जब इंडिया के इंडिपेंडेंस के समय की बात कर रहा हूं, तब जवाहरलाल नेहरू साहब का एक आइडिया था, उनका ब्रेन आइडिया था, उनका ब्रेन चाइल्ड था कि कंपनी को फॉर्म करते हैं विद द मनी ऑफ होम ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। तो 5000 फ्रीडम फाइटर्स ने थोड़ा 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 पैसा दिया था, और उससे कंपनी फॉर्म की थी हमने, और वो कंपनी का बिजनेस एक ही था, जर्नल, एसोसिएटेड जर्नल्स, जर्नलिज्म में था उनका कोई और इंटरेस्ट नहीं था, उनका इंफॉर्मेशन, उनका इंटेंशन था कि सिर्फ जो सही इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक तक पहुंचाई जाए। इस उद्देश्य से हमने एक कंपनी फॉर्म की, द एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड। किसने, सारे फ्रीडम फाइटर्स के पैसे से, बहुत साल पहले। जवाहरलाल नेहरू साहब का वो आइडिया था, तो उनके हाथ में उसका कंट्रोल था। ठीक है, समय चल रहा है, 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 इन्होंने बस छोटे से कैपिटल से कंपनी को फॉर्म किया था। बट उस टाइम पे जो इन्होंने लैंड खरीदे, जो इन्होंने ऑफिस खरीदे बड़े बड़े से, तो उस ऑफिस की वैल्यू हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में चली गई आज की तारीख में। उन असेट्स की वैल्यू गई हंड्रेड्स ऑफ करोड़ के अंदर, और फिर वो वॉज इन द कंट्रोल ऑफ गांधी फैमिली देन। कंट्रोल मतलब उनकी बात वहां पर चलती थी, बट शेयर होल्डिंग उनके हाथ में नहीं थी। शेयर होल्डिंग किसके हाथ में थी, यस करेक्ट, शेयर होल्डिंग थी फ्रीडम फाइटर्स के हाथ में। तो यहां पे सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी ने क्या किया था, एलिस्ट बात बता रहा हूं, केस ऑफ कोर्स कोर्ट के अंदर चल रहा है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसी केस को, इन्होंने एक नई सेक्शन 25 कंपनी फॉर्म की। सुनना ध्यान से, इन्होंने एक नई सेक्शन 25 कंपनी फॉर्म की। सेक्शन 25 कंपनी 1956 में, जो कि 2013 एक्ट के अंदर सेक्शन 8 कंपनी है, वो फॉर्म की। उसके अंदर पहले तो किसी और की शेयर होल्डिंग रखी, फिर जैसे जैसे एसोसिएट जर्नल को पूरा इनकी होल्डिंग में दे दिया, मतलब देन एसोसिएट जर्नल वॉज कंप्लीटली हेल्ड बाय दिस सेक्शन 8 कंपनी। एंड देन ये जो इन्होंने यहाँ पे फेक लोगों को अपॉइंट किया था ना एज शेयर होल्डर, उनको हटा के सोनिया गांधी, राहुल गांधी खुद शेयर होल्डर बन गए। तो मैं एकदम समरी में बताऊंगा इस बात को। तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी साहब ने एलिज्ड ऐसा है कि उन्होंने अपने फायदे के लिए कुछ माइन्यूट पैसे में पूरा ये हंड्रेड्स ऑफ करोड़ की कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लिया था, और ये केस गया था कोर्ट में। यहां पे हमने इतना सा हेल्ड किया था, इफ अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड फॉर अ फ्रॉडुलेंट पर्पस, कॉर्पोरेट विल कैन बी लिफ्टेड। तो सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 25 कंपनी जो फॉर्म की थी फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए की थी, तो उद्देश्य वाज व्हाट, कि ये जर्नल का जो ये करोड़ों का पैसा है उसको हम हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में ले सकें। तो इसके फैक्ट्स में डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन यहां पे इतना सेल किया गया था कि अगर आपने कंपनी को फॉर्म किया जस्ट फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस, देन कॉर्पोरेट विल हैज टू बी लिफ्टेड। आर वी अंडरस्टैंडिंग, चलिए यार
आपको 10-10 सेकंड मिलेंगे हर एक केस में, फटाफट से सारे केस को देखोगे। Yes, people. जब आपको रिवीजन का टाइम मिल रहा है, मैं आपको हर एक केस का दूंगा, आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है केस का नाम, the Associate Journals Limited and other versus Land and Development Office, okay. उसके बाद में पढ़ना है उसमें क्या हेल्ड किया गया था, कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर फ्रॉड, इफ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस कॉर्पोरेट कैन बी लिफ्टेड ऑफ, इमेज को देखना है, ताकि तीनों चीजें आपके दिमाग में स्थिर हो जाए, ताकि अगली बार एग्जाम में कोई भी सिमिलर क्वेश्चन है, अरे वो वाला किसमें, अरे वो सोनिया गांधी राहुल गांधी का फोटो था, ढूंढा फोटो, अरे हाँ ये वाला केस है, देयर आफ्टर रेफरेंस देकर आंसर लिखना शुरू। आंसर कैसे लिखना है ये सब बाद में देखेंगे, हम लोग वापस कंटिन्यू करते हैं रिवीजन पे। नेक्स्ट केस इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस श्री अंबिका मिल्स, गवर्नमेंट कंपनियां केस है, बहुत ही आसान से केस है कि हर एक स्टूडेंट एग्जीक्यूटिव में पढ़ा होगा, इफ गवर्नमेंट इज होल्डिंग मेजोरिटी शेयर्स इन अ कंपनी इट डज नॉट मेक द कंपनी अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कि अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है इसका मतलब ये नहीं है कि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट कंपनी एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर टू सेपरेट कॉन्सेप्ट्स, कि कोई भी कैसी कंपनी जहां 51% और मोर शेयर्स आर हेल्ड बाय गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट कंपनी, स्टेट या फिर सेंट्रल या फिर कॉम्बिनेशन में, दैट्स अ गवर्नमेंट कंपनी, बट डज नॉट मेक दैट अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। एग्जीक्यूटिव का एक एग्जाम का क्वेश्चन है कि अगर कोई एक कंपनी जिसके अंदर गवर्नमेंट का स्टेक हो गया 55%, ठीक है, अगर उनके जो इंप्लॉइज है क्या उनको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का बेनिफिट मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कंपनी के इंप्लॉइज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं होते, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के इंप्लॉइज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दोनों अलग हैं, तो सिर्फ एक कंपनी जो कि गवर्नमेंट कंपनी हो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं बनती, तो इफ गवर्नमेंट इज होल्डिंग मेजोरिटी शेयर्स इन अ कंपनी इट डज नॉट मेक द कंपनी अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और समरी गवर्नमेंट कंपनी इज नॉट अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। BHEL, भेल, ऐसे हजारों एग्जांपल मिल जाएंगे हमको जो कि गवर्नमेंट कंपनीज तो हैं लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, भेल भेल भेल। चलो सिक्स, उषा मार्टिन वेंचर्स लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस उषा मार्टिन लिमिटेड एंड अनदर, इसके अंदर क्या हेल्प किया गया था, लेंडर SBI वाज अलाउड टू फाइल एन इंटरवेंशन एप्लीकेशन इन केस ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट अगेंस्ट द बोरोअर कंपनी। समझना ध्यान से, XY के अगेंस्ट केस फाइल कर रहा है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का, समझना ध्यान से, यहां पे बहुत सारे केसेस ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के, तो ऊपर दिख रहा है इंटरवेंशन एप्लीकेशन ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, तो यहां पे भी वायर्ड चार्ट काम में आएगा, एंड में बताऊंगा कैसे। तो यहां पे एक व्यक्ति ने, समझ लीजिए एक व्यक्ति या कंपनी ने केस फाइल किया अगेंस्ट कंपनी फॉर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, ठीक है, यहां पर SBI आया कि मैं भी लेंडर हूं, मैं यहां पे कुछ कहना चाहता हूं, आई वांट टू फाइल एन इंटरवेंशन एप्लीकेशन, बट क्वेश्चन ये आया क्या लेंडर को ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में लाया जाएगा, ऑपरेशन मैनेजमेंट इज बिटवीन शेयर होल्डर एंड द कंपनी, शेयर होल्डर कह रहा है कि इस कंपनी ने मेरे साथ ऑपरेशन किया मिसमैनेजमेंट किया, लेंडर हैज नो रोल टू प्ले देयर, सो द क्वेश्चन वाज विल अ लेंडर बी अलाउड टू फाइल अ इंटरवेंशन एप्लीकेशन, कोर्ट हेल्ड कि यहां पे SBI वाज अ लेंडर तो SBI को अलाउ किया गया, यहां पे एग्जाम में क्वेश्चन में HDFC पंजाब नेशनल बैंक कुछ भी दे सकते हैं आपको, कोई भी बैंक है जो कि लेंडर है तो उसको इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल करना अलाउ किया गया था, और इन फैक्ट्स के अंदर SBI द लेंडर इवन हैड द राइट टू अपॉइंट अ नॉमिनी डायरेक्टर। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही आएगा आपके साथ कि एक बैंक है वो लेंडर है, ये दो लोगों के बीच में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट चल रहा है, क्या ये बैंक इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल कर सकती है, कोर्ट हेल्ड येस द बैंक कैन फाइल एन इंटरवेंशन एप्लीकेशन इफ द बैंक ऑल्सो हैज अ राइट टू अपॉइंट अ नॉमिनी डायरेक्टर, बैंक कैसे अगर नॉमिनी डायरेक्टर भी अपॉइंट करने का राइट है तो बैंक इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। आप मुझसे ये नहीं पूछ सकते कि सर मान लीजिए ऐसा आता है कि उसका नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करने का राइट तो नहीं है, ऐसा कभी नहीं आएगा, बिकॉज हम केस जो एग्जाम में आएंगे दे विल बी बेस्ड ऑन केस लॉज, सो वो लोग फैक्ट्स तो हमेशा सेम रखेंगे, फैक्ट्स हमेशा सेम रखेंगे। मान लेते हैं एकदम पथर सिनेरियो में अगर क्वेश्चन आता है कि लेंडर के पास राइट है कि नहीं है, तो हम ऐसा आंसर लिखेंगे इफ पहले तो आप रेफरेंस देंगे द केस इज वेरी सिमिलर टू दिस केस, केस नंबर 7 उषा मॉडर्न वेंचर्स लिमिटेड वाला केस, एंड देयर आफ्टर आप वहां पे लिखेंगे दैट इफ द लेंडर हैज अ राइट टू अपॉइंट अ नॉमिनी डायरेक्टर द लेंडर आल्सो हैज अ राइट टू फाइल एन इंटरवेंशन एप्लीकेशन। आर वी अंडरस्टैंडिंग? उषा मार्टिन इंटरवेंशन एप्लीकेशन SBI इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। नेक्स्ट,
Med Windmills Private Limited versus Mineral Enterprises Limited and another. NCLT का केस है, सिंपल सा केस है. Any pending case through investigation is not bar for any merger, demerger, amalgamation. क्या कह रहे हैं सुनना ध्यान से. आज क्या हुआ, मान लीजिए एक कोई भी कंपनी amalgamation करना चाहती है, merger करना चाहती है, demerger करना चाहती है, तो उसको अलाउ ही नहीं किया ये बोलते हुए कि आपके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है. फॉर एग्जाम्पल एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, दे आर प्लानिंग टू अमालगमेट, लेकिन एक्स लिमिटेड के अगेंस्ट तीन चार केसेस चल रहे हैं. सो देन द कोर्ट डिसअलाउड कि नहीं, हम आपको, आपके अगेंस्ट अगर केस चल रहा है तो हमको आपको अमालगमेशन मर्जर नहीं करने देंगे. तो उन्होंने अपील की एनसीएलटी में कि हे एनसीएलटी ये क्या बात हुई. तब एनसीएलटी ने हेल्ड किया कि किसी भी कंपनी के अगेंस्ट कोई भी सूट, कोई भी इन्वेस्टिगेशन, कोई भी केस चल रहा है, फिर भी वो कंपनी अमालगमेशन मर्जर कर सकती है. तो वो जो केस है वो कंटिन्यू होगा विद द कंटिन्यूइंग कंपनी. तो जो कंपनी बाद में कंटिन्यू कर रही है उसके ऊपर वो केस कंटिन्यू होगा. बट केस है, ये एक बार नहीं है कि आपके केस पेंडिंग केस है तो आप अमालगमेशन मर्जर डीमर्जर कर नहीं सकते. ऐसा कुछ नहीं है, आपके केस पेंडिंग केस है फिर भी आप अमालगमेशन डीमर्जर मर्जर कर सकते हैं. एनी पेंडिंग केस ड्यू टू इन्वेस्टिगेशन इज नॉट अ बार फॉर एनी मर्जर डीमर्जर और अमालगमेशन. तो इन्वेस्टिगेशन चल भी रही है तो भी आपका अमालगमेशन मर्जर डीमर्जर हो सकता है. आर वी अंडरस्टैंडिंग. केस नंबर नाम, केस तो नंबर 9, बचाव गुजर वर्सेस कमीशन इनकम टैक्स. बहुत ही तूफान केस था यहाँ पे. यहाँ पर एक लेडी थी, उस लेडी को क्या हुआ, सुनना ध्यान से, उस लेडी को एक कंपनी से डिविडेंड इनकम मिली. सुनना वेरी केयरफुली. द कंपनी वॉज इन टू सम बिजनेस, से फॉर एग्जाम्पल टी, तो उनका एग्रीकल्चर इनकम था. तो एग्रीकल्चर इनकम पे एग्जम्पशन देती है गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उस कंपनी की जो इनकम हुई, फॉर एग्जाम्पल कंपनी की इनकम हुई 100 करोड़, कंपनी की इनकम हुई 100 करोड़, तो 100 करोड़ में से 60 करोड़ को एग्रीकल्चर माना, तो 60 करोड़ एग्जम्प्ट, और सिर्फ 40 करोड़ के ऊपर उनसे टैक्स लिया गया. टैक्स ले लिया, फिर जो पैसा आया इस पैसे से उस कंपनी ने दे दिया डिविडेंड. मिसेस गुजदार जो है उनको मिला डिविडेंड. मिसेस गुजदार क्या बोले, ये जो मुझे डिविडेंड मिला है ना, फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड मुझे मिला है 100 रुपए का, तो इस 100 रुपए में से 60 रुपीज जो है वो तो मेरा एग्रीकल्चर इनकम है, तो 60 रुपीज में टैक्स, टैक्स में दूंगी सिर्फ 40 रुपीज में. तो ये नया ही केस आया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने कि यार डिविडेंड इनकम जो आ गई है उसके अंदर भी क्या एग्रीकल्चर इनकम का प्रोपोर्शन पे एग्जम्पशन दिया जाएगा क्या. तो द कोर्ट हेल्ड नो, दैट एग्रीकल्चर इनकम तो जो डायरेक्टली एग्रीकल्चर का काम कर रहा है सिर्फ उसको बेनिफिट मिलेगा. अगर उसने एक बार बेनिफिट ले लिया है फिर उसके शेयर होल्डर डिविडेंड भी बेनिफिट लेंगे तो ऐसे काम चलेगा नहीं. उन्होंने कहा कि एक ही बार बेनिफिट मिलेगा जो कंपनी को मिलेगा, जो शेयर होल्डर है उसको डिविडेंड के अंदर भी एग्रीकल्चर इनकम का जो पोर्शन है वो निकालने को अलाउ नहीं किया जाएगा. देखते हैं यहाँ पे क्या किया कहा गया है. शेयर होल्डर इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी. रुकना, नीचे आते हैं. अ शेयर होल्डर कैन नॉट क्लेम अ पार्ट ऑफ हिज डिविडेंड इनकम टू बी एग्रीकल्चर इनकम एज द कंपनी इज एन एग्रीकल्चर बिजनेस. तो अपने डिविडेंड इनकम में से अपन एग्रीकल्चर का पोर्शन निकाल नहीं सकते. इस कोर्ट के इसमें पहले तो ये हो गया, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को आंसर किया गया. दैट एस्पेक्ट वॉज, इज शेयर होल्डर द ओनर ऑफ द कंपनी. क्या शेयर होल्डर कंपनी के असेट्स का ओनर होता है क्या? बिकॉज अगर यहाँ पे मिस गुजदार को बोलेंगे कि हाँ मेरे को ये एग्जम्पशन दो, मतलब वो कंपनी के शेयर्स असेट्स के ओनर है ना, तभी तो वो कह रहे हैं कि हाँ मेरी कंपनी एग्रीकल्चर बिजनेस कर रही है. तो यहाँ पे कोर्ट ने ये भी हेल्ड किया गया दैट शेयर होल्डर इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द असेट. तो आज मुकेश अंबानी भी रिलायंस के असेट्स के ओनर नहीं है, मुकेश अंबानी अपने शेयर्स के ओनर होंगे घर पे, लेकिन जो असेट्स है उनके ओनर कौन है, रिलायंस ज्यूरिस्डिक्शन पर्सन. So a shareholder is never the owner of the property of the company. ये एक और important aspect यहाँ पे held किया गया. Clear है हम लोग? चलो. Next आता है Union of India and another versus Mahalakshmi Sawmills. यहाँ पे Mahalakshmi का कोई और logic नहीं है, सिर्फ केस के अंदर भी Mahalakshmi था तो यहाँ पे Mahalakshmi है. बहुत ही प्यारा केस है ये भी lease को लेके. If partnership transfer the lease right to a company where the partners are the only shareholders in the same proportion, still it would amount to transfer in the eyes of law. समझना ध्यान से क्या हुआ था. यहां पे कुछ ऐसा हुआ दैट एक्स ने, सबसे पहले समझ लो ए को, एक्स ने ए को लीज राइट दिया. एक्स ने ए को लीज राइट दे दिया कि मैं आपको लीज का राइट देता हूं, आप ये प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स. फॉर एग्जांपल 100 ईयर, 99 ईयर्स की लीज दे दी हमने कि ये व्यक्ति की प्रॉपर्टी है एक्स, उसकी प्रॉपर्टी ए यूज करेगा. ठीक है, तो ए ने क्या किया, मैं यूज करूंगा. ठीक है, ए ने प्रॉपर्टी दे दी एबीसी पार्टनरशिप को दे दी. ओके, ये यूज कर रहे हैं. एबीसी पार्टनरशिप को थोड़े समय बाद क्या लगा, एक काम करते हैं हमारी पार्टनरशिप को कन्वर्ट कर लेते हैं कंपनी के फॉर्म में, और ये जो असेट है लीज पे उसको हम दे देंगे कंपनी के फॉर्म में. तो ये जो एबीसी थे, यही तीन पार्टनर्स ने कंपनी फॉर्म कर ली, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, और यही जो पार्टनर है यही यहाँ पे शेयर होल्डर भी बन गए, और ये लीज प्रॉपर्टी इधर दे दी. राइट, ये जो अग्रीमेंट हुआ था ना, इस अग्रीमेंट में ऐसा लिखा था कि अगर आप एक बार ट्रांसफर करोगे वो तो चलेगा, लेकिन अगर आप दूसरी बार ट्रांसफर करते हो तो आपको हमें एक अनअर्ड इंक्रीज, आपको हमें कुछ एडिशनल रेंट देना होगा. तो यहां पे केस इतना सा हुआ कि चलो जब ए ने एबीसी पार्टनरशिप को दिया दिस इज अ ट्रांसफर, बट जब एबीसी पार्टनरशिप ने एबीसी लिमिटेड को दिया इज दिस अ ट्रांसफर, बिकॉज प्रैक्टिकली जिन लोगों के पास एबीसी पार्टनरशिप है उन्हीं के पास तो एबीसी लिमिटेड है,
So practically they are the same people. So will this amount to transfer? Court held. Yes, this will amount to transfer. तो अगर पार्टनरशिप से असेट एक कंपनी के पास जाता है, भले ही दोनों के शेयर होल्डर्स 100% सेम है, फिर भी दिस विल अमाउंट टू ट्रांसफर, तो उनको अनअर्ड इंक्रीज देना होगा. इफ अ पार्टनरशिप ट्रांसफर्स द लीज राइट टू अ कंपनी वेयर द पार्टनर्स आर ओनली द शेयर होल्डर इन द सेम प्रोपोर्शन, स्टिल इट वुड अमाउंट टू ट्रांसफर इन द आईज ऑफ लॉ. फिर भी वो ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होगा. सो पार्टनरशिप टू कंपनी, सेम लोग पार्टनर थे, वही शेयर होल्डर थे, फिर भी ये ट्रांसफर होगा. अभी क्लियर? महालक्ष्मी वाला केस है, महालक्ष्मी वाला केस है, महालक्ष्मी वाला केस है, केस है. याद रहेगा ना यार महालक्ष्मी वाला केस? तो आपको ये इमेज देखते जाना है साथ साथ में, ताकि आपको याद हो जाए, अरे हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ. तो इस तरह से याद रखना, ताकि एग्जाम आपका समय बचेगा. ये हुए हमारे 10 केसेस, फटाफट से मैं आपको दूंगा 10-10 सेकंड हर एक पे. तो आपको हर एक पे क्या देखना है? केस का नाम, व्हाट वाज हेल्ड एंड व्हाट इज द इमेज. पिक्चर मैं मुझे चिपकाते रहो. Yes people, now let's go ahead. अब हम जो स्लॉट है 5-5 की जगह 10-10 के कर लेते हैं, राइट? अब आई गेस आप में भी एनर्जी आ गई ना, तो आप 10-10 के स्लॉट्स लेंगे. पहला है केस नंबर 11, सिद्धार्थ गुप्ता वर्सेस द दिल्ली गोल्फ क्लब लिमिटेड एंड अनदर. इस केस के अंदर क्या होता, समझना ध्यान से, कि सिद्धार्थ गुप्ता के एक व्यक्ति है, उसने दिल्ली गोल्फ क्लब के अंदर एप्लीकेशन दिया. बहुत सालों की एप्लीकेशन पेंडिंग के बाद में उसको दिल्ली गोल्फ क्लब का मेंबर बनाया गया, और फाइनली उसको बिना कुछ बोले निकाल दिया गया, एकदम रैंडमली किसी थर्ड पर्सन के कहने पे निकाल दिया गया. सिद्धार्थ गुप्ता पागल हो गया, बिकॉज इतने साल की एप्लीकेशन का तो उसको गोल्फ का मेंबर बनाया गया था. अब हम लोग सोचेंगे क्या बड़ी बात है, छोटी सी बात है? नहीं यारों, ये वो लोग समझेंगे जिनके सिटी में कोई पॉपुलर क्लब है. फॉर एग्जाम्पल हर एक सिटी में कुछ पॉपुलर क्लब है. उदयपुर में एक फील्ड क्लब करके एक बहुत पॉपुलर क्लब है, तो एक क्लब है, उनकी मेंबरशिप इज नॉट सो इजी. हर एक क्लब की मेंबरशिप के लिए दैट इज लाइक अ प्रेस्टीज फॉर पीपल रिसाइडिंग इन दैट सिटी, कि उस क्लब की मेंबरशिप है. और यहाँ पे सिद्धार्थ गुप्ता को उस क्लब से निकाल दिया गया. सिद्धार्थ गुप्ता गया हाईकोर्ट तक कि भाई साहब ऐसे कैसे निकाल दिया है. हाई कोर्ट ने हेल्ड किया कि किसी भी थर्ड पर्सन के कहने पे किसी को क्लब से निकाल नहीं सकते, क्लब से रिमूव हो सकता है ओनली एज पर दी आर्टिकल्स ऑफ दी क्लब. तो क्लब के जो आर्टिकल्स होंगे, जो रूल्स रेगुलेशंस होंगे, सिर्फ उसके हिसाब से निकाला जा सकता है, उसके अगेंस्ट निकाला नहीं जा सकता. देखते हैं क्या केस है. सिद्धार्थ गुप्ता वर्सेज द दिल्ली गोल्फ क्लब, टॉपिक है रिमूवल फ्रॉम क्लब. अ मेंबर ऑफ अ क्लब कैन बी रिमूव्ड ओनली एज पर द टर्म्स स्टिपुलेटेड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. आर्टिकल्स में जो लिखा है उसके अलावा आपको निकाला नहीं जा सकता, और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए बिना आपको निकाला नहीं जा सकता क्लब से. ठीक है, यहां पे जो इमेज है ये एक्चुअली उसी दिल्ली गोल्फ क्लब की जहां से राहुल को निकाला गया था, जहां से सिद्धार्थ को निकाला गया था उसी का ये इमेज है दिल्ली गोल्फ क्लब का. चलिए यार आगे बढ़ते हैं. 12th मधुसूदन, इसकी इमेज बहुत ही तूफानी, पागल हो जाओगे आप, इधर उधर भागने लग जाओगे आप. फोकस करो यहाँ पे. मधुसूदन गोर्धन दास एंड कंपनी वर्सेस मधु वूलन इंडस्ट्रीज. यहाँ पे क्या हेल्ड किया गया था, वाइंडिंग अप का केस था. वेयर द क्लेम इज बार्ड बाय लिमिटेशन, नो लेटर ऑफ डिमांड, नो प्रेजेंस इन बैलेंस शीट एंड वाइंडिंग अप वॉज डिमांडेड बाय कटकिया ब्रदर्स. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वाइंडिंग अप एप्लीकेशन वॉज इन बैड स्पिरिट, मैलिफाइड इंटेंशन. हुआ क्या था, इमेज को छोड़ो, यहाँ पे आओ, पहले मैं समझाऊंगा फिर इमेज से रिलेट करवाऊंगा उसको. यहाँ पे हुआ ऐसा था कि यहाँ पे कटकिया ब्रदर्स करके कुछ कंपनी के अंदर शेयर होल्डर थे, बहुत ही मिनिमल शेयर थे उनके पास, छोटे से. वो कंपनी के डायरेक्टर्स भी थे, ठीक है, कटकिया ब्रदर्स. तो उनको फिर एकदम से डायरेक्टरशिप से निकाल दिया गया. तो वो लोग कंपनी के अगेंस्ट फिर केस लेकर आए कि इस कंपनी को वाइंड अप करो, क्योंकि हमारा पैसा नहीं दे रही है. कौन सा पैसा नहीं दे रही? बोल रही कि हमें इस कंपनी से कुछ पैसा मांगते हैं, वो नहीं दे रही है. अरे कौन सा पैसा? नहीं पैसा, नहीं हम पैसा मांगते हैं, वो नहीं दे रही है. अरे कौन सा पैसा? अरे नहीं पैसा. अरे कौन सा पैसा बताओ ना. तो कोर्ट पीछे पड़ गया, तो ये तो बताओ कि आपसे कौन सा पैसा मांगते हैं आप कंपनी से. तो उनके पास ना तो कोई क्लेम था, जो वो पैसा बोल रहे थे उसका लिमिटेशन पीरियड भी जा चुका है, ना ही उसका बैलेंस शीट में कहीं पे लायबिलिटी साइड पे लिखा हुआ है. तो इस केस के अंदर कोर्ट ने हेल्ड किया कि आपके पास कोई प्रूफ तो है नहीं कि आप पैसा मांगते हो कंपनी से, तो आप तो सिर्फ बैड इंटेंशन, क्योंकि आपको निकाला गया ना यहाँ से, आपकी बेइज्जती हुई है ना, एंड हेंस यू आर गेटिंग बैक टू द कंपनी, गेटिंग बैक एट द कंपनी विद दिस एप्लीकेशन ऑफ वाइंडिंग अप. वाइंडिंग अप आपसे बैड स्पिरिट में कर रहे हो. ये इमेज किसकी है? कुछ लोग पहचान गए होंगे इनको. इनका नाम है कमलिका, निका, 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 ऐसा करके आपने देखा होगा इनको बहुत बार. ये वो है जो मैलिफाइड इंटेंशन का दूसरा नाम है,
मैलिफर इंटेंशन का दूसरा नाम है निका, मतलब एक बुरी सोच के साथ में कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पे काटे के बदरस ने क्या कहता है, एक बुरी सोच के साथ में कंपनी को वाइंडिंग अप की एप्लीकेशन दी, जबकि एक्चुअली एक्चुअली का कोई क्लेम था ही नहीं, नो प्रूवन क्लेम वॉज देयर। आर वी अंडरस्टैंडिंग? चलो यार, ये हो गया ट्वेल्थ केस मधुसूदन गोवर्धन दास, कि अगर आपका कोई क्लेम, आपका कोई, आपके पास राइट ही नहीं है, कोई है ही नहीं, आपके पास में कोई प्रूफ ही नहीं है, बैलेंस शीट में कोई प्रेजेंस ही नहीं है, तो आप वाइंडिंग अप एप्लीकेशन देंगे, दैट इज इन बैड स्पिरिट। चलो यारो, नेक्स्ट इज मद्रास पेट्रोकेम लिमिटेड एंड अनदर वर्सेस बीआईएफआर एंड अदर, सुप्रीम कोर्ट का केस है। यहां पे क्या लिखा मैंने, रीड इन डिटेल। तो पूरे केसेस के अंदर जितने केसेस है 66, उसमें से कुछ 7-8 केसेस ऐसे यारो जो कि हम ऐसे लीगल प्रिंसिपल नहीं पढ़ सकते। जो मैंने अभी तक आपको 12 केसेस पढ़ाया ना, उसमें से लीगल प्रिंसिपल पढ़ लिया तो केस हो जाएगा उसके बेस पे, सिर्फ उस लीगल प्रिंसिपल के बेस पे आप केस कर लोगे। अब ये हम जो पढ़ रहे हैं उससे होगा क्या कि आपको समझ में आ जाएगा कौन सा केस एप्लीकेबल है, एंड देयर आफ्टर आंसर तो आपको 6 मार्क्स के लिए पूरा लिखना है ना, तो वो तो आप अपना मेन नोट्स यूज करते हुए लिखोगे। तो द पर्पस हियर इज टू रिवाइज, लेकिन ये जो केस है इसको मैं समरी में रिवाइज नहीं करवा सकता, बिकॉज इस केस के अंदर बहुत सारी चीजें हेल्ड की गई थी। तो इस केस को भी छोड़ते हैं हम लोग, 13th केस को आगे बढ़ते हैं। ऐसे टोटल 66 में से कुछ 10 केसेस होंगे जो डिटेल में है, मैं वो भी कवर करूंगा लेक्चर में ही आज, लेकिन वो एंड में करेंगे, उनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, बिकॉज उसके अंदर एक टेक अवे नहीं है। चलो ये हो गया, इसके अंदर इमेज कुछ ऐसी है कि सरफेस ही सीका होगा तो सीका विल प्रिवेल, देखते हैं जब केस पे आएंगे तब। 14th केस बहुत ही बढ़िया, ROC वर्सेस राजश्री शुगर एंड केमिकल्स लिमिटेड, ROC इज कॉम्पिटेंट टू फाइल अ केस अगेंस्ट अ कंपनी इफ शेयर्स आर नॉट इशूड इन टाइम। अब यहाँ पे क्या होता है, एक कंपनी है उसने शेयर्स इशू किए थे बट टाइम पे नहीं किए, तो जब अपना वॉयलेशन हुआ उन्होंने कि शेयर्स का एप्लीकेशन हुआ, अलॉटमेंट टाइम पे नहीं किया, फिर डिस्पैचिंग भी टाइम पे नहीं किया, सब इन्होंने बहुत डिले किया, तो ROC ने इस कंपनी के अगेंस्ट एप्लीकेशन की कंप्लेन की कि ये कैसे चल रहा है, इतना डिले कैसे किया, फाइन वाइन पे करो। तो वो कंपनी का पॉइंट लेकर आया कि हाँ हमने डिले किया, बट हमने डीले शेयर होल्डर के साथ किया, तो शेयर होल्डर कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द कंपनी ना, ROC कहां से आया? ROC क्या लोकस स्टैंड है? लोकस स्टैंड का मतलब है, आपको पता है कि व्हाट इज द बेसिस, हाउ कम दिस पर्सन इज फाइलिंग अ केस, इसके पास क्या राइट है केस फाइल करने का? तो ROC के पास क्या लोकस स्टैंड है केस किया, कि ROC कैसे केस फाइल कर सकता है हमारे अगेंस्ट, केस फाइल करना तो शेयर होल्डर्स करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर हेल्ड किया कि क्या कुछ भी क्या बोल रहे हो, ROC इज कॉम्पिटेंट टू फाइल अ केस अगेंस्ट अ कंपनी इफ शेयर्स आर नॉट इशूड इन टाइम। तो अगर शेयर्स आपने इशूड नहीं किए टाइम पे तो ROC भी आपको धो देगा, आपको दिख रहा होगा ROC एंड कंपनी, तो अगर शेयर्स टाइम पे इशू नहीं किए तो ROC भी आपको धो देगा। ROC वर्सेस राशि शुगर्स एंड केमिकल लिमिटेड, केस नंबर 14। आगे जाते हैं केस नंबर 15। अरे तूफान पागल हो जाओगे इधर उधर इस केस पे, तो इमेज छोड़ो पहले कंसेप्ट समझो। ओम प्रकाश पारसरामपुरिया एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, प्रोसीडिंग्स कैन कंटिन्यू अगेंस्ट द गारंटर इन DRT इफ द प्रिंसिपल बोरोअर हैज बीन डिक्लेयर्ड अ सिक कंपनी। समझना ध्यान से, क्या हुआ, एक बैंक है ठीक है, उसने लोन दिया एक कंपनी को एक्स लिमिटेड, उस लोन का गारंटर है वाई। समझना वापस, बैंक ने लोन दिया एक्स लिमिटेड को, एक्स लिमिटेड का गारंटर है वाई, मतलब वाई ने ऐसा बोला कि एक्स लोन रीपे नहीं कर पाया तो मैं लोन रीपे करूंगा। अब हुआ यह है कि एक्स लिमिटेड सिक कंपनी बन चुकी है, सीका। अब मेरे को बताने के BIFR सीका सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज है, कि कुछ कंपनीज को ऐसा कहा गया है कि अगर वो सिक हो गई है, सिक मतलब लॉस मेकिंग है, तो भी उनको हम बंद नहीं करेंगे, उनको हम रिवाइव करेंगे, रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, जब तक पॉसिबल है हम उस कंपनी को बंद नहीं करेंगे, रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज ये कंपनी को जब बंद करते हैं तो सिर्फ कंपनी का लॉस नहीं है, शेयर होल्डर का लॉस छोड़ो, वर्कमैन एम्प्लॉयज का कितना बड़ा लॉस है, उस अनएम्प्लॉयमेंट को गवर्नमेंट कैसे हैंडल करेगा। तो गवर्नमेंट ने सीका लाया कि हम कंपनी को डूबे नहीं देंगे, उसको हम रिवाइव करेंगे, पंप इन करके उसको जिंदा रखने की कोशिश की जाएगी। चलो यारो, तो यहां पर क्या हुआ कि ये कंपनी जो एक्स है तो गई किसमें, सिक कंपनी हो गई, वो तो पैसा नहीं दे पा रही है, तो ये बैंक ने केस किसके अगेंस्ट फाइल किया, गारंटर के। आपने गारंटी ली थी ना आपके हमें पैसा दो, तो गारंटर क्या बोला, अरे सिक कंपनी हो गई ना तो BIFR है, आप मेरे से अगेंस्ट नहीं आ सकता, BIFR के पास ही जाओ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो गारंटर मना करने लग गया, तो कोर्ट ने क्या बोला, प्रोसीडिंग्स कैन कंटिन्यू अगेंस्ट द गारंटर इन DRT डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल इफ द प्रिंसिपल बोरोअर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज सिक। कि प्रिंसिपल बोरोअर अगर सिक कंपनी में डिक्लेयर हो चुका है, वो BIFR में जा चुका है, तो ये जो बैंक है ये गारंटर से, इसीलिए तो गारंटी का कंसेप्ट लाए, ये बैंक गारंटी से पैसा, गारंटर से फिर भी पैसा मांग सकती है। गारंटर कैनॉट टेक दिस एक्सक्यूज कि नहीं नहीं वो तो सिक होगी ना, आप उससे मांगो, BIFR से मांगो, गारंटर विल हैव टू पे। इमेज देखो ना यार, पागल हो जाओगे आप, मैंने प्यार किया मूवी याद होगी ना, गारंटी दी है निभानी तो पड़ेगी। चलो यारो छोड़ो आगे बढ़ते, याद रहेगा ना, तो गारंटर के अगेंस्ट भी केस फाइल किया जा सकता है। नेक्स्ट आ रहा है BIFR वाला केस अगेन, पेमेंट ऑफ डिसेंडिंग वर्कमैन का केस है, केस नंबर 16। ये भी वापस डिटेल में पढ़ेंगे टुवर्ड्स दी एंड हम लोग, ये भी हम छोटे से बात नहीं कर सकते, बहुत सारे लीगल इश्यूज है इसमें। फिर आता है श्री गोपाल पेपर मिल्स कंप्लीट वर्सेस कमीशन ऑफ इनकम टैक्स, बोनस शेयर्स बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन। ये क्या हुआ इस केस के अंदर, एक कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू किया ठीक है, तो यहाँ पे लड़ाई झगड़े ये हो गए कि बोनस शेयर आखिर शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी कब बनते हैं। आज हमने रेजोल्यूशन पास किया और फिर हमने अलॉटमेंट किया, तो जिस दिन हमने रेजोल्यूशन पास किया उस दिन वो प्रॉपर्टी बन गए शेयर होल्डर की, या जब हमने अलॉटमेंट किया शेयर्स का तब प्रॉपर्टी बन गए। तो यहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड किया कि जब आपने रेजोल्यूशन पास कर दिया है उसी दिन से वो शेयर्स माने जाएंगे शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी, वो शेयर्स माने जाएंगे शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी। और सिंपल कर लेता हूँ, मान लीजिए
2013-14, 14-15, दो फाइनेंशियल ईयर है, तो ये इसका डेट क्या हो गया, 31st मार्च 2014 आएगा 13-14 में, एंड 1st अप्रैल 2014 आएगा 14-15 में। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना, दो ईयर है 13-14 एंड 14-15, 31st मार्च 2014 आएगा 13-14 में, एंड 1st अप्रैल 2014 आएगा 14-15 में। तो ये क्या कह रहे हैं, मान लो एक कंपनी ने 15th मार्च को रेजोल्यूशन पास किया और 15th अप्रैल को अलॉटमेंट किया, तो बोनस इशू कौन से ईयर में माना जाएगा, 13-14 या 14-15 में। कोर्ट ने हेल्ड किया कि जब रेजोल्यूशन पास किया है तभी बोनस इशू माना जाएगा, तो होगा 13-14 में। रेजोल्यूशन अलॉटमेंट नहीं, जब रेजोल्यूशन पास किया है उसने में मान लिया जाएगा बोनस इशू हुआ है। बोनस शेयर्स बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन, जब रेजोल्यूशन पास हुआ वहां से माना जाएगा आपकी प्रॉपर्टी। आर वी अंडरस्टैंडिंग, तो ये क्या हो रहा है इमेज कि हम दे रहे हैं बोनस शेयर, तो जब दिया उसको प्रॉमिस किया रेजोल्यूशन पास किया उसी टाइम से वो हो गई उसकी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आ रहे हम लोग केस नंबर 8, अमालगमेशन मर्जर स्टैम्प ड्यूटी का केस है, ये बहुत ही प्यारा केस है अगेन, ये भी ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड रिलायंस पेट्रोकेम लिमिटेड के बीच का ये केस हुआ था। इस केस में हुआ क्या था, बेटर तरीके से बता देता हूं आपको, रिलायंस इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र की कंपनी, रिलायंस पेट्रोकेम केम गुजरात की कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र की कंपनी, रिलायंस पेट्रोकेम गुजरात की कंपनी। अब हुआ ऐसा इसके अंदर, ये जो कंपनी थी दोनों कंपनी इनका हो रहा था मर्जर, इनका हो रहा था मर्जर। जब भी मर्जर होता है आपको अपने रिस्पेक्टिव हाईकोर्ट से अप्रूवल लेना था, तो रिलायंस पेट्रोकेम ने गुजरात हाईकोर्ट से अप्रूवल लिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बॉम्बे हाईकोर्ट से अप्रूवल लिया, महाराष्ट्र के हाईकोर्ट से अप्रूवल लिया। सुनना, ये दोनों कोर्ट से अप्रूवल आ गया, गुजरात हाईकोर्ट ने जब अप्रूवल दिया तब उस ऑर्डर ऑफ कोर्ट के ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है, स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है, तो ऑर्डर ऑफ कोर्ट के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी बनी 10 करोड़ की, तो रिलायंस ने वहां पर 10 करोड़ की स्टैम्प ड्यूटी दे दी। फिर जब महाराष्ट्र हाईकोर्ट का ऑर्डर आया इस पर स्टैम्प ड्यूटी बनी 25 करोड़ की, इस पर स्टैम्प ड्यूटी बनी 25 करोड़ की, तो यहां पर 25 करोड़ जब देने की बात आई तब रिलायंस बोला कि हे गवर्नमेंट, हम आपको 25 करोड़ देने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन हमने 10 करोड़ पहले वहां पे दे चुके हैं, तो हमें वो 10 करोड़ का एग्जम्पशन दो और हमसे 15 करोड़ ही दो। तो तब ये केस गया हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट ने बोला ऐसा नहीं है, हर एक हाईकोर्ट के अंदर आपको स्टैम्प ड्यूटी सेपरेटली पे करनी होगी, हर एक हाईकोर्ट में स्टैम्प ड्यूटी सेपरेटली पे करनी होगी, तो यहां पे 10 करोड़ देना और वहां पे 25 करोड़ आपको अलग से देना है। क्यों ऐसा हुआ था, उसको कोर्ट ऑर्डर में लिखा था, बिकॉज स्टैम्प ड्यूटी इज पेबल ऑन द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, देयर आर टू ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट, सो ट्वाइस स्टैम्प ड्यूटी विल बी पेबल। अब एक सवाल आया कि सेम मर्जर पे यहाँ पे 10 करोड़ में 25 करोड़ क्यों आया, मर्जर तो सेम ही था लेकिन हर एक स्टेट के लॉज अलग होते हैं, तो स्टैम्प ड्यूटी का रेट अलग होता है, तो उसी स्कीम के ऊपर, उसी स्कीम डॉक्यूमेंट के ऊपर यहाँ पे 10 करोड़ की स्टैम्प ड्यूटी आई पे करनी है, उसी स्कीम डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे 25 करोड़ की स्टैम्प ड्यूटी आई पे करनी है। तो समझना ध्यान से, स्कीम डॉक्यूमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ये दो डॉक्यूमेंट काम के, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, स्कीम डॉक्यूमेंट। तो ये लड़ाई हुई कि इसमें से स्टैम्प ड्यूटी किस पे की जाती है, तो लॉ बोला, यहाँ पे हाईकोर्ट बोला कि स्टैम्प ड्यूटी विल बी पेबल ऑन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, तो दो कोर्ट के ऑर्डर है तो दो बार स्टैम्प ड्यूटी पे होगी। स्टैम्प ड्यूटी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्कीम डॉक्यूमेंट। स्कीम डॉक्यूमेंट क्या होता है, जब भी दो लोग मर्ज हो रहे हैं तो उनका पूरा स्कीम डॉक्यूमेंट होता है कि कैसे मर्ज होने वाले हैं, इनके शेयर होल्डर्स को कौन से शेयर्स मिलेंगे, तो द स्टैम्प ड्यूटी विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्कीम डॉक्यूमेंट, बट स्टैम्प ड्यूटी विल बी पेड ऑन द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो जितने कोर्ट के ऑर्डर होते हैं, मतलब आज अगर चार कंपनीज मर्ज हो रही, चारों अलग अलग स्टेट की है, तो चार बार आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। आर वी अंडरस्टैंडिंग, दैट इज द पॉइंट। इन अमालगमेशन, इन केस ऑफ अमालगमेशन मर्जर, स्टैम्प ड्यूटी पेड ऑन द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अप्रूविंग द अमालगमेशन एंड नॉट ऑन द स्कीम डॉक्यूमेंट। स्कीम डॉक्यूमेंट तो एक ही होता है ना, स्कीम डॉक्यूमेंट इज कैलकुलेटेड, स्टैम्प ड्यूटी इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द स्कीम डॉक्यूमेंट। तो स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट किया जाता है बेस्ड ऑन स्कीम डॉक्यूमेंट, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी इज पेड ऑन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, तो जितने ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होंगे उतने आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना है। आर वी अंडरस्टैंडिंग, चलिए आ रहा हूँ। ये हुआ 18th केस रिलायंस वाला, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस पेट्रोकेम का जो मर्जर था उसका केस है, जितने ऑर्डर ऑफ कोर्ट है उतने स्टैम्प ड्यूटी पे करने पड़ेंगे। फिर आता है हमारा मैसेज होल्डिंग वाला, ये भी हम डिटेल में बात करेंगे, शेयर परचेज अग्रीमेंट का। इसके फैक्ट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, इसमें तो क्या हुआ, मैंने इसके साथ कुछ प्रॉमिस किया, फिर इसके साथ किया, इसको भी तोड़ा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्स हैं, उसको डिटेल में देखेंगे। फिर आता है हमारा नेक्स्ट केस, कृष्णनंदन चेलाराम वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सिंपल तरीके से एक ही चीज है, इमेज देख लो क्या हो रहा है, एक बार कहा तो वापस आप नहीं आ सकते। डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड कैन नॉट बी टेकन बैक, एक बार डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड कैन नॉट बी टेकन बैक, डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड कैन नॉट बी रिवर्स्ड। हाँ, जान है तो थोड़ा सा और आगे जाएंगे हम लोग, क्योंकि बीच में दो तीन वैसे भी वो आ गए थे जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जबल सी लक्षकारी एंड अदर्स वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर लीज का केस था। यहाँ पे क्या बड़ा सुना ध्यान से, मियरली द फैक्ट दैट द लेसी वॉज अ कंपनी एंड इट इज वाइंडिंग अप डज नॉट गिव द राइट टू द लेसर टू क्लेम द प्रॉपर्टी बैक, द लीज राइट विल बी डिस्पोज एज पर लिक्विडेशन। सुना ध्यान से क्या है, मिस्टर ए, मिस्टर ए ने लीज राइट दिए एक्स लिमिटेड को, मिस्टर ए ने लीज राइट दिए एक्स लिमिटेड को फॉर से 200 इयर्स 100 इयर्स, कुछ भी 100 इयर्स का एग्जांपल लेते हैं, हमारे डिटेल्स ऑफ फैक्ट रेलेवेंट भी नहीं थे, आउटलाइन रेलेवेंट है। ए ने लीज राइट दिए इस कंपनी को,
फॉर 100 ईयर्स, 20 ईयर्स के बाद में ये कंपनी वाइंड अप हो रही है, ये कंपनी वाइंड अप हो रही है। तो ये जो व्यक्ति है उस केस में, तो इस व्यक्ति की डेथ हुई थी, इसके लीगल हेयर्स आए थे, बट ये व्यक्ति खुद भी आ सकता है। ये व्यक्ति आके बोलता है कि मैंने इस कंपनी को दिया था, ये कंपनी वाइंड अप हो रही है, तो ये जो है ना ये लैंड मैं वापस ले जाऊंगा जो मैंने लीज पे दिया था। आज की तारीख में मान के चलो जो प्रॉपर्टी लीज पे दी है ना लोगों ने, बहुत ही नेग्लिजिबल रेंट पे जाती है, तो ओनर को चॉइस मिले तो वो आज भी वापस ले सकता है, बट वो उस लीज राइट के जो डॉक्यूमेंट उससे बंधा है इसलिए वो ले नहीं पाता। ये कारण है आज की तारीख। तो हर एक ओनर चाहता था कि मैं वापस ले लूँ, ऐसा हिसाब जिन्होंने भी पहले दी हुई है। तो ये व्यक्ति आया कि कंपनी वाइंड अप हो रही, मुझे मेरा असेट वापस दे दो, असेट वापस दे दो, यस 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 असेट मिल जाएगा, 80 इयर्स के पहले अपना असेट मुझे मिल रहा है, सो द पर्सन इज वेरी हैप्पी। बट द कोर्ट हेल्ड के ऐसा नहीं है, आपने ये प्रॉपर्टी को 100 इयर्स के लिए दिया था कंपनी को, आज कंपनी लिक्विडेशन में है, तो इसके 80 इयर्स के राइट आज भी कंपनी के पास है, तो कंपनी उसको लिक्विडेशन में 80 इयर्स के राइट बेचेगी ना, बिकॉज मान लो इसका जेन्युइन इंटरेस्ट है, इसका जेन्युइन रेंट 1 लाख रुपए, यहाँ पे तो लीज सिर्फ हमें 10,000 का देना है, समझ में आ रहा है, पर मंथ, तो ये तो एक बहुत बड़ा राइट है ना, तो हम 80 इयर्स के राइट अभी किसी और को बेच सकते हैं। सो ये जो प्रॉपर्टी है डिस्पोज होगी एज पर लिक्विडेशन और ये व्यक्ति को वापस नहीं मिलेगी, आर वी अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे कोर्ट ने डिटेल में हेल्ड किया गया कि एक जो लेसर है वो प्रॉपर्टी को सिर्फ तब क्लेम कर सकता है जब द पर्सन इज नॉट पेइंग द रेंट और इज नॉट विलिंग टू पे द रेंट, वो रेंट पे भी नहीं कर रहा है, इज नॉट विलिंग टू पे द रेंट ऑल्सो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, दे आर मोर देन विलिंग टू पे द रेंट, तो यहाँ पे आपके यू डू नॉट हैव अ राइट टू गेट योर लीज एसेट बैक। सो द कंक्लूजन टेक अवे जो यहां से हमें लेके घर लेके जाना है, दैट वॉज सिंपल लीगल प्रिंसिपल में इतना सा लिखा था कि इफ एट ऑल, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, इफ एट ऑल यू हैव गिवन अ लीज राइट टू अ कंपनी, मियरली द फैक्ट दैट द कंपनी इज बीइंग वाउंड अप डज नॉट गिव यू अ राइट टू गेट द प्रॉपर्टी बैक। सिर्फ आपको कि आपने अपना जो प्रॉपर्टी उनको दिया था और कंपनी वाइंड अप हो रहा है, दिस डज नॉट गिव यू अ राइट टू गेट द प्रॉपर्टी बैक। वो अगर रेंट नहीं पे कर रहे हैं तो बात अलग है, आर वी अंडरस्टैंडिंग। इफ अ पर्सन इज नॉट पेइंग द रेंट और नॉट विलिंग टू पे द रेंट, ओनली इन दैट केस यू कैन गेट योर प्रॉपर्टी बैक। क्लियर है यहां पे हम लोग? चलो अब आप समझो, दो तीन केसेस लीज पे आ जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे क्या, नहीं वायर्ड चार्ट नहीं तो काम आएगा, बताऊंगा मैं एंड में। नेक्स्ट बहुत ही इजी सा केस था ये, तो इसमें एक ऐसी हस्ती की आपको शक्ल लगा रखिए कि जिसको दुनिया का कह रहा हूं, इंडिया ने दुनिया का हर एक व्यक्ति जानता है, इज अ वेरी सक्सेसफुल मैनेजिंग डायरेक्टर। फोकस करना ध्यान से, द केस वॉज रामप्रसाद वर्सेस सीआईडी। इसके अंदर यह सवाल हुआ था कि कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर जो है ना, उसकी जो इनकम है वो सैलरी के अंदर जाएगी या पीजीबीपी में जाएगी। एक मैनेजिंग डायरेक्टर की जो इनकम है कंपनी से, जो उसको पैसा मिल रहा है, वो सैलरी है या वो पीजीबीपी है। तो इसके अंदर एक्चुअल हिडन क्वेश्चन ये था कि मैनेजिंग डायरेक्टर जो कंपनी में काम करता है वो इंप्लॉई होता है या एजेंट होता है। अगर एजेंट होता है तो पीजीबीपी में इनकम जाएगी, और अगर इंप्लॉई होता है तो इनकम जाएगी सैलरी। आर वी अंडरस्टैंडिंग? सो द क्वेश्चन वाज वेदर मैनेजिंग डायरेक्टर्स इनकम गोज इन पीजीबीपी और सैलरी, द हिडन क्वेश्चन वाज वेदर मैनेजिंग डायरेक्टर इज एन एजेंट ऑफ द कंपनी और अ employee of the company. Court clearly held that managing director is the employee of the company and his income would be taxable under the head salary. यहाँ पे बहुत सारे डिस्कशंस हुए कि इन कभी भी एक व्यक्ति को एम्प्लॉय या एजेंट कब बोला जाता है। ये डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति के ऊपर को जो काम है वो पूरा कंट्रोल तरीके से कर रहा है या इंडिपेंडेंटली कर रहा है। यहाँ पे है कि मैनेजिंग डायरेक्टर बोर्ड के कंट्रोल में ही काम करता है, इसलिए he'll be considered as an employee. Keeping everything apart, managing director is an employee of the company, his income will be taxable under the head salary. तो मुकेश अंबानी को भी जो रिलायंस से मिलता है वो डिविडेंड की बात नहीं कर रहा हूं, जो इनकम मिलता है वो सैलरी के तौर पे वो जाता है इन द हेड ऑफ सैलरी। क्लियर है हम लोग? ये मत सोचना कि लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे इतने यार, सैलरी या कुछ भी दे दो, अरे गधों पीजीबी में बहुत सारे डिडक्शन मिलते हैं ना, सैलरी में थोड़ी मिलेगा। तो वो तो जो एक्चुअल मैनेजिंग डायरेक्टर है रामप्रसाद, वो तो लड़ रहा होगा ना पीजीबी मानो। लेकिन कोर्ट ने क्या बोला, नहीं हम क्या मानेंगे, सैलरी, द इनकम ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर इज टैक्सेबल इन द हेड ऑफ सैलरी। 23 डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये भी हम वाइंडिंग अप का प्रोसेस है, इसमें कुछ है ही नहीं 23 में, इसमें पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि वाइंडिंग अप के अंदर क्या है। तो पूरे 66 में दो केसेस ऐसे जिसमें पूरा प्रोसेस ही दिया है, तो ये तो हमें एक मिनट लगेगा डिटेल में भी। हो फो, ये एक बहुत अच्छा गजब का केस है, सुना ध्यान से। बंधु सिस्टमैट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आरओसी। देखो सुनो, कोई ऐसा इमेज देख के बुरा मत मानना, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, और ये मैंने ऊपर लिख के दिया था कि स्टूडेंट को पिक्चर मेमोरी चाहिए, प्रोफेशनल के बच्चों से मेरा इंटेंशन क्या है, मेरा उद्देश्य ये है कि आपको ये लगना चाहिए कि आपके 9 में से एक सब्जेक्ट कम हो गया, कि आपको ये एक सब्जेक्ट तो पढ़ना ही नहीं पड़ रहा है, तो एकदम इजी हो गया, ये उद्देश्य है, ठीक है ना। तो लेट्स स्टडी इट ऑन अ वेरी लाइटर एंड, कोई ऑफेंसिव नहीं, कोई बुरा नहीं मानेगा, समझना। यहाँ पे क्या हुआ था इस केस के अंदर, कंपनी कैन नॉट बी स्ट्रिकन ऑफ इफ नोटिसेस लेटर शो कॉज नोटिस इज रिक्वायर्ड अंडर कंपनीज एक्ट वर नॉट गिवन। ये कह रहे हैं कि अगर मान लो कंपनी से अगर किसी को भी स्ट्राइक ऑफ करना चाहती है, स्ट्राइक ऑफ का एक केस हमने कर्नोडिया वाला पढ़ा पहला, और स्ट्राइक ऑफ का दूसरा केस आ रहा है, ये ऐसा कह रहे हैं कि अगर किसी भी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करना चाह रहे हैं तो आपको उनको नोटिसेस देने की अपॉर्चुनिटी देनी होती है कि अगर आप रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो हम आपको कर देंगे स्ट्राइक ऑफ। इस केस में कंपनी को नोटिस ही नहीं दिया है और कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करना चाह रहे हैं, तो लॉ कहता है कि नहीं, जब तक आपने नोटिस नहीं दिया तब तक आप स्ट्राइक ऑफ नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने सारे नोटिस वगैरह जेन्युइनली दिए थे, इस केस में प्रूव हो गया मान लो कि सारे नोटिस जेन्युइनली दिए थे, तो कोर्ट ने कहा कि स्ट्राइकिंग ऑफ वैलिड है।
तो पॉइंट ये था कि जब तक कंपनी को आरओसी ने सारे रिक्वायर्ड नोटिसेस नहीं दिए हैं तब तक स्ट्राइकिंग ऑफ नहीं हो सकता. कंपनी कैन नॉट बी स्ट्रिकन ऑफ इफ नोटिसेस लेटर शो कॉज नोटिस एज रिक्वायर्ड अंडर कंपनी एक्ट वर नॉट गिवन. तो कहने का मतलब है कि कंपनी मर भी रही है तो उसके लिए रेलेवेंट क्या है कि यार ए मुझे अच्छे से नोटिस दे दो. तो मरते टाइम भी नोटिस इंपॉर्टेंट है कि अगर नोटिस नहीं आया तो कंपनी मरेगी नहीं. ये क्या है, ये एक समझ गए होंगे क्या इमेज है, ठीक है. तो पॉइंट क्या है, मरते टाइम भी नोटिस इंपॉर्टेंट है. अगर नोटिस नहीं आया तो मरूंगी नहीं मैं, नोटिस नहीं आया तो मैं मरूंगी नहीं कंपनी बोल रही है. तो कंपनी का स्ट्राइकिंग ऑफ सिर्फ तब होगा जब सारे जेन्युइन नोटिसेस शो कॉज नोटिसेस दे चुके हैं. अगर नहीं दिए तो कंपनी का स्ट्राइकिंग ऑफ नहीं होगा. 25, ये भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एक प्रोसेस यहाँ पे बहुत इजीली हो जाएगा. 26, मदुरा कोट्स लिमिटेड वर्सेस मोदी रबर लिमिटेड एंड अनदर. यहाँ पे क्या किया गया, प्रोविजन ऑफ सीका प्रिवेल्स ओवर द प्रोविजन ऑफ कंपनी. इट्स अ वेल नोन फैक्ट और बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ, इसलिए मैंने एक एंड में वायर चार्ट बनाया कि सीका और बेफायर के बहुत सारे केसेस हैं और हर एक के अंदर एक चीज क्लियर रखी गई है. एक चीज क्लियर ऐसी लिखी गई है कि सीका के प्रोविजंस प्रिवेल ओवर कंपनीज एक्ट के प्रोविजन. व्हाट इज सीका, मैंने पहले बताया, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, कि एक ऐसा एक्ट था जो कि जो भी सिक कंपनीज है, लॉस मेकिंग कंपनीज है, उनको डूबने नहीं देगा, उसको एक बार रिवाइव करने की कोशिश करेगा. सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, Sick Industrial Companies Act, provision of SICA prevails over the provision of Companies Act. In if a case is pending under SICA, High Court cannot order winding up. High Court winding up order कर नहीं सकता जब case SICA में pending है. SICA prevails over Companies Act. तो अगर High Court versus BIFR चल रहा है, SICA का जो court है वो चल रहा है, तो यहाँ पे who will be given the priority? SICA will be given the priority. SICA wins over High Court. ये point है. SICA wins over High Court. कि अगर एक application है जो High Court में भी गई है winding up की और SICA में भी pending है, High Court कुछ नहीं कर सकता, High Court order pass ही नहीं कर सकता है if the case is pending in BIFR SICA. BIFR is the authority under SICA, Sick Industrial Companies Act. तो आपने ध्यान रखना कि if the case is pending under SICA, High Court cannot give a winding up order. SICA prevails over High Court. यहाँ पे क्या इमेज ठीक है, तो यहाँ पे कंपनीज एक्ट है और सीका है, तो सीका प्रिवेल्स. तो इंडिया की कंपनी हो गई सीका, ये जो न्यूजीलैंड दिख रहा है गेस वो हो गया कंपनीज एक्ट. तो सीका प्रिवेल्स ओवर कंपनीज एक्ट. चलो क्लियर है हम लोग, यस पीपल. नेक्स्ट आ रहा है, अरे तूफान इमेज, कैनरा बैंक वर्सेज न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड अदर्स. इसके अंदर एक ही चीज बोली गई थी, क्या देखो, कंपनी लॉ बोर्ड इज अ कोर्ट. ये कहा गया था इन्होंने कि कंपनी लॉ बोर्ड एक कोर्ट होता है. सुना ध्यान से क्या हुआ इसके अंदर हुआ एक था कि केसेस पेंडिंग थे बहुत सारे कंपनी लॉ बोर्ड के अंदर, और तभी एक नया एक्ट आया, स्पेशल कोर्ट एक्ट. स्पेशल कोर्ट एक्ट क्यों बनाया गया था, कि जिन भी लोगों के सिक्योरिटीज रिलेटेड इश्यूज पेंडिंग है, कि सिक्योरिटी को ट्रांसफर है, चोरी चकारी, उसके इश्यूज पेंडिंग है, तो वो सारे इशू को हैंडल करेगा सिक्योरिटीज कोर्ट एक्ट. स्पेशल कोर्ट एक्ट हैंडल करेगा उन इश्यूज के लिए. तो उन्हीं इश्यूज के लिए एक स्पेशल कोर्ट एक्ट बनाया गया, एक अमेंडमेंट लाके एक स्पेशल कोर्ट एक्ट बनाया गया. सुना ध्यान से, अब सारे के सारे, और उस स्पेशल कोर्ट एक्ट में क्लियरली लिखा था कि एनी केस पेंडिंग अंडर एनी कोर्ट विच रिलेट्स टू सो एंड सो, उनका सब्जेक्ट मैटर था सिक्योरिटीज वगैरह, विल बी ट्रांसफर टू स्पेशल कोर्ट. तो सीएलबी के सामने वैसे ही सिमिलर केस था, तो वहां पे एक व्यक्ति पार्टी बोला कि सुनो ना सर, ये स्पेशल कोर्ट एक्ट आ गया है, तो ये जो आपका केस है ये आपको स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर करना होगा. तो सीएलबी ने उस लैंग्वेज को पढ़ा कि द केस पेंडिंग अंडर एनी कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस मैटर विल बी ट्रांसफर टू स्पेशल कोर्ट. सीएलबी क्या बोला, हम तो कोर्ट ही नहीं है, तो हम ट्रांसफर नहीं करेंगे. सीएलबी एक्चुअली पास द ऑर्डर कि वी आर नॉट कोर्ट, सो वी आर नॉट बाउंड बाय एक्चुअली फॉरवर्डिंग द केस टू स्पेशल कोर्ट, कि हम तो कोर्ट ही नहीं है. वहां पे केस गया सुप्रीम कोर्ट तक, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, कंपनी लॉ बोर्ड इज अ कोर्ट. कंपनी लॉ बोर्ड भाई सब कोर्ट है, तो आपको भी केस ट्रांसफर करना है. तो इससे हमने क्या सीखा, कंपनी लॉ बोर्ड इज अ कोर्ट, बस सिंपल. सीएलबी टू बी कंसिडर्ड एज कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ स्पेशल कोर्ट एक्ट, हेंस ऑल द केसेस आर कवर्ड अंडर स्पेशल कोर्ट एक्ट, बट पेंडिंग एट सीएलबी विल बी ट्रांसफर्ड टू स्पेशल कोर्ट. जो भी सीएलबी में है वो सब स्पेशल कोर्ट में जाएंगे केसेस पेंडिंग, जो स्पेशल कोर्ट ने मांगे वो सारे केसेस स्पेशल कोर्ट में जाएंगे. हमने ये लेके जाना है यहां से दैट सीएलबी इज अ कोर्ट, बात खत्म. सीएलबी इज अ कोर्ट, आर वी अंडरस्टैंडिंग. चलिए 28, सिंगल इंडिया लिमिटेड वर्सेस चंद्र मोहन चंद्रा एंड, ये भी लीज का केस था. देखो लीज के कितने सारे केस है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया लीज पे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना कौन सा केस एप्लीकेबल है. उसके लिए आएगा वापस, जो मैं कह रहा हूँ वायर्ड चार्ट. अरे मतलब आई एम सो एक्साइटेड टू लॉन्च द कंसेप्ट ऑफ वायर्ड चार्ट, आई एम टेलिंग यू. एंड दिस द वायर्ड चार्ट का कंसेप्ट हैज टेकन हेल लॉट ऑफ एफर्ट्स, और बहुत सारी चीजें आरएनडी करके, बहुत सारे प्लान करके, हमने कैंसिल करके फाइनली वायर्ड चार्ट के कंसेप्ट पे, उस पर बात करेंगे बाद में. अभी आता है सिंगल इंडिया लिमिटेड वर्सेस चंद्र मोहन चड्ढा एंड अदर्स सुप्रीम कोर्ट. सुना ध्यान से, even if transferor and transferee company are practically the same, still if the transferor company gives a lease asset to transferee company, it amounts to subletting and permission of lessor is needed.
सुना ध्यान से क्या कह रहे हैं, पिछला केस भी मोरलेस लीज का यही कह रहा था, यहाँ पे वही कह रहा है। यहाँ पे हुआ ऐसा था कि एक व्यक्ति है, उसने अपने लीज राइट दे दिए किसको, यूएस की कंपनी को, यूएस की कंपनी को। यूएस की कंपनी ने क्या किया, इंडिया में एक कंपनी फॉर्म की, जो यूएस की कंपनी के शेयर होल्डर थे डायरेक्टर, वही उस इंडिया की कंपनी के शेयर होल्डर डायरेक्टर बने और उन्होंने उस असेट को इस इंडियन कंपनी को दे दिया। ठीक है, तो ये जो लेसर था ओनर था, बोले ये क्या किया आपने, मुझसे बिना पूछे सबलेटिंग, मुझसे बिना पूछे सबलेटिंग। तो क्वेश्चन था, वो बोले कि सबलेटिंग थोड़ी है, अरे सुनो ना, हम थे यहां पे, हम यहां पर हैं यूएस में, यही शेयर होल्डर और डायरेक्टर जो है वो इंडिया में आ गए हैं इन द नेम ऑफ दिस इंडियन कंपनी, शेयर होल्डर भी हमें डायरेक्टर भी हमें, तो यहां पे भी हम ही हैं और यहां पे भी हम ही हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। यहां पे द कोर्ट हेल्ड कि नहीं भाई, भले ही ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी, समझना ध्यान से, ये ट्रांसफरर कंपनी यूएस की, उसी ने उस असेट को दिया है इंडियन कंपनी और इन्होंने यहां पे आके इस असेट को लिया, बिकॉज यही तो शेयर होल्डर डायरेक्टर है, लेकिन दो अलग अलग कंपनी के नाम पे। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि भले ही ट्रांसफरर कंपनी मोर लेस सेम है, ट्रांसफर कंपनी भले ही मोर लेस सेम है, बट स्टिल लॉ की नजरों में ये दो अलग अलग कंपनीज हैं, लॉ की नजरों में दो अलग अलग कंपनीज हैं, एंड हेंस इसको सबलेटिंग माना जाएगा। ट्रांसफर ट्रांसफर भले ही सेम है, इवन इफ ट्रांसफर एंड ट्रांसफर कंपनी आर प्रैक्टिकली द सेम, स्टिल इफ द ट्रांसफर कंपनी गिव्स अ लीज असेट टू ट्रांसफर कंपनी, इट अमाउंट्स टू सबलेटिंग एंड द परमिशन ऑफ लेसर इज रिक्वायर्ड। तो उनको एक ही अप्रूवल लेना था, समझो ए ने लीज का पावर दिया यूएसए की कंपनी को, यूएसए की कंपनी ने इंडिया में कंपनी फॉर्म कर दी है और यहां पर आ गई, तो भी ए का अप्रूवल लेना होगा इस सबलेटिंग के लिए भी, बिकॉज भले ये दो अलग अलग कंपनीज हैं नेम, भले ही ये दोनों कंपनीज के अंदर डायरेक्टर शेड्यूल सेम है, बट ये एक्चुअली लीगल एंटिटी के हिसाब से अलग अलग कंपनी है, तो भले ही यहां पर यूएसए की कंपनी ने इंडियन कंपनी को दिया ये असेट, तो यहां पर लेसर की परमिशन इज रिक्वायर्ड, तो सबलेटिंग ही माना जाएगा, भले ये दोनों प्रैक्टिकली सेम है। तो हमने लीज के अंदर रूल बना दिया ए बी को दे रहा है, भले ए और बी एक ही है प्रैक्टिकली, यही पार्टनरशिप था, यही कंपनी है, दोनों सेम है, अलग अलग कंपनी हो गई, तो भी इसको ट्रांसफर माना जाएगा, इसको सबलेटिंग के लिए परमिशन चाहिए। और इमेज देखो ना, क्या मतलब क्या मेहनत करके इमेज लगाई है यहां पे, सुना ध्यान से, लेसर ट्रांसफरर ट्रांसफरी, ये दोनों जुड़वा भाई हैं, सुना ध्यान से, ये दोनों जुड़वा भाई हैं, कौन दोनों जुड़वा भाई हैं, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। फिर भी देखो क्या कह रहे हैं कि ट्रांसफरर अगर ट्रांसफरी को कुछ देना चाहता है तो ट्रांसफरर को किसको बताना होगा, लेसर को, और लेसर ये किसको देगा, ट्रांसफरी को। तो इनका कहना है कि भले ही ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी सेम है, ये दोनों जुड़वा भाई है, गधों समझो, ये दोनों जुड़वा भाई है, तो भले ही ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी सेम है, भले ही ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी सेम है, फिर भी लेसर के थ्रू ही जाएगा ये अग्रीमेंट। क्या इमेज, सही है, इमेज दिमाग में बैठ दी, बोलो हाँ। अब एक राज की बात बताता हूँ, वो किसी को बताना मत, एक्चुअली तीनों जुड़वा भाई है एक्चुअली, बट उससे अपना कंसेप्ट बिगड़ता है, तो मैं वो नहीं बताऊंगा। मैं क्या बताऊंगा, सिर्फ ट्रांसफर एंड ट्रांसफर ही जुड़वा भाई है, ठीक है। तो ट्रांसफर और ट्रांसफर अगर जुड़वा भाई भी हैं, तो वो जो ट्रांजैक्शन होगा वो हमेशा लेसर को पास होते हुए ही होगा। आर वी अंडरस्टैंडिंग, मतलब अगर सेम एंटिटीज भी हैं तो भी लेसर की परमिशन चाहिए, बहुत भारी। चलो यार, अब आते हैं 29 पे, सरस्वती इंडस्ट्रियल सिंडिकेट लिमिटेड वर्सेस सीआईटी सुप्रीम कोर्ट, फोकस करना अच्छे से। अमालगेशन मर्जर इनकम टैक्स का केस है, द ट्रांसफरी कंपनी कैन क्लेम द एग्जम्पशन फॉर एक्सपेंडिचर अलाउड टू ट्रांसफरर कंपनी, बहुत ही प्यारा सा केस है, इजी सा केस है। हुआ कैसा, मान लीजिए ए लिमिटेड बी लिमिटेड अमालगेमेट होकर बन रही है सी लिमिटेड, एग्जाम्पल ए लिमिटेड बी लिमिटेड अमालगेमेट होकर बन रही है सी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने कुछ खर्चा किया, ये खर्चा कब किया, 5th अगस्त को ए लिमिटेड ने कुछ खर्चा किया है, इसका इनकम टैक्स के जो अपना असेसिंग ऑफिसर है उसने बोल दिया कि हाँ ये जो आपने खर्चा किया ये अलाउड है, आपको इसका एग्जम्पशन मिलेगा ईयर एंड पे, ईयर एंड पे जब रिटर्न फाइल करोगे ना तब इसका आपको एग्जम्पशन मिलेगा। इन्होंने कुछ भी किया है उसका इनको एग्जम्पशन मिलने वाला है ए लिमिटेड को, लेकिन 5th अगस्त को ही किया, ईयर एंड होता 31st मार्च को और फिर एग्जम्पशन मिलता, 5th अगस्त का 5th सितंबर को, 31st मार्च आया भी नहीं है और 5th सितंबर को तो ये कंपनीज हो गई मर्ज, तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड मर्ज होकर बन गई सी लिमिटेड। अब 31st मार्च को जब ईयर एंड पे रिटर्न फाइल करेंगे वो तो सी लिमिटेड का जा रहा है ना, तो सी लिमिटेड बोला कि वो जो आपने ए लिमिटेड को एग्जम्पशन अलाउ किया था ना वो मैं ले लेता हूं, बिकॉज ए लिमिटेड वो एग्जम्पशन ले ही नहीं पाया है ना, तो वो एग्जम्पशन मैं ले लेता हूं बिकॉज वी आर द सेम कंपनी। तो वहां पे असेसिंग ऑफिसर ने मना कर दिया, सीआईटी ने भी मना कर दिया, तो केस गया सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट बोला कैसी बातें कर रहे हो, क्यों मना कर रहे हो, ये यही तो कंपनी ने मर्ज कराई, तो जो उसको एग्जम्पशन दिया था वो क्लेम कर पाया क्या, नहीं, तो वो क्लेम कौन करेगा, ये कंटिन्यूइंग कंपनी क्लेम करेगी। सो ध्यान से पढ़ो, अब आपको समझ में आएगा, द ट्रांसफरी कंपनी कैन क्लेम द एग्जम्पशन फॉर एक्सपेंडिचर अलाउड टू ट्रांसफरर कंपनी, तो ट्रांसफरर कंपनी जो है उसका जो एक्सपेंडिचर था जो उसको अलाउ किया गया था लेकिन वो क्लेम नहीं कर पाया, वो ट्रांसफरी कंपनी बिल्कुल क्लेम कर सकती है। आर वी क्लियर, चलो, तो एग्जाम्पशन अलाउड एंड 30th एंड द लास्ट केस लॉ इन दिस सेट, अरे हम जाएंगे 66 तक गधों, लेकिन उसके बाद में आपको मैं एक बार मौका दूंगा पूरे अभी तक के केस लॉस पढ़ने का। 30th केस जो हमने पढ़ा, दैट इज टिन प्लेट डीलर्स एसोसिएशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस अदर्स, खैर ये हमको पढ़ना ही नहीं है गधों, रीड इन डिटेल लिखा है क्योंकि नो लीगल प्रिंसिपल, बहुत सारे फैक्ट्स हैं वो पढ़ के इस केस को हमें रैप अप करना है। यस गधों, तो यहाँ पे हमने 30 केसेस पढ़ लिए हैं,
अब आपको मैं दे रहा हूं 2 मिनट, अब क्या करना है सुनना मेरी बात को, अब मैं पेजेस शीट्स फ्लिप भी नहीं करूंगा, आपके पास ऑलरेडी नोट्स होंगे, आपके पास ये वाले नोट्स ऑलरेडी हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, ये जो नोट्स अभी तक हुए उन नोट्स से उनको देखते हुए, उन नोट्स से उनको देखते हुए फटाफट 30 केसेस फटाफट से रिवाइज करना है। कोई स्टूडेंट ऐसे जिनको ये नोट्स नहीं मिले तो आपने क्या करना है, शुभम सुखलेचा जो मोबाइल एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड बेस्ड एप्लीकेशन, जो शुभम सुखलेचा करके एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन पे आपको जाना है। इस एप्लीकेशन के अंदर फ्री स्टडी मटेरियल करके सेक्शन होगा, उस सेक्शन के अंदर वहां पे आपको मिल जाएंगे एमसीएस के हेड में ये वाले नोट्स, ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट्स के पास नोट्स नहीं तो फटाफट वहां से नोट्स डाउनलोड कर लो और फटाफट से केस नंबर 1 to केस नंबर 30 जो है पूरे रैप अप कर लो, ओके। ये जो एप्लीकेशन है अभी तक एंड्रॉइड पे ही चल रही है, बट आई गेस बहुत जल्द उसका हमारा एप्पल का जो प्ले ऐप स्टोर वर्जन है वो भी आ जाएगा, तो आप लोग अभी वो भी ट्राई कर सकते हैं। जब आप वीडियो देख रहे हो तब ऐप वर्जन आ चुका हो ऐप स्टोर का, तो वहां से आपने डाउनलोड करना है और फटाफट से वहां से नोट्स को देखना है, केस नंबर 30 तक फटाफट रिवाइज करो, सुधार में 31 से स्टार्ट करूंगा। क्लियर यार, चलिए फुल स्पीड में रिवाइज करो फटाफट से। चलिए यार शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विद द नंबर 31। केस नंबर 31 आ रहे हैं, बहुत तूफान है इसका भी इमेज। मॉर्गन स्टैनली म्यूचुअल फंड वर्सेस कार्तिक दास। कार्तिक दास मॉर्गन स्टैनली म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है, म्यूचुअल फंड ने यूनिट्स ऑफर किए थे पब्लिक को, कार्तिक दास ने इस ऑफर डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट एप्लीकेशन लेके गया कि जो ऑफर डॉक्यूमेंट लिखा है इसके अंदर बहुत सारे मिसस्टेटमेंट है, पब्लिक को ये डिफ्रॉड कर रहे हैं, मिसलीड करते हुए लोगों से पैसा ले रहे हैं। बट ये इशू हुआ कि कार्तिक दास ने जो केस फाइल किया, ये केस फाइल किया कंज्यूमर कोर्ट में, कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल किया कार्तिक दास ने कि जो ऑफर डॉक्यूमेंट इनका, इनका ऑफर डॉक्यूमेंट बहुत सारे मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स है, फ्रॉड है, ये सारी चीजें हैं। यहां पे द क्वेश्चन रेस्ट विच वॉज रेस्ट टू सुप्रीम कोर्ट वॉज कि क्या कार्तिक दास कंज्यूमर फोरम में केस फाइल कर सकता है क्या। सो एपेलेंट्स ने अपील की कंज्यूमर फोरम उनके लिए करेक्ट फोरम ही नहीं है, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया, समझना ध्यान से, कि कार्तिक दास कंज्यूमर फोरम में केस फाइल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज कार्तिक दास इज नॉट इवन अ कंज्यूमर, कार्तिक दास खुद कंज्यूमर है ही नहीं, एंड हेंस वो कंज्यूमर फोरम में केस फाइल नहीं कर सकता। सर कंज्यूमर कैसे बनेगा वो एक व्यक्ति, सुना ध्यान से, सर शेयर्स तो गुड होते हैं तो जिसके पास शेयर्स है या यूनिट्स है वो तो कंज्यूमर बनेगा, पर यहां पे सुना ध्यान से कार्तिक दास को अभी तक शेयर्स अलॉट नहीं हुए थे, मतलब यूनिट्स जो है वो अलॉट नहीं हुए थे, तो जब तक शेयर्स का अलॉटमेंट नहीं हो जाता है शेयर होल्डर कंज्यूमर नहीं है। एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट हो चुका है, जिस दिन अलॉटमेंट हो गया उसके बाद में बनता है कंज्यूमर, उसके बाद में व्यक्ति बनता है कंज्यूमर, तब तक कंज्यूमर नहीं है। तो अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो वो व्यक्ति कंज्यूमर बना ही नहीं था, कंज्यूमर बना ही नहीं है तो वो कोपरा के अंदर एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। कोपरा बोले तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कोपरा में एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते जब तक आप कंज्यूमर नहीं हो। आप कंज्यूमर कब तक नहीं हो? जब तक आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो यहां पे कार्तिक दास को अलॉटमेंट नहीं हुआ था तो वो कोपरा में केस फाइल नहीं कर सकता है। एंड एप्लीकेंट डज नॉट बिकम कंज्यूमर अप टिल द अलॉटमेंट इज डन, हेंस कैन नॉट फाइल अ कंप्लेंट अंडर कोपरा अगेंस्ट द इश्यूअर अप टू अलॉटमेंट, अप टिल अलॉटमेंट इज डन। जब तक अलॉटमेंट नहीं हुआ तब कोपरा में नहीं जा सकता। कोपरा 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 कोबरा 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 कोबरा, तो यहां पे जो इमेज है वो किसकी है? कोबरा की। एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट इज इक्वल टू कंज्यूमर। ये इमेजेस का यूज कैसे है आपको एग्जाम टाइम पे पता चलेगा। एग्जाम टाइम पे जब आप इसको देखोगे तो आपका, अरे कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोबरा कोबरा वाला केस फटाफट ढूंढोगे तो आपको कोबरा ढूंढने में समय लगेगा, लेकिन ये इमेज कोबरा का ढूंढना चलती होगा। तो ये आपको समझिए, मैंने बहुत तूफान तरीके टाइट एंड टेस्टेड तरीका पर ट्राई कर रहा हूं, 3 से 4 अलग अलग वे से, इससे मैंने सोचा था कि स्टूडेंट एग्जाम में जल्दी अपने केस तक पहुंचे, और उन सब में फिर मैंने एक्चुअली स्टूडेंट्स को बिठाया, डेमो टाइप एग्जाम करवाया उनसे, एंड देयर आफ्टर उन सब चीजों का मुझे पता चला कि ये दिस इज द बेस्ट वे। तो आप ये एग्जाम में आपको समझ में आएगा कि इसके ऊपर बहुत R&D हुई भी है, एंड देयर आफ्टर दिस इज द बेस्ट वे टू रीच द केस लॉ इन द फास्टेस्ट पॉसिबल, एंड यू विल योरसेल्फ रियलाइज इट ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन। चलो तो ये केस हो गया पहला, मॉर्गन स्टैनली म्यूचुअल फंड वर्सेस कार्तिक दास। ये आवाज से हम लोग कैसे बचेंगे? चलिए यारो, यस अफ इको होगा क्या? वेट वेट वेट, चलिए यस पीपल, चलिए यारो, ये हो गया हमारा पहला केस लॉ, एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द सेकंड केस लॉ, दैट इज प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जेके सिंथेटिक्स मजदूर यूनियन कोटा वर्सेस अर्फत पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स। इस केस में क्या हुआ था सुना? इट वॉज हेल्ड दैट सिंपली BIFR कैन पास ऑर्डर ओनली अगेंस्ट सिक कंपनीज। तो इस केस के अंदर एक्चुअली हुआ ऐसा था दैट यहाँ पे एक कंपनी थी सिक कंपनी,
और एक और कंपनी इज नॉर्मल कंपनी, तो BIFR ने सिक कंपनी के तो ऑर्डर दिए चलेगा, BIFR पास एन ऑर्डर अगेंस्ट द नॉर्मल कंपनी एज वेल, तो नॉर्मल कंपनी गई यहां पर सुप्रीम कोर्ट तक और बोला कि BIFR मेरे अगेंस्ट केस कैसे फाइल कर सकता है, तब सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि यू आर करेक्ट, BIFR कैन नॉट पास एनी ऑर्डर अगेंस्ट अ नॉन सिक कंपनी, एक कंपनी जो कि सिक कंपनी पहले डिक्लेयर होगी उसी के अगेंस्ट BIFR, BIFR कौन है, अथॉरिटी अंडर सीका, तो सीका की जो अथॉरिटी BIFR वो सिर्फ तब केस फाइल कर सकता है, सिर्फ तब केस फाइल कर सकता है, तब ऑर्डर दे सकता है व्हेन द कंपनी इज अ सिक कंपनी, सिक कंपनी नहीं तो BIFR केस फाइल नहीं कर सकता है, BIFR कैन पास ऑर्डर्स ओनली अगेंस्ट सिक कंपनी, इमेज से याद करने की कोशिश करना, BIFR कैन पास ऑर्डर्स ओनली अगेंस्ट सिक कंपनी, तो कंपनी अगर सिक है तो ही BIFR ऑर्डर पास कर सकता है। चलो यार फिर आता 33 द स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस कमर्शियल टैक्स, ये तो आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा होगा, सिंपल सा केस है दैट अ कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, एक कंपनी सिटीजन नहीं होती है, ये इश्यू इसलिए किया था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 19 जो है दैट इज ओनली फॉर सिटीजन, आर्टिकल 19 इज ओनली फॉर सिटीजन, तो वो जो सिटीजन के लिए है तो सिटीजन के अंदर सिर्फ नेचुरल पर्सन को इंक्लूड किया है, आर्टिफिशियल पर्सन को इंक्लूड नहीं किया है, तो जो कंपनीज हैं उनको आर्टिकल 19 के फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते, सिंपल तरीके से बात करते हैं, कंपनी इज नॉट अ सिटीजन एंड हेंस कैन नॉट फाइल अ केस फॉर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19, तो कंपनीज को आर्टिकल 19 के बेनिफिट्स नहीं मिलते बिकॉज कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, सिंपल, बट यही इस केस लॉ के सब 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 जगह पे पढ़े तो ये भी लिखा था कि कंपनी सिटीजन नहीं होती है लेकिन कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस होता है और कंपनी का डोमिसाइल भी होता है, बट कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, कंपनी को आर्टिकल 19 के प्रोटेक्शन नहीं मिलते हैं क्लियरली। चलो तो ये क्या लिखा है यहाँ पे, इमेज से आपको याद रखना है कि ये कंपनी है तो कंपनी को आर्टिकल 19 के बेनिफिट मिलते हैं क्या, नहीं, कंपनी को आर्टिकल 19 के बेनिफिट मिलते हैं क्या, नहीं, लेकिन एक इंडिविजुअल है तो उसको आर्टिकल 19 के बेनिफिट मिलते हैं, सिंपल, तो एक इंडिविजुअल है तो उसको आर्टिकल 19 के बेनिफिट मिलते हैं बट एक कंपनी को आर्टिकल 19 के बेनिफिट नहीं मिलते हैं। चलो नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर वर्सेस आंध्र Provincial Potteries Limited and others. क्या है केस? एकदम सिंपल सा. If a company has not conducted its general meeting, the company is not required to file its balance sheet and profit and loss account to ROC. एक कंपनी ने इश्यू ऐसा हुआ सर ना, एक कंपनी ने जनरल मीटिंग ही नहीं कंडक्ट की तो ROC ने उसके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया, ROC ने उसके अगेंस्ट वॉयलेशन ले लिया, ROC ने उसके अगेंस्ट पेनल्टी ऑर्डर कर दी दैट द कंपनी इज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू ROC, कंपनी ने बैलेंस शीट PNL फाइल नहीं किया, कंपनी क्या बोला, सुनो हमने वॉयलेशन तो किया है but the violation is not that we have not filed, the violation is that we have not conducted the general meeting, there are different sections, to ye jab hua tha tab companies act ke sections the 131 133 134 aise sections jo the wo is bare mein baat karte the, to yahan pe company ka contention ye tha ki humne violation to kiya hai, mana nahi kar rahe but hamara violation 134 ka nahi hai, alag alag violations the to usme kehte 134 ka violation ye kehta hai that you have not filed financial statements to ROC, company saying we were not bound to file financial statements to ROC, we were bound to conduct general meeting and then file, we have not conducted general meeting, so company ka kehna tha ki hamara violation hai that we have not conducted general meeting, whereas aap hum pe penalty laga rahe ho that we have not filed financial statements to ROC, so yahan pe supreme court held ki if at all a company has not conducted its general meeting is the company still required to file financial statement to ROC, so supreme court held no, if a company has not conducted its general meeting, if a company has not conducted its general meeting, then the company is not required to file the financial statements to ROC. Is company ke upar penalty lagegi, but penalty is baat ki lagegi ki is company ne general meeting conduct nahi kiya. General meeting conduct nahi kiya, to aapko ROC ko financial statement file karne ki avashyakta nahi hai. Very clearly. To image aisi yaad rakhegi ki company ki general meeting hi nahi hui hai, to financial statement file karne ki zarurat hi nahi hai. Chalo. Then aa raha hai Indian Chemical Products Limited versus State of Orissa. यहां पे क्या हुआ था, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आने के बाद में जो भी इंडिया में महाराजा लोग थे उन सब लोगों को, महाराजा लोगों को कंपलसरली अपनी प्रॉपर्टी स्टेट गवर्नमेंट को देनी पड़ी थी, तो इस तरह से लाया था कि कुछ लिमिटेड प्रॉपर्टी उनके पास रहेगी बाकी सारी प्रॉपर्टी जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो इसी तरह से हुआ था महाराजा इन ओरिसा के अंदर भी, तो उस महाराजा के पास जो शेयर्स थे कंपनी के वो पूरे शेयर्स उनको देने पड़े थे स्टेट गवर्नमेंट को, तो महाराजा को बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्टेट गवर्नमेंट को शेयर्स देने पड़े थे, स्टेट गवर्नमेंट गया उस कंपनी के पास में कि ये जो शेयर्स महाराजा के नाम पर रजिस्टर्ड है अब मेरे नाम पर रजिस्टर कर दो, उस कंपनी ने कर दिया रिफ्यूज कि हम आपके नाम पर रजिस्टर नहीं करेंगे, तो उसको लेकर डिसीजन आया इफ शेयर्स ऑफ महाराजा डिवॉल्व टू द स्टेट गवर्नमेंट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, इफ द शेयर्स ऑफ महाराजा डिवॉल्व टू द स्टेट गवर्नमेंट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ बीओडी कैन नॉट रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन ऑफ सच शेयर्स, कि बीओडी उन शेयर्स के ऊपर रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज नहीं कर सकती, कतई रिफ्यूज नहीं कर सकती, बीओडी उनके रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज नहीं कर सकती। ओके, देन द नेक्स्ट केस वॉज शांता जेनिवाइन प्रोमरेट एंड अदर वर्सेस सकाल पेपर्स लिमिटेड, एकदम सिंपल, यहां पे क्या हुआ, इसकी इमेज से आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा लिंक करने में, समझना पहले हुआ क्या था, हाईकोर्ट कैन नॉट डिसमिस द एप्लीकेशन फॉर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट इन
लेमाइन। समझना ध्यान से, लेमाइन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई केस आप तक आया, आपने उस केस को पूरे मेरिट्स में कहीं नहीं सुना ही नहीं, ऑन द फेस ऑफ इट एट द बिगनिंग रिजेक्ट रिजेक्ट ए रिजेक्ट 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 ऑन द फेस ऑफ इट एट द बिगनिंग ओनली यू हैव रिजेक्टेड अ केस। तो हाई कोर्ट ने एक ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के केस को लेमन में रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है, लेमन में उसको केस को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया एंड इस केस को लेकर इशू गया सुप्रीम कोर्ट तक। द क्वेश्चन वॉज कैन अ हाई कोर्ट डिस्पोज ऑपरेशन का केस एट द बिगनिंग ओनली विदाउट गोइंग इन टू द मेरिट्स। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कि हाई कोर्ट इज रॉन्ग इन डूइंग सो, हाई कोर्ट कैन नॉट डिसमिस अ केस इन लेमन एंड हाई कोर्ट हैज टू गो इन टू द मेरिट्स एंड देन डिस्पोज ऑफ द केस। हाई कोर्ट किसी भी केस को ऑन द फेस ऑफ इट डिस्पोज नहीं कर सकता, हाई कोर्ट को मेरिट्स में जाना होगा और फिर ही हाई कोर्ट डिस्पोज कर देगा एंड दिस वाज हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये इस इमेज को ऐसा रखा है कि मतलब उद्देश्य ये था कि कभी भी आप शुरुआत में रेस शुरू होने के पहले जज नहीं कर सकते कि ये तो ये रेस जो है ना ये रेस तो खरगोशी जीतने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। नहीं, आपको एक्चुअली रेस होने देनी है, पूरे मेरिट्स में जाना है और एंड में आपका डिसीजन देना है। क्या पता डिसीजन कुछ और निकले, क्या पता कछुआ चीज जाए। तो कोई भी डिसीजन आप ऑन द फेस ऑफ इट नहीं दे सकते, आपको उसके मेरिट्स में जाके एंड तक जाकर ही डिसीजन देना है। तो हाईकोर्ट डज नॉट हैव द पावर टू गिव एनी डिसीजन एट द बिगनिंग, हाईकोर्ट को डिटेल में जाके डिसीजन देना होगा। 36 आता है बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन लंडन ब्रांच, एकदम आराम से। ये भी केस बहुत ही अच्छा है। इसमें BIFR के अंदर क्या हुआ था, एक कंपनी ने अप्लाई किया BIFR के पास, तो BIFR का जो रजिस्ट्रार है उसने मना कर दिया कि आप इंडस्ट्रियल कंपनी नहीं हो तो आपके केस को हम लेंगे ही नहीं। उसने अपील की सेक्रेटरी, सेक्रेटरी बोला अरे आप इंडस्ट्रियल कंपनी नहीं हो तो आपके केस को तो हम लेंगे ही नहीं। फिर क्या चेयरमैन, चेयरमैन ने भी यही बोल दिया अरे आप इंडस्ट्रियल कंपनी नहीं हो तो आपका केस BIFR में नहीं आएगा। तो कंपनी को रिजेक्ट कर दिया रजिस्ट्रार, सेक्रेटरी और चेयरमैन ने कि आपका केस BIFR में नहीं आ सकता बिकॉज यू आर नॉट अ इंडस्ट्रियल कंपनी। और BIFR जो सीका है, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज है, तो सिर्फ इंडस्ट्रियल कंपनीज को हम यहाँ पे लेते हैं। तो ये केस गया इस तरह से सीका में, रिजेक्ट कर दिया किसने, रजिस्ट्रार, सेक्रेटरी और चेयरमैन ने। और उसी के अगले साल ये केस हाईकोर्ट में गया इस कंपनी का केस फॉर वाइंडिंग अप, और हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया वाइंडिंग अप ऑर्डर कि कंपनी को हम वाइंड अप करते हैं, वाइंड अप करते हैं। तब कोर्ट में इशू आया, समझना ध्यान से, क्या पहला केस जो सुप्रीम कोर्ट का केस है, पहला इशू आया क्या रजिस्ट्रार, सेक्रेटरी और चेयरमैन के पास वाकई में पावर है टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन द बेस ऑफ द कंपनी इज नॉट इंडस्ट्रियल कंपनी। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड के नहीं, इनके पास पावर ही नहीं है, रजिस्ट्रार, सेक्रेटरी और चेयरमैन के पास कोई पावर नहीं है कि वो किसी कंपनी को रिजेक्ट कर दे ऑन द बेसिस ऑफ सेइंग दैट यू आर नॉट अ इंडस्ट्रियल कंपनी। इन तीनों का काम इतना सा है कि स्क्रूटनी करें और बेंच जो हमारे यहाँ पे अथॉरिटी ट्रिब्यूनल है उसके सामने स्क्रूटनी रख दें, देन द बेंच द ट्रिब्यूनल विल डिसाइड कि इंडस्ट्रियल कंपनी है या नहीं। तो उन्होंने गलत तरीके से रिजेक्ट किया, उन्होंने गलत तरीके से रिजेक्ट किया मतलब इस कंपनी का एप्लीकेशन अभी भी सीका में पेंडिंग है ना, क्योंकि उन्होंने उनका तो रिजेक्शन इनवैलिड हो गया, तो सीका में एप्लीकेशन पेंडिंग है। और वाइंडिंग अप का ऑर्डर हमने एक चीज पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर सीका में एप्लीकेशन पेंडिंग है तो क्या हाईकोर्ट आपका वाइंडिंग अप ऑर्डर दे सकता है, क्या नहीं दे सकता। तो हाईकोर्ट का वाइंडिंग अप ऑर्डर कैंसिल हो गया बिकॉज सीका में एप्लीकेशन अभी भी वैलिड है। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट, देखो यहाँ पे क्या सीखा, द रजिस्ट्रार, सेक्रेटरी और चेयरमैन ऑफ सीका डज नॉट हैव द पावर टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन, दे डू नॉट हैव द पावर टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन, देयर ड्यूटी इज टू मेक स्क्रूटनी एंड प्रेजेंट बिफोर द ट्रिब्यूनल, इफ अ रेफरेंस इज पेंडिंग अंडर सीका एनी कोर्ट कैन नॉट ऑर्डर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ये कोई डॉट नहीं है, दिस इज नथिंग सिंपल। तो पहली चीज रजिस्ट्रार, सेक्रेटरी, चेयरमैन का कोई राइट नहीं रिजेक्ट करने का, और दूसरी जगह सीका में एप्लीकेशन ऑटोमेटिक पेंडिंग हो गई है तो हाईकोर्ट का वाइंडिंग ऑर्डर सेटिसफाइड हो जाएगा, हाईकोर्ट का वाइंडिंग ऑर्डर का कोई वैलिडिटी नहीं है। आर वी अंडरस्टैंडिंग? बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट 38 लक्ष्मी टी कंपनी वर्सेस प्रदीप कुमार सरकार, बीओडी कैनॉट रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर प्रिज्यूमिंग टू हैव एन इनहेरेंट पावर। अरे आपको लगता है आपके पास बहुत ताकत है, नहीं है। बीओडी कैनॉट प्रिज्यूम दैट दे हैव अ पावर to refuse registration, ये power AOA में लिखी होनी चाहिए। So board of directors cannot presume that they have a power, inherent power to refuse the registration. They cannot refuse the registration. अभी आप वापस सोच रहे होंगे, सर ये refusal of registration के तो बहुत सारे cases हम confused हो जाएंगे exam में, नहीं होंगे, क्योंकि उसके लेके हमारा wire chart काम आएगा। wire chart काम में आएगा कैसे, रुकना ध्यान से, वापस आऊंगा यहाँ पे, एक मिनट, wire chart को मैं introduce करूंगा end में, बट एक idea देता हूँ आपको। focus रिफ्यूजल टू रजिस्टर कहां दिख रहा है, ये रहा रिफ्यूजल रजिस्टर दिखा आपको रेड में, उसके मतलब रिफ्यूजल टू रजिस्टर के पूरे 66 में से तीन केसेस हैं, एक है 50, एक है 44, एक है 38 और एक है 35, चार केसेस है। अब आप समझो आप एग्जाम में अटक गए, रिफ्यूजल का केस आ गया पर आपको समझ नहीं आ रहा कंपनीज एक्ट का, ये तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया बट इसमें कौन सा पढ़ू मेरे को याद नहीं आ रहा, तो आप इस चार्ट पे जाएंगे, रिफ्यूजल के कितने केसेस हैं, ये चार, 50, 44, 38 और 35। तो अगर आप इमीडिएटली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कहीं पे आप अटक रहे, आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, फटाफट वायर चार्ट पे आके ओके ये चार केसेस हैं, ओके ये अरे हाँ ये वाला केस है, और आप आंसर लिखना शुरू कर देंगे। Are you understanding? अरे दीवाना कर देगा, गेम चेंजर है ये चार्ट आपका पूरा जो पॉसिबिलिटी है कि कोई आंसर आपका गलत हो जाए, गलत होने ही नहीं देगा। चलो छोड़ो, 38 पे आते हैं हम लोग वापस।
Yes, people. यहाँ पे हमने पढ़ा that BOD cannot presume, BOD does not have an inherent power to refuse the registration. वो power BOD के पास होनी चाहिए through articles of association. तो inherent power नहीं है for refusal of registration. चल, inherent power नहीं है मतलब आपको मेहनत करके वो power लेनी होगी. You do not have an inherent power. उसके बाद आता है टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. सुना ध्यान से, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 का केस है, बहुत आसान सा केस है. आर्टिकल 19 का केस पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, एक कंपनी इज नॉट द सिटीजन, सो कंपनी डज नॉट गेट बेनिफिट ऑफ आर्टिकल 19. एन इंडिविजुअल इज अ सिटीजन, ही गेट्स द बेनिफिट ऑफ आर्टिकल 19. तो यहां पे हुआ क्या, सुना ध्यान से, एक कंपनी थी, उस कंपनी का आर्टिकल 19 वायलेट हुआ. आर्टिकल 19 वैसे तो उसका अवेलेबल नहीं, बट सुनना, उसका आर्टिकल 19 वायलेट हुआ. तो कंपनी तो केस फाइल कर ही नहीं सकती आर्टिकल 19 के लिए. तो कंपनी का एक शेयर होल्डर है, वो बोला कि सुनो ना, कंपनी तो केस फाइल नहीं कर सकती है, बट शेयर होल्डर तो आर्टिकल 19 के लिए केस फाइल कर सकता है. तो शेयर होल्डर फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द अदर पार्टी ऑन द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ द कंपनी. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड, सुनो, आर्टिकल 19 का बेनिफिट जब कंपनी को नहीं है, तो कंपनी के आर्टिकल 19 के वायलेशन पे इवन अ शेयर होल्डर कैन नॉट फाइल अ केस. सो द क्वेश्चन इज नॉट कि कौन केस फाइल कर सकता है नहीं कर सकता है, द क्वेश्चन इज किसके पास आर्टिकल 19 है और किसके पास नहीं है. सो कंपनी के पास आर्टिकल 19 ही नहीं है. हाँ सुनो, ये मैं शेयर होल्डर हूं, मेरा इंडिविजुअली एज अ इंडिविजुअल पर्सन मेरा आर्टिकल 19 वायलेट हुआ तो मैं केस फाइल कर सकता हूं, लेकिन अगर कंपनी का आर्टिकल 19 वायलेट हुआ तो कंपनी तो केस फाइल नहीं कर सकती. पहले हमने पढ़ लिया स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन अंडर वर्सेस एससीसी वर्सेस सीटीओ, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर. उस केस में हमें पढ़ चुके हैं कि कंपनी सिटीजन नहीं है, तो कंपनी खुद के वायलेशन तो केस फाइल कर ही नहीं सकती है. इवन कंपनी के वायलेशन पे कंपनी का शेयरहोल्डर भी केस फाइल नहीं कर सकता है, बिकॉज जो चीज हम डायरेक्टली अचीव करना अलाउड नहीं कर सकते, उसको हम इनडायरेक्टली भी तो अलाउ नहीं करेंगे, बिकॉज तो हर एक व्यक्ति यही करेगा, उसके शेयरहोल्डर के नाम पे केस फाइल करते जाएंगे. तो सुनना, कंपनी का आर्टिकल 19 वायलेट हुआ है तो ना तो कंपनी खुद केस फाइल कर सकती है, ना कंपनी का शेयरहोल्डर केस फाइल कर सकता है. हाँ, किसी शेयरहोल्डर का इंडिविजुअल आर्टिकल 19 वायलेट हुआ इंडिविजुअल लेवल पे, तो वो केस फाइल कर सकता है, तो उसमें उसके शेयरहोल्डर होने की तो बात ही नहीं आती है. तो अगर आर्टिकल 19 कंपनी का वायलेट हुआ है तो ना तो कंपनी केस फाइल कर सकती है, ना ही कोई शेयर होल्डर कंपनी के बिहाफ पे केस फाइल कर सकता है. समझना ध्यान से, एज ऑलरेडी हेल्ड कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, हेंस वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19 कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इफ आर्टिकल 19 हैज बीन वायलेटेड फॉर एनी कंपनी, इवन शेयर होल्डर कैन नॉट फाइल एनी केस अगेंस्ट सच वायलेशन. देखो शेयर होल्डर कितना दुखी हुआ जब उसको पता चला कि आर्टिकल 19 के लिए वो भी केस फाइल नहीं कर सकता. तो फिर आर्टिकल 19 हैज बीन वायलेटेड ऑफ द कंपनी, ना तो कंपनी खुद केस फाइल कर सकता है, ना ही शेयर होल्डर केस फाइल कर सकता है. गोइंग टू द नेक्स्ट, सॉरी, क्या इमेज और तूफान केस है, जेके बॉम्बे लिमिटेड वर्सेस भरू मेहता मिश्रा एंड अदर्स, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का केस है. समझना ध्यान से, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का केस कुछ ऐसा था. इसके अंदर कैसा हुआ, आपको रीड कभी भी कैसा करना है, पहले केस का नाम पढ़ोगे 40 जेके बॉम्बे वर्सेस भरू मेहता मिश्रा, उसके बाद में इधर हेडिंग पढ़ोगे कि वहां पे कोने में क्या दिया है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन. फिर आके देखोगे यहां पे इमेज देखोगे, अरे इसमें क्या हुआ होगा, फिर आओगे डिटेल में. इसमें हुआ ऐसा था कि कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय को फ्लैट दिया गया रहने के लिए, उसका एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया, फिर भी वो फ्लैट में रह रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, उसने फ्लैट ही नहीं छोड़ा, वो फ्लैट को कंटिन्यू कर जा रहा है. तो कंपनी ने केस फाइल किया उस फ्लैट में उस व्यक्ति जो रह रहा है, जो एम्प्लॉय था, उसकी वाइफ और उसके बच्चे, इन सबके अगेंस्ट केस फाइल किया कंपनी ने. इट वॉज अ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फॉर इविक्शन ऑफ फ्लैट, कि लोग अनऑथराइज तरीके से इलीगली हमारे फ्लैट में रह रहे हैं. तो कंपनी फाइल्ड केस अगेंस्ट द एम्प्लॉय, अगेंस्ट द फैमिली ऑफ एम्प्लॉय एज वेल, वाइफ एज वेल एज डॉटर्स ऑफ एम्प्लॉय. तो ये केस फाइल कर दिया, उसके बाद में उसकी वाइफ और उसके बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट तक केस लेके गए कि आपको केस फाइल करना है करो, बट आप केस अपने एम्प्लॉय के सामने अगेंस्ट केस फाइल करो, आप हमारे अगेंस्ट कैसे केस फाइल करो, पुलिस हमें क्यों लेके जा सकती है, एम्प्लॉय यहां पे रह रहा है इसलिए हम लोग रह रहे हैं चुपचाप, तो हमारा तो यहां पे कोई रोल ही नहीं है. तो द क्वेश्चन वॉज जस्ट कैन द कंपनी फाइल अ केस अगेंस्ट द फैमिली ऑफ द एम्प्लॉय. समझ में आ रहा है आपको, अरे कंपनी एम्प्लॉय के अगेंस्ट तो केस फाइल करेगी ना कि वो अनऑथराइज तरीके से रह रहा है, तो क्या कंपनी उस एम्प्लॉय के फैमिली के अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकती है क्या. सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि कंपनी एम्प्लॉय के फैमिली के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकती है. केस कैन बी फाइल अगेंस्ट द एम्प्लॉय इफ एट ऑल ही इज नॉट स्टेइंग, एम्प्लॉय के फैमिली के अगेंस्ट केस फाइल नहीं किया जा सकता है. समझना ध्यान से, अब जब बात है कि एम्प्लॉय के फैमिली के अगेंस्ट केस फाइल नहीं किया जा सकता है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने और इम्प्रोवाइज ऑर्डर दिया कि कभी भी अगर कंपनी के फ्लैट में कंपनी के एम्प्लॉय की फैमिली रह रही है, जबकि इविक्शन उसको निकाल चुके हैं, फिर भी अनऑथराइज तरीके से इलीगली रह रहे हैं, जब तक एम्प्लॉय जिंदा है तब तक एम्प्लॉय की फैमिली के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते. आर यू अंडरस्टैंडिंग. तो अगर ए बी सी डी ई ये लोग रह रहे हैं, ये एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की वाइफ और तीन बच्चे, ये लोग फ्लैट में रह रहे हैं, तो कंपनी फाइल केस अगेंस्ट द एम्प्लॉय. मान लीजिए एम्प्लॉय हैज डाइड, फिर भी ये लोग उसी फ्लैट में रह रहे हैं, तो उसके बाद में कंपनी कैन फाइल केस अगेंस्ट दीज पीपल एज वेल. तो जब तक एम्प्लॉय जिंदा है तब तक एम्प्लॉय के अगेंस्ट ही केस फाइल होगा, फैमिली के अगेंस्ट नहीं होगा, बट अगर एम्प्लॉय की डेथ हो गई है तो फैमिली के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं. देखते हैं क्या, फैमिली ऑफ एन एम्प्लॉय और पास्ट एम्प्लॉय कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड. नॉट यहां पर चला गया, सुनना ध्यान से, कैन नॉट, फैमिली ऑफ एन एम्प्लॉय और पास्ट एम्प्लॉय कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर अ क्रिमिनल कंप्लेंट अप टिल द एम्प्लॉय पास्ट एम्प्लॉय इज अलाउड अलाइव.
तो जब तक इंप्लॉय जिंदा है तब तक हम फैमिली के केस फाइल नहीं कर सकते। अरे इमेज तो देखो कि सब लोग घर में रह रहे हैं, लेकिन पूरा दुख कौन सहन करेगा, केस किसके ऊपर आएगा? इंप्लॉय के केस। तो इंप्लॉय कैन केस फाइल अ केस अगेंस्ट इंप्लॉय अप टिल द इंप्लॉय इज अलाउड। सिर्फ उसी के केस केस आएगा, फैमिली के केस नहीं आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलिए आपको मिलते हैं 5 मिनट फटाफट से। आप क्या करोगे, जैसे कि आपको पता है कि आपने वीडियो को पॉज करके फटाफट, मैं 31 to 40 नहीं रिवाइज करोगे, आप 1 to 40 रिवाइज करोगे फटाफट से। आप 1 to 40 को रिवाइज करो, अरे यही तो क्लिक है, फटाफट से 1 to 40 इसको रिवाइज करो, एंड देयर आफ्टर विल कंटिन्यू द वीडियो। फटाफट से 1 to 40 को रिवाइज करो। यस पीपल, तो मुझे लगता है कि आपने अभी तक फटाफट से रिवाइज करके आए होंगे। अब हम आगे बढ़ते विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यस 41, द केस 41 टॉक्स अबाउट मदन लाल फकीर चंद दुदेड़िया वर्सेस श्री समथिंग चांगगांव शुगर मिल्स लिमिटेड, प्रमोटर्स कमीशन, प्रमोटर्स रेम्यूनरेशन। समझना ध्यान से क्या हुआ था इसके अंदर। इसके अंदर प्रमोटर ने कंपनी के साथ में एक अग्रीमेंट कर रखा था कि हे कंपनी, अब जब तक ये कंपनी चलेगी इस कंपनी से हम एक 100% ऑफ कमीशन लेके आएंगे। फॉर एग्जांपल द कमीशन वाज रिड्यूस्ड टू 6% समथिंग, 6% के आसपास का कमीशन है जो हम इस कंपनी से लेंगे, प्रमोटर है ना हम, तो हम ये कमीशन कंपनी के प्रॉफिट से लेके जाएंगे। उसके बाद में कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट आ गया, कंपनीज एक्ट चेंज हो गया, और वहां पर पोजीशन ऐसी आ गई कि ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट है कि जो प्रमोटर का कमीशन वगैरह कॉन्ट्रैक्ट है उसकी लिमिट आ गई, और उसके थ्रू ये जो इनका एक्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट था 6% का वो हो गया वॉइड। आपको समझ में आ रहा है कि अब वो अलाउड ही नहीं है। तो यहां पर केस ऐसा गया सुप्रीम कोर्ट तक दैट प्रमोटर ये कह रहे हैं कि हमारा तो अग्रीमेंट पहले का एंटर किया हुआ है तो वो अलाउ होना चाहिए, और लॉ उनको समझाने की कोशिश करे ऐसा नहीं होता है कि भले ही आपने अग्रीमेंट पहले एंटर किया था लेकिन बाद में अमेंडमेंट आ गया, तो अमेंडमेंट आने के बाद से ये अग्रीमेंट हो गया इनवैलिड वॉइड। ये आपको समझ में आना चाहिए, समझना ध्यान से। तो यहां पे कोर्ट ने हेल्ड किया इफ एनी अमेंडमेंट इन लॉ इज अगेंस्ट एनी एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट और आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के एओए के क्लॉज के अगेंस्ट या किसी अग्रीमेंट के अगेंस्ट है, सच अग्रीमेंट और आर्टिकल बिकम वॉइड एंड कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। कि जैसे ही वो अमेंडमेंट आया वो सारा जो आपका अग्रीमेंट है या वो आर्टिकल है वो हो जाएगा वॉइड। आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, इट इज अ वेरी ऑब्वियस पॉइंट ना, कि लॉ में चेंज आया तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो उसके वॉयलेशन में तो ऑटोमेटिकली वॉइड है। समझो कि मैं गुजरात में बैठ के बिजनेस कर रहा हूं पान मसाला का, टोबैको का बिजनेस कर रहा हूं मैं गुजरात में, और सडनली एक ऑर्डर आ जाएगा कि गुजरात में टोबैको का बिजनेस करना बंद है, तो मैं ये थोड़ी कह सकता हूं कि मैं पहले से कर रहा था तो मैं कंटिन्यू करूंगा। नहीं, जिस दिन ऑर्डर आ गया उस दिन से बैन है तो उस दिन से बंद होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो कोई भी पहले अग्रीमेंट किया है, लॉ में अमेंडमेंट आ गया, तो उस दिन से वो अग्रीमेंट क्या हो जाएगा वॉइड। वेरी ऑब्वियस। द नेक्स्ट केस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, बहुत बारीक सा केस था, इनकम टैक्स एक्ट का। समझना, इस केस के अंदर क्या हुआ, लिक्विडेशन चल रहा है कंपनी का, तो एक इनकम टैक्स ऑफिसर जो है उसने कहा है कि मुझे इस कंपनी के जो टैक्स है उसको रीअसेस करना है, रीअसेसमेंट करना है। तो उन्होंने रीअसेसमेंट शुरू किया, तो कोर्ट एप्लीकेशन लिखी कहा सुप्रीम कोर्ट तक कि हमसे पूछे बिना, हाय राम, हमसे पूछे बिना आप कैसे कर सकते हो असेसमेंट, कि हमसे पूछे बिना लिक्विडेशन में कंपनी, तो लिक्विडेशन कोर्ट से पूछे बिना आप कैसे कर सकते हो असेसमेंट, हमसे पूछे बिना आप असेसमेंट नहीं कर सकते, नहीं चलेगा। ये केस गया सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सुनो, अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन में है, अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन में है तो देन उस लिक्विडेशन कोर्ट से पूछे बिना उस कंपनी का असेसमेंट किया जा सकता है। अगर उस इनकम टैक्स ऑफिसर का कोई क्लेम आता है, वो बोलता है कि हाँ मैंने असेसमेंट किया और हमारा 5 लाख रुपए का इनकम टैक्स पेबल आ रहा है, तो वो पेबल का क्लेम गाय विल बी गोइंग थ्रू द लिक्विडेशन कोर्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अगर आपको कोई पैसा क्लेम करना है तो लिक्विडेशन कोर्ट का अप्रूवल चाहिए, अगर आपको सिर्फ रीअसेसमेंट करना है तो अप्रूवल की कोई आवश्यकता नहीं है। यू डू नॉट नीड अ लीव ऑफ द कोर्ट फॉर सिंपली असेसिंग और रीअसेसिंग, बट इफ एट ऑल यू वांट टू आस्क फॉर एनी क्लेम देन यू नीड अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया। तो इस केस के अंदर अगर जो इनकम टैक्स ऑफिसर सिर्फ रीअसेसमेंट करना चाहता है तो उसको यहां पर सिर्फ रीअसेसमेंट के लिए उसको कोई लिक्विडेशन कोर्ट की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब आपको कुछ सिर्फ चेक करना है तो आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बोला। लेकिन अगर आप कोई पैसे मांगना चाहते हो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिक्विडेशन कोर्ट की परमिशन मैंडेटरी। चलो देखते हैं क्या हुआ। इनकम टैक्स ऑफिसर इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन लीव ऑफ द लिक्विडेशन कोर्ट व्हेन ही वांट्स टू रीअसेस द प्रायर असेसमेंट ऑफ द कंपनी लिक्विडेशन। कंपनी लिक्विडेशन को सिर्फ रीअसेसमेंट करना है तो अप्रूवल की जरूरत नहीं है। लीव ऑफ द कोर्ट इज रिक्वायर्ड इफ ही वांट्स टू क्लेम एनी मनी। तो यहां पे फोटो कैसा है कि वो आदमी और कंपनी है, वो कंपनी ने पीछे से अपना पैसा छुपा रखा है। तो अगर इनकम टैक्स ऑफिसर सिर्फ वहां पे इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा है कि क्या कुछ पैसा छुपाया है, इसके लिए अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हमने पता कर लिया पैसा छुपाया, अब हम पैसा मांगना चाहते हैं तो वहां पे परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्लियर है हम लोग यार? चलो, तो सिंपल है कि अगर कोई भी इनकम टैक्स ऑफिसर सिर्फ असेसमेंट करना चाहता है तो लिक्विडेशन कोर्ट की परमिशन मैंडेटरी नहीं है। ये सीखा हमने 42 केस से। फिर आता है अपना केस अब्यूस ऑफ कोर्ट का, बहुत ही बढ़िया केस है, समझना ध्यान से। हुआ क्या इस केस के अंदर, रामचंद्र एंड सन्स शुगर लिमिटेड वर्सेस कन्हैया लाल भार्गव एंड अदर्स, 43 नंबर का केस है, अब्यूस ऑफ कोर्ट का केस है। इसमें ऐसा हुआ कि एक कोर्ट ने कंपनी के अगेंस्ट बहुत सारे समन्स, कंपनी के डायरेक्टर के अगेंस्ट बहुत सारे समन्स भेजे। समन्स आप गए, आपको पता है कि आपके घर पे देखो क्या हो रहा है, समन आ रहा है, समन आ रहा है, ये समन है,
समन है। कंपनी ने आपके डायरेक्टर के अगेंस्ट बहुत सारे समन 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 भेजे, आपके डायरेक्टर ने समन को रिप्लाई नहीं किया। मतलब द डायरेक्टर हैज अब्यूज द कोर्ट कि आपके डायरेक्टर को हम समन भेज के बुला रहे हैं बट डायरेक्टर आ ही नहीं रहा है, डायरेक्टर हैज अब्यूज द पावर ऑफ द कोर्ट। तो यहां पे उस कोर्ट ने क्या क्या सुना ध्यान से, उस कंपनी का राइट टू डिफेंस ही ले लिया। राइट टू डिफेंस का मतलब क्या होता है कि आपके अगेंस्ट जो केस फाइल किया गया, अब आपके पास पावर नहीं कि आप डिफेंस दोगे हमें, तो राइट टू डिफेंस उससे ले लिया गया एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर कि आपका डायरेक्टर अब्यूज कर रहा है, आपका राइट टू डिफेंस ले लिया गया। ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में, वो कंपनी बोली कि माना हमारे डायरेक्टर से गलती हुई है, माना हमने हमारे डायरेक्टर से गलती हुई है, आपको जो पनिशमेंट देना है दो, लेकिन आप हमारा डिफेंस का राइट नहीं ले सकते यार, डिफेंस का राइट तो केस ही खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि इफ एट ऑल एनी डायरेक्टर हैज अब्यूज द कोर्ट, If any director has abused the court has a right to order consequential order. The court has a right to order consequential order, but as a consequential order, you cannot take away defense ka right. कि आप डिफेंस का राइट लेना इज टू मच, आप डिफेंस का राइट नहीं ले सकते। तो यहाँ पे जो कोर्ट ने डिफेंस का राइट लिया था उसको सेट असाइड कर दिया गया। देखते हैं क्या लिखा है, इफ अ डायरेक्टर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू समन्स द कोर्ट कैन मेक सूटेबल कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर बट स्ट्राइकिंग ऑफ द डिफेंस इज सर्टनली नॉट अ कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर कोर्ट कैन मेक। तो डिफेंस लेना नहीं कर सकते, कुछ और आप कर सकते हो। चलो तो अगर डिफेंस दिया था इस केस में तो स्ट्राइक ऑफ कर दिया कि डिफेंस नहीं ले सकते हो आप, भले उन्होंने अब्यूज किया, डिफेंस नहीं ले सकते हो आप, डिफेंस का जो राइट है वो उनसे नहीं ले सकते हो आप। नेक्स्ट केस आया हमारा, द डायरेक्टर कैन रिफ्यूज टू रजिस्टर द ट्रांसमिशन इवन इफ द पावर इन ईओए हैज बीन रिसेंटली एडेड। ये रिफ्यूजल के देखो कितने सारे केस हैं। तो हुआ क्या यहां पर, अब फैक्ट्स बहुत सारे हैं, उतने में नहीं जाऊंगा कि एक व्यक्ति है उसका कंपनी के साथ में बहुत सारा झगड़ा भी चल रहा था, उस व्यक्ति की डेथ हो गई तो उसके शेयर्स आ गए उसके बेटे के पास, उसके बेटे ने तब सुना ध्यान से, उस तब तक कंपनी के एओए के अंदर एक क्लॉज ही नहीं था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव द पावर टू रिफ्यूज द रजिस्ट्रेशन, पावर नहीं थी एओए में, और हमने पहले ही पढ़ा है कि एओए में पावर होना जरूरी है। तो फिर कंपनी ने आर्टिकल्स को अल्टर किया और फिर एओए में पावर ऐड की गई, द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव अ पावर टू रिफ्यूज एनी रजिस्ट्रेशन, वो पावर अब ऐड हो गई है। ठीक है, अब क्या हुआ सुनना ध्यान से, अभी पावर ऐड हो गई, उसके बाद में उसका लीगल एयर आया कि मेरे नाम पे इन शेयर्स को रजिस्टर कर दो, तो कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया कि हम रजिस्टर नहीं कर रहे हैं। ये लीगल एयर सुप्रीम कोर्ट तक गया कि ये इन लोगों ने आर्टिकल को ऑल्टर किया सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ मुझे रिफ्यूज करने के लिए उन्होंने आर्टिकल में ऑर्डर किया, क्योंकि मेरे पिताजी से इनकी सालों की रंजिशें चल रही थी इसलिए इन्होंने आर्टिकल्स को ऑर्डर किया। कोर्ट ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपके हैं कितने शेयर, 100 शेयर, 100 शेयर के लिए हम ऐसा प्रिज्यूम नहीं कर सकते, उस केस में उनके पास बहुत कम शेयर्स थे, 100 शेयर्स थे, कि इतने से शेयर्स के लिए हम प्रिज्यूम नहीं कर सकते थे, कंपनियां आपके लिए एओ के ऑल्टर किया है तो ये गलत है। और सिंपल कि एओए अगर रिसेंटली भी ऑल्टर हुआ है तो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको रिफ्यूज कर सकते हैं, दे हैव द राइट, एक दिन पहले भी ऑल्टर किया और अगले दिन आपने एप्लीकेशन दिया, आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज करने का राइट बीओडी के पास है अगर एओए में लिखा है तो है। इसके अलावा डायरेक्शन दिए सुप्रीम कोर्ट ने कि देखो सुनो, ये तो हम कह रहे हैं कि आपके पास पावर है बट बीओडी को हमेशा वो पावर एक्सरसाइज करनी है इन द बोनाफाइड इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, कभी पर्सनल रंजिशों के चक्कर में नहीं करेंगे, बोनाफाइड इंटरेस्ट यहां पे अलाउ किया गया कि आपका नाम हटाया जाएगा, तो आपका नाम को रजिस्ट्रेशन का रिफ्यूज कर सकते हैं। द डायरेक्टर्स कैन रिफ्यूज टू रजिस्टर द ट्रांसमिशन इवन इफ द पावर इन ईओ हैज बीन रिसेंटली एडेड। आप ये ग्राउंड नहीं दे सकते, अभी अभी ऐड किया हमें कैसे रिजेक्ट करोगे, रिसेंटली ऐड किया तो भी आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट केस अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, इन केस ऑफ लिक्विडेशन डेटर हैज टू पे द फाइनल अमाउंट ओनली आफ्टर सेटिंग ऑफ एनी अमाउंट रिसीवेबल टू हिम। समझना ध्यान से, pay the final amount only after setting off any amount receivable to him, setting off is allowed in liquidation. सुनना carefully क्या है, official liquidator of high court versus श्रीमती वी लक्ष्मी कुटी, winding up का केस था। इसमें हुआ क्या, थोड़ा बेटर तरीके से समझना, ये एक कंपनी की बैलेंस शीट है, समझ लो ये उस कंपनी की बैलेंस शीट है, तो कंपनी लिक्विडेशन में सारे असेट से पैसा रिसीव करना चाहती है, फिर लायबिलिटीज को पे ऑफ करना चाहती है। तो जब वो असेट से पैसा रिसीव कर रही थी, सुना ध्यान से, जब वो असेट से पैसा रिसीव कर रही थी तब यहां पे नाम है डेटर्स में लक्ष्मी कुटी, लक्ष्मी कुटी से एग्जांपल ले रहा हूं कि उनको 2 लाख रुपए लेने बाकी है, तो उनको लक्ष्मी कुटी से 2 लाख रुपए लेने वाले, तो गए लक्ष्मी कुटी के पास कि हे लक्ष्मी कुटी ये कंपनी को आपको 2 लाख रुपए देने, दे दो दे दो दे दो दे दो। लक्ष्मी कुटी ने क्या बोला कि मैं दे दूंगी पैसे लेकिन मैं इस कंपनी से 1 लाख रुपए मांगती भी हूं। उसने कहा था कि आप इस कंपनी की लायबिलिटी साइड देखो, मैं उस कंपनी से 1 लाख रुपए मांगती भी हूं, वी हैव म्यूचुअल डीलिंग्स, तो जैसे मुझे 2 लाख रुपए देने मुझे 1 लाख रुपए लेने भी है तो मैं आपको पैसा देने को रेडी हूं बट मैं आपको 2 लाख रुपए नहीं सिर्फ 1 लाख रुपए दूंगी सेट ऑफ करके। ये केस गया सुप्रीम कोर्ट के पास कि सेट ऑफ अलाउड है या नहीं है लिक्विडेशन में जब पैसा मांगा जाता है। आप समझो, आप ये मत सोचना कि क्या फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। आज लक्ष्मी कुटी ने 2 लाख रुपए दे दिए, पेमेंट के टाइम पे तो पेमेंट तो वैसे होगा ना, कैसा वाटरफॉल के हिसाब से, पहले सिक्योर्ड को जाएगा, वर्कमैन को जाएगा, इन सबको जाएगा, और क्या पता लक्ष्मी कुटी तक पैसा ही नहीं आया तो। आर यू अंडरस्टैंडिंग, लक्ष्मी कुटी कह रही नहीं भाई मैं सेट ऑफ करके देगी,
तो यहां पे कोर्ट ने हेल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि यस सेट ऑफ का राइट रहता है, तो लक्ष्मी कुट्टी 2 लाख रुपए नहीं देगी, लक्ष्मी कुट्टी 1 लाख रुपए ही देगी। इन केस ऑफ लिक्विडेशन डेटर हैज टू पे द फाइनल अमाउंट ओनली आफ्टर सेटिंग ऑफ एनी अमाउंट रिसीवेबल टू हिम। तो उसका कोई अगर पैसा लेना बाकी है तो उसको सेट ऑफ करके फाइनल अमाउंट ही देगा। सेटिंग ऑफ इज अलाउड इन लिक्विडेशन। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग कि क्वेश्चन ऑफ लॉ यहां पे क्या था। क्वेश्चन ऑफ लॉ था कि क्या सेटिंग ऑफ अलाउड है क्या डेटर के केस में? बिल्कुल कर सकता है, जो पैसा उसको लेना है उसको सेट ऑफ करके उसे फाइनल अमाउंट देगा, बिल्कुल दिस इज अलाउड। आर वी अंडरस्टैंडिंग? चलो नेक्स्ट केस पढ़ा हमने, वाइंडिंग अप का केस था, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बहुत ही प्यारा केस है, समझना ध्यान से इसको, थोड़ा सा अलग है, हटके केस। हुआ कैसा कि एक कंपनी ने जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके कॉर्पोरेशन से बैंक लोन लिया, एक कंपनी ने स्टेट कॉर्पोरेशन से लोन लिया, स्टेट कॉर्पोरेशन से लोन ले रखा है हमारे पास दोनों स्टेट कॉर्पोरेशन का। अब जो हमारे वाइंडिंग अप का टाइम आया, स्टेट कॉर्पोरेशन का एक अलग एक्ट है, उस एक्ट के तहत स्टेट कॉर्पोरेशन ने बोला कि हम इस एक्ट के तहत हम पैसा रिकवर करना चाहते हैं इस कंपनी से। स्टेट गवर्नमेंट बोला कि ये जो स्टेट कॉर्पोरेशन है इस एक्ट के तहत पैसा रिकवर करेगा, लिक्विडेशन के प्रोसेस में नहीं। तो लॉ ने बोला हाँ, ये एक्ट जो स्टेट गवर्नमेंट का जो पर्टिकुलर एक्ट है वो ओवरराइड करेगा कंपनीज एक्ट और उसके थ्रू आप पैसा रिकवर करेंगे। बट उन्होंने एप्लीकेशन दी लिक्विडेशन कोर्ट को कि हे लिक्विडेशन कोर्ट, ये हमारा इनसे इतना पैसा लाना पड़ेगा, इनकी सिक्योरिटी है, तो हम इसको इस एक्ट में, हमारे एक्ट में कवर करना चाहते हैं। लिक्विडेशन कोर्ट क्या बोला, सुनना ध्यान से, वो बोला कि बिल्कुल आप वो आपके एक्ट में कवर करो, लेकिन रुको, आप जब कंपनी से पैसा रिकवर करोगे और आप लोगे तब आपको मेरे ये कुछ ऑर्डर से इनका भी ध्यान रखना है। और वहां पे उस लिक्विडेशन कोर्ट ने कुछ ऑर्डर्स दिए फॉर सिक्योरिंग वर्कमैन। समझना ध्यान से क्या हुआ, लिक्विडेशन में अगर पूरा चलता तो लिक्विडेशन में अगर ये जो स्टेट कॉर्पोरेशन है वो लिक्विडेशन के थ्रू पैसा लेती तो क्या करता ये कोर्ट, पहले सारे असेट्स को बेचता, फिर जो पैसा आया सिक्योर्ड के भी पहले वर्कमैन को दे रहा है, नहीं तो कि वर्कमैन को पैसा देंगे फिर सिक्योर्ड को देंगे, तो सिक्योर्ड को कम मिल रहा है। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर शाने क्या निकले, क्या करने लग गए, ये बोले कि हम हमारे एक्ट में लेंगे पैसा, तो हमारे एक्ट में वर्कमैन के लिए तो कोई जगह नहीं उनके पर्टिकुलर एक्ट में, तो बोले हमारे एक्ट में पैसा लेंगे। तो लिक्विडेशन कोर्ट बोला बिल्कुल आप लो, लेकिन ये मेरा क्लियर ऑर्डर है कि आप जब खुद के एक्ट में भी पैसा लेना चाहते हो तो आपको वर्कमैन को पहले देना होगा। तो इस चीज को लेकर केस गया सुप्रीम कोर्ट तक कि क्या जो वाइंडिंग अप लिक्विडेशन कोर्ट है उसके पास ऐसे ऑर्डर देने का राइट है या नहीं है। देखो क्या हेल्प किया, इफ ड्यूरिंग वाइंडिंग अप any state financial corporation intends to invoke state financial corporation act 1951 high court still has the power to impose certain condition to safeguard the interest of workmen, ki high court jo hai wo condition impose kar sakta hai to safeguard the interest of workmen jab wo apne prospective act mein bhi paisa recover kar raha hai, respective act mein paisa recover kar raha hai, to bhi high court has the power to give a order to safeguard the interest of the workmen। are exam mein aapko bahut easily aata jayega because aapko facts aise hi de rakhe honge ki aisa aisa ho raha hai, aisa high court aisa order de sakta hai kya? bilkul de sakta hai, humne padha hai। kaun se case mein dekho aisa ki ye देखते ही वर्कमैन कितने खुश हो रहे हैं, शक्ल देखो उस वर्कमैन की, he is so happy that yes now our money is secured। are we understanding? High court has the power to give consequential orders for the security of workmen। 47 डिटेल में पढ़ने वाला सेक्शन हो गया, कोड हो गया, उसके बाद देखो दिव्या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अदर्स। वाइंडिंग अप का केस है, कोर्ट कैन सेट असाइड द सेल इन लिक्विडेशन इफ द प्राइस इज नॉट एडिक्वेट। समझना ध्यान से, बहुत भारी केस है भी। इस केस में क्या हुआ कि लिक्विडेशन के अंदर कुछ सेल करने का डिसाइड किया, तो एक व्यक्ति के साथ अग्रीमेंट टू सेल कर दिया दैट दिस असेट विल बी गिवन टू यू एट 1.3 CR, कि 1,30,00,000 में ये असेट आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया अग्रीमेंट टू सेल भी हो गया। उसके ही कुछ समय बाद एक थर्ड पार्टी आई कि इस असेट के लिए तो मैं 2 करोड़ देने को रेडी हूं, तो वो थर्ड पार्टी कोर्ट के पास है कि असेट के लिए 2 करोड़ देने को रेडी हूं। कोर्ट बोला कि अगर इस असेट के लिए 2 करोड़ मिल रहा है तो बिल्कुल ही 2 करोड़ में हम आपको बेचेंगे, बिल्कुल ही 2 करोड़ में हम आपको बेचेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा है उतना मैं वर्कमैन वगैरह को दे सके। ये मैं हूँ लिक्विडेशन कोर्ट, यहाँ पे सारे असेट्स है, यहाँ पे सारी लाइबिलिटीज है, जितना ज्यादा पैसा असेट से आएगा उतनी ज्यादा लाइबिलिटीज पे ऑफ कर पाएंगे ना हम। यहाँ पे एक असेट का हमने कॉन्ट्रैक्ट है 1.3 करोड़ में बेचेंगे, तो अग्रीमेंट टू सेल भी हो गया। लेकिन तीसरा पार्टी आया जो आके बोला कि नहीं यार इसके लिए तो मैं 2 करोड़ देने को रेडी हूँ। सो देन द कोर्ट सेज के ठीक है, हम 2 करोड़ देने को, हम 2 करोड़ वाले को बेचेंगे, हम वापस ऑक्शन कराएंगे इसमें 2 करोड़ का बेचेंगे। तो ये जो 1.3 करोड़ वाला अग्रीमेंट था ये गया सुप्रीम कोर्ट तक कि ये क्या बात हुई, अग्रीमेंट टू सेल होने के बाद आप कैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि नहीं, वेन एवर इन लिक्विडेशन आपका अग्रीमेंट भी हुआ है तो भी अगर बेटर प्राइस आती है तो फिर कोर्ट किसी और को बेच सकता है। तो यहां पे जब आपका अग्रीमेंट भी सेल हुआ लिक्विडेशन, इसका मतलब सिंपल है कि 1.3 CR में अगर कोर्ट बेचेगा तो आप ही को बेचेगा, लेकिन अगर ज्यादा में बिका तो कोई और व्यक्ति को भी बेच सकते हैं। ये बहुत जरूरी था, अभी आपको लग रहा है तो गलत है, पहले अग्रीमेंट हो चुका है, ये बहुत जरूरी था बिकॉज लोग लिक्विडेशन के टाइम पे बहुत कम प्राइस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे, बहुत कम प्राइस में कर लेते थे, और यहाँ पे भी डिसीजन मेकिंग इनके पास थी तो थोड़ा सा ब्राइब वगैरह करी के तरीके से बहुत सारा यहाँ पे गलत चीजें होती थी और कम रेट के अंदर वो असेट्स बिक जाते थे। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि भले आपने अग्रीमेंट कर लिया कुछ नहीं, अगर बेटर प्राइस है तो हम बेटर वाले को ही बेचेंगे। देखते हैं आगे, कोर्ट कैन सेट असाइड द सेल इन लिक्विडेशन इफ द प्राइस इज नॉट एडिक्वेट, अगर बेटर प्राइस है तो कोर्ट बेटर प्राइस को ही बेचेगा। नेक्स्ट इज 49 पी बोनैया वर्सेस जयपुर शुगर कंपनी लिमिटेड, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस था यहाँ पे।
क्या केस हुआ, जीपी होल्डर, जीपी बोलते जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर कैन गिव कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर। यहां पे हुआ कुछ ऐसा था कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसको ईजीएम कंडक्ट करनी थी, तो ईजीएम के लिए कम मिनिमम लोग चाहिए, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन देने के लिए मिनिमम लोग चाहिए, कितने लोग ही ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन दे सकते हैं, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन के मिनिमम लोग चाहिए, तो मिनिमम लोग हो नहीं रहते। तो मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके पास अपनी डॉटर का जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है, डॉटर का जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब उसके बिहाफ में मैं सारी चीजें कर सकता हूं, तो उस फादर ने अपने डॉटर के जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू उस डॉटर के पास भी कंपनी के शेयर्स थे, तो वहां पे ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन दे दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ए लिमिटेड, ए लिमिटेड के शेयर्स मेरे पास भी, मेरी डॉटर के पास भी है, ठीक है, मेरी डॉटर के शेयर्स का जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे पास है, तो जब ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन दी तो मैंने मेरे नाम पर तो दे दी और डॉटर के नाम पर भी मैंने ही साइन करके दे दिया, उसका जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी लगा दिया, कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, कंपनी बोले कि ये सब चलेगा नहीं, कि अगर ऑपरेशन मिसमैनेज की एप्लीकेशन नहीं दी तो पर्सन हैज टू गिव इट पर्सनली, द पर्सन हैज टू गिव द एप्लीकेशन पर्सनली। तो वहां पे ये केस गया सुप्रीम कोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट बोला कि नथिंग डूइंग, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर जो है वो भी किसी और के बिहाफ पे यहां पे कंसेंट दे सकता है, तो फादर कैन गिव कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ द डॉटर इफ द फादर हैज जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जिसके पास है वो किसी और के बिहाफ पे कंसेंट दे सकता है ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट पे। आर वी अंडरस्टैंडिंग? क्लियर यार? चलो नेक्स्ट ज्यादा है, मैकिंटोश बर्न लिमिटेड वर्सेस सरकार एंड चौधरी एंटरप्राइज लिमिटेड, रिफ्यूजल टू रजिस्टर शेयर का एक और केस, रिफ्यूजल टू रजिस्टर शेयर का। यहां पे क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर कैन बी रिफ्यूज्ड ऑन द ग्राउंड दैट द ट्रांसफरिंग कंपनी इज कंट्रोल्ड बाय कॉम्पिटिटर। अरे बहुत भारी केस था, इसके अंदर भी समझो क्या हो रहा है, ये है ए लिमिटेड, ये है बी लिमिटेड, बी लिमिटेड ऑलरेडी होल्ड्स से 30% शेयर्स इन ए लिमिटेड, बी लिमिटेड यहां पर आप ए लिमिटेड बी लिमिटेड फोकस करो ध्यान से, बी लिमिटेड ऑलरेडी होल्ड्स आ गया 30% शेयर्स ऑफ ए, बी लिमिटेड ऑलरेडी होल्ड्स 30% शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड, यहां पे बी लिमिटेड ने 10% शेयर्स और अक्वायर कर लिए, बी लिमिटेड 10% शेयर्स और अक्वायर कर लिए, और हुआ ऐसा, समझना ध्यान से, कि ये जो यहां पर है एम लिमिटेड, एम लिमिटेड इज अ कॉम्पिटिटर ऑफ ए लिमिटेड एंड एम लिमिटेड होल्ड्स बी लिमिटेड, तो अब ए लिमिटेड को पता चला, सुना ध्यान से, कि अगर बी लिमिटेड को हमने और शेयर्स दे दिए तो कहीं ना कहीं एम लिमिटेड हमारे कॉम्पिटिटर के पास ही हमारा कंट्रोल चले जाएगा, तो बी लिमिटेड में शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल अलाउड है, यू कैन रिफ्यूज द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑन द ग्राउंड दैट द शेयर्स आर बीइंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली बॉट बाय कॉम्पिटिटर। बिल्कुल सही है, समझो ध्यान से, आज उबर और ओला है, ठीक है, तो मान लो उबर ओला के शेयर्स खरीदेगा तो ओला उसको रिफ्यूज कर सकता है, क्योंकि फिर तो क्या होगा कि उबर ओला के डिसीजन मेकिंग में आएगा और फिर वो उबर ओला का भी नुकसान करवा देगा बुरे डिसीजंस देके, तो उसमें हम समझे सर उसका भी तो खुद का नुकसान होगा बिकॉज वो शेयर होल्डर है, अरे बट उसका कॉम्पिटिशन जो बिजनेस है उसको तो बूम मिलेगा ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो क्लियर कह दिया गया दैट एक कंपनी के डायरेक्टर्स किसी भी ट्रांसफर को रिफ्यूज कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड दैट द शेयर्स आर बीइंग ओन्ड बाय, द शेयर्स आर बीइंग अक्वायर्ड बाय कॉम्पिटिटर, तो अगर कॉम्पिटिटर का कंट्रोल आ रहा है तो इस ग्राउंड पर आप शेयर्स को का रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज कर सकते हैं। क्या बात है, आगे बढ़ते हैं। 51 हनुमान प्रसाद बागरीवाल केस था, बहुत ही अच्छा। वाइंडिंग अप ऑर्डर कैन बी मेड इफ कंपनीज अफेयर्स आर बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर प्री जुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट और व्हेन इट इज जस्ट एन इक्विटेबल टू वाइंड अप द कंपनी, इट इज द लास्ट रिसॉर्ट। तो यहां पे सिंपल कहा कि आपका वाइंडिंग अप ऑर्डर कब आएगा, वाइंडिंग अप ऑर्डर तब आएगा इन दो केसेस में, पहला केस इफ द अफेयर्स आर बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट और व्हेन इट इज जस्ट एन इक्विटेबल टू वाइंड अप द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ये एक लास्ट रिसॉर्ट था। वाइंडिंग अप ऐसे नहीं चलो कुछ नहीं हो रहा वाइंडिंग अप कर लेते हैं, वाइंडिंग अप इज ऑलवेज द लास्ट रिसॉर्ट। और जब ये दो केसेस हैं कि अगर मान लीजिए कंपनीज अफेयर्स आर कंडक्टेड इन अ मैनर प्री जुडिशियल और दूसरा आ रहा है कि व्हेन इट इज जस्ट एन इक्विटेबल, ओनली इन दीज टू सिनेरियो वी वाइंड अप द कंपनी, अदरवाइज हम कंपनी का वाइंडिंग अप नहीं करते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो हनुमान प्रसाद ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट कि सिर्फ इन दो केसेस में कंपनी का वाइंडिंग अप होगा। फिर आता है हमारा चेरन प्रॉपर्टीज लिमिटेड वर्सेस कस्तूरी सन्स एंड कस्तूरी एंड सन्स लिमिटेड एंड अदर्स। यहां पे क्या कहा गया, सुना, आर्बिट्रल अवार्ड इज टू बी ट्रीटेड एज गुड एज डिक्री ऑफ द कोर्ट, आर्बिट्रल अवार्ड विल बी ट्रीटेड एज गुड एज डिक्री ऑफ द कोर्ट। आपको समझ के चलना, इस केस में हुआ कुछ ऐसा था कि आर्बिट्रल अवार्ड आया, तो जैसे ही आर्बिट्रल अवार्ड आया पार्टी ने सीधा एनसीएलटी में अप्लाई कर दिया कि रेक्टिफिकेशन करके हमें शेयर्स दे दो, क्योंकि आर्बिट्रल अवार्ड में ऐसा हुआ है। तो कोर्ट में वो सामने वाली पार्टी बोली कैसे, सॉरी आर्बिट्रल अवार्ड आया तो अभी कंफर्मेशन तो होने दो, इसका कोर्ट का ऑर्डर तो आने दो। बोले नहीं, आर्बिट्रल अवार्ड इज एट गुड एज डिक्री ऑफ द कोर्ट, तो जैसे ही आर्बिट्रल अवार्ड आया इमीडिएटली जिसके फेवर में आया वो एनसीएलटी में अप्लाई कर सकता है कि मेरे नाम पे रजिस्टर करवाओ। तो आर्बिट्रल अवार्ड इज एज गुड एज डिक्री ऑफ द कोर्ट, द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर आर्बिट्रल अवार्ड वुड बी यू अप्लाई टू एनसीएलटी के मेरे नाम पे रजिस्टर कराओ। आपको किसी का वेट करने की जरूरत नहीं है, एनसीएलटी से अप्रूवल नहीं लेना है, एनसीएलटी को आप कह सकते हो कि ये जो ऑर्डर आ चुका है इसको आप एग्जीक्यूट करवाओ बस। तो आर्बिट्रल अवार्ड इज एज गुड एज डिक्री ऑफ द कोर्ट। फिर आता है एक केस आया बहुत ही भारी,
कि एक कंपनी था, इनकॉर्पोरेशन हुआ, इनकॉर्पोरेशन होकर ईयर एंड में उसका प्रॉफिट जब कैलकुलेट किया तो असेसिंग ऑफिसर बोलता है कि इनकॉर्पोरेशन के पहले आपका प्रॉफिट हुआ था 20,000 का, इनकॉर्पोरेशन के बाद में आपका प्रॉफिट हुआ 50,000 का, तो 70,000 पे टैक्स पे करो। कंपनी बोली कि हमारा इनकॉर्पोरेशन हुआ उसके पहले के इनकम पे हम क्यों टैक्स भरेंगे, उसके बाद के इनकम पे हम टैक्स भरेंगे ना, उसके पहले पे तो हमें हुआ, मैं कंपनी तो इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुई थी, कंपनी जन्म ही नहीं हुआ था, तो जन्म के बाद का हम टैक्स पे करेंगे। तो कंपनी बोली कि हम 50,000 पे टैक्स भरेंगे, 20,000 पे हम टैक्स पे नहीं करेंगे। कोर्ट ने बोला बिल्कुल सही, a company is liable to pay tax only on income after incorporation, pre incorporation pe a company is not liable to pay tax, then who is liable to pay tax on pre incorporation profit? Of course promoter। dekho dhyan se, company is not liable to pay tax on pre incorporation profit, promoter is personally liable to pay tax on pre incorporation profit, company is not liable, who is liable? Promoter is liable। next aata 54, the case is company law board versus upper dope sugar mills, government company ka case hai wapas yahan pe, central government CLB can keep condition like a limit on remuneration while approving the appointment of director of a government company। hua aisa tha, ek government company hai, theek hai, to uske andar government company ke andar who has the power to approve the directors, managing director? Central government, central government ne power delegate kar di CLB, to CLB ke paas power tha ki wo teen directors the, ki in directors ko kitna, इन डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है नहीं करना है, उसकी पावर किसको दी? सीएलबी। तो सीएलबी के पास जब अप्रूवल के लिए आया तो सीएलबी ने ऑर्डर पास किया कि यस, ऑल थ्री ऑफ यू कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, बट द लिमिट ऑन योर रेम्यूनरेशन विल बी 1,20,000 रुपीज पर एनम। तो सीएलबी ने उनको जब ऑथराइज किया, अप्रूव किया कि आप इस गवर्नमेंट कंपनी का डायरेक्टर बन सकते हो, सीएलबी ने उसके ऊपर लगा दिया लिमिट ऑन रेम्यूनरेशन। केस गया सुप्रीम कोर्ट तक कि क्या सीएलबी या सेंट्रल गवर्नमेंट जब अप्रूव करती है तब क्या रेम्यूनरेशन पे लिमिट लगा सकती है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस, while approving the appointment of director of a government company, CLB or central government can keep a limit on their remuneration. CLB or central government can keep limit like a limit on remuneration while approving the appointment of director of a government company. और फिर आता है 55, जिसको हमें पढ़ना है डिटेल में। आपको पता है मेरी आपसे क्या अपेक्षा है? आप वीडियो को करेंगे पॉज और 1 to 55 को फुल स्पीड में हमारे इसी समरी चार्ट से देखते रहोगे। हाँ ये समझा 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 इसके अंदर क्या हुआ था, फटाफट रीड कैसे करते हैं? केस का नाम वहां पे ऊपर, टॉपिक कौन से केस का टॉपिक है, इमेज, फिर याद आने, अरे इसके अंदर प्रिंसिपल क्या था, ऑटोमेटिक याद आ जाना चाहिए, और फिर आपने प्रिंसिपल में, मैं कह रहा हूं वो करो, एंड आपको एग्जाम में इतना बेनिफिट होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। यस वी विल, फटाफट यू हैव 5 मिनट्स, फटाफट से करोगे। Yes, people. तो मुझे आपसे अपेक्षा है कि आपने अभी तक क्या किया होगा, आपने सारे जो केसेस हैं 55 तक वो पूरे फटाफट से पढ़े होंगे। एंड नाउ वी आर हेडिंग टू केस नंबर 56। द केस वाज बालकृष्ण गुप्ता एंड अदर्स वर्सेस स्वदेशी पॉलिटिक्स लिमिटेड एंड अदर। केस रिसीवर का था। यहाँ पे क्या हुआ था, समझना ध्यान से इस केस के अंदर, कि कंपनी है, ठीक है, कंपनी के पास में शेयर्स हैं, से ए लिमिटेड, ए लिमिटेड हैज शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, ठीक है, ए लिमिटेड ने बी से, बी मतलब बैंक, बैंक से लोन लिया था, और लोन के बदले में प्लेच में क्या दिए थे, एक्स लिमिटेड के शेयर्स। तो ए जिसके पास एक्स लिमिटेड के शेयर्स हैं, होल्डर है, उसने लोन लिया और लोन के बदले में प्लेच दिया और लोन रिपे नहीं कर पाया, तो अब बैंक इस इन शेयर्स को बेच के अपना पैसा रिकवर करेगी। तो अभी तो बैंक ने फॉर द टाइमिंग क्या किया, अपॉइंट कर दिया रिसीवर, द बैंक इज अपॉइंटेड रिसीवर। अब हुआ ऐसा, ये जो कंपनी है, इस कंपनी की ईजीएम कंडक्ट करनी थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करने के लिए 10% लोगों का सिग्नेचर चाहिए था, तो उसमें ये ए लिमिटेड ने, कंपनी ने साइन करके दे दिया और बोला ईजीएम कंडक्ट करो। सवाल ये आया, एक ऐसा शेयर होल्डर जिनके शेयर्स के लिए रिसीवर अपॉइंट हो चुका है, एक ऐसा शेयर होल्डर जिनके शेयर्स के लिए रिसीवर अपॉइंट हो चुका है, डज दिस शेयर होल्डर स्टिल हैज द राइट टू गिव हिज कंसेंट और टू आस्क फॉर कंडक्टिंग ऑफ ईजीएम? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड यस, जब तक उस व्यक्ति का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में है, जब तक उस व्यक्ति का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में है, उस व्यक्ति के पास सारे राइट्स रहेंगे, भले रिसीवर अपॉइंट हो गया। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट द रिसीवर हैज बीन अपॉइंटेड, द शेयर होल्डर विल कंटिन्यू टू गेट ऑल द राइट्स। इवन इफ रिसीवर इज अपॉइंटेड फॉर द शेयर्स, द मेंबर स्टिल हैज All the rights, including right to call an EGM. Are we understanding? Chalo. Next, 57. Yahan pe kya hua? MD, managing director, was removed at a meeting which was conducted without even informing him. Oppose amounts to operation. Jab ek managing director ko company ke nikal diya, bahut bhari case tha. Iske facts mein nahi jaunga, na bhav ko jayenge. Kamal Kumar Dutta versus Ruby General Hospital wala. To isme kya, Kamal bhai ye promoter tha. ये प्रमोटर, उस एक डॉक्टर था, डॉक्टर कमल, ये प्रमोटर था, डायरेक्टर था, शेयर होल्डर था कंपनी का, तो ये यूएसए गया था, तो यूएसए अपने छोटे भाई को कंपनी का कंट्रोल दिया, छोटे भाई जो था उसके कंट्रोल में पूरी कंपनी थी उस टाइम पे, तो जब वो यूएसए गया तो छोटे भाई ने क्या कर दिया, छोटे भाई ने उस मैनेजिंग डायरेक्टर को निकाल दिया, उसको जो शेयर्स इशू होने वाले थे, शेयर्स इशू होना था बिकॉज वो मेडिकल इक्विपमेंट खरीद के बेच रहा था, आपने पढ़ाई होगा केस, तो जब वो बेच रहा था उन शेयर्स के इशू कैंसिल कर दिया, और उसके आने के पहले तो खत्म करके पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और खुद बन गया छोटा भाई मैनेजिंग डायरेक्टर, एकदम टीवी सीरियल जैसा। जैसे ही वो मैनेजर आया, उसने देखा कि ये क्या हो गया, अब वो डायरेक्टर भी नहीं है, देखो इमेज कि वो जब आया, अरे ये क्या हो गया, मैं डायरेक्टर ही नहीं, तो वो गया सुप्रीम कोर्ट के, ऐसे कैसे कर सकते हो आप कि मैनेजिंग डायरेक्टर को इन्फॉर्म किए बिना आप मीटिंग कर ली और आपने डायरेक्टर को निकाल दिया। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस इज ऑपरेशन,
If without informing the managing director, you're conducting a meeting and removing the managing director, this amounts to oppression. Clear है? और इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी हेल्ड किया था कि ये पूरा रेजोल्यूशन इनवैलिड माना जाएगा और वापस पूरा कंट्रोल दिया जाएगा कमलनाथ के हाथ में, जैसे रेजोल्यूशन पास ही नहीं हुआ था. Clear है? So if at all at a meeting you're removing the managing director was not informed about the meeting, this amounts to oppression. तो ऐसा आप नहीं कर सकते. तो मैनेजिंग डायरेक्टर को निकालना चाह रहे तो उस मीटिंग में मैनेजिंग डायरेक्टर का होना आवश्यक है. आवश्यक मतलब उसको इन्फॉर्म तो करना है आपको कि मीटिंग कर रहे हैं. बिना इन्फॉर्म के आप निकाल नहीं सकते. नेक्स्ट इज शाह ब्रदर्स पेट प्राइवेट लिमिटेड वाला केस. क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कैन बी इनिशिएटेड इवन ड्यूरिंग द मॉरेटोरियम पीरियड. आईबीसी बहुत अच्छा केस है. आईबीसी आप में जिसने पढ़ा है ये केस भी इसने पढ़ा उसको पता होगा. इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जो हमारा 2016 का कोड है उसके अंदर देयर इज अ रूल मॉरेटोरियम का. मॉरेटोरियम का रूल ऐसा कहता है कि जब एक केस चल रहा है आईबीसी के अंदर, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है, तब मॉरेटोरियम चलता है, तब कोई भी व्यक्ति वहां पे केस फाइल नहीं कर सकता, किसी भी और कोर्ट में भी केस फाइल नहीं कर सकता ड्यूरिंग द मॉरेटोरियम पीरियड. तो एक बार एक कंपनी के अगेंस्ट सीआईआरपी स्टार्ट हो गया तो मॉरेटोरियम चलेगा, मॉरेटोरियम के टाइम पे उस कंपनी के अगेंस्ट कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता. अब हुआ ऐसा कि एक पार्टी उस कंपनी के अगेंस्ट नहीं, उस कंपनी के एक डायरेक्टर के अगेंस्ट क्रिमिनल केस फाइल करना चाह रही थी. तो डायरेक्टर बोला नहीं नहीं आप क्रिमिनल केस फाइल नहीं कर सकते मेरे अगेंस्ट बिकॉज हमारा तो मॉरेटोरियम चल रहा है और मॉरेटोरियम के टाइम पे कोई भी हमारे अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता है. यहां पे एनसीएलटी हेल्ड दैट मॉरेटोरियम के टाइम पे कंपनी के अगेंस्ट कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता, वी अंडरस्टैंड. बट अगर डायरेक्टर के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करना चाहता है तो वो कर सकता है. मॉरेटोरियम इज ओनली फॉर सिविल केसेस, नॉट फॉर क्रिमिनल केसेस. द मॉरेटोरियम के टाइम पे क्रिमिनल केस कैन बी फाइल. Criminal prosecution can be initiated even during the moratorium period under IBC. चलो कुछ केसेस आपको मिल रहे हैं जहाँ पे इमेज नहीं है, तो यहाँ पे मेरी आपसे अपेक्षा रहेगी कि आप अपने हिसाब से कोई भी इमेज बना दो, कोई भी ड्राइंग बना दो जिससे कि आपको याद रहे. बहुत लिमिटेड ऐसे केसेस होंगे, ठीक है, सो दैट आपको अपने लिए थोड़े से एफर्ट्स होंगे तो और अच्छे से याद रहेगा, मेरा विश्वास मानो. चलो नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एंड अदर्स वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट. कंपनी कैन बी प्रोसिक्यूटेड विद ऑफेंस विच प्रोवाइड्स फॉर मैंडेटरी इंप्रिजनमेंट. बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था और कुछ ऐसी बात की सुप्रीम कोर्ट के पास कि सुप्रीम कोर्ट की इसके लिए आए हो मेरे पास. यस, यहां पे क्या हुआ कि कंपनी के अगेंस्ट एक केस फाइल किया गया. उस केस के अंदर जो पेनल्टी थी, एक सेक्शन का वायलेशन किया कंपनी ने, केस फाइल किया गया, तो उस सेक्शन का जो पेनल्टी थी उसमें लिखा था दैट द पर्सन विल बी फाइंड फॉर सम अमाउंट एग्जाम्पल एंड मिनिमम इंप्रिजनमेंट ऑफ 6 months विल बी गिवन. अब कंपनी ने इसके लिए क्या डिफेंस लिया? कंपनी ने डिफेंस लिया कि इस सेक्शन में मिनिमम इंप्रिजनमेंट दिया है एंड कंपनी कैन नॉट बी इंप्रिजनमेंट एंड हेंस ये सेक्शन हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, वॉयलेशन है ही नहीं, हम जा रहे हैं, हम पे आप केस फाइल नहीं कर सकते. कंपनी ने डिफेंस दिया बिकॉज इस सेक्शन के अंदर दिया गया मिनिमम इंप्रिजनमेंट, तो कोई भी ऐसा सेक्शन जिसमें मिनिमम इंप्रिजनमेंट है वो कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसा सेक्शन जिसके अंदर मिनिमम इंप्रिजनमेंट है वो कंपनी पे भी एप्लीकेबल रहेगा. बस इतना सा डिफरेंस होगा कि कंपनी के ऊपर इंप्रिजनमेंट प्रोविजन नहीं लगेगा, फाइन का प्रोविजन लगेगा. तो इसका आप ये इंटरप्रिटेशन कतई नहीं ले सकते कि किसी भी सेक्शन में अगर मिनिमम इंप्रिजनमेंट है तो वो सेक्शन कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होगा, वो सेक्शन बिल्कुल कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होगा. बस कंपनी के ऊपर पेनलाइज करते समय वो मिनिमम इंप्रिजनमेंट को इग्नोर करके आप फाइन की पेनल्टी देंगे. आर वी अंडरस्टैंडिंग? So the question was, ke, is this the situation that if at all in any section there is minimum imprisonment, then that section will not be applicable to company. Is that the case? Supreme Court held, no, that is not the case. A company can be charged with a section which provides for minimum imprisonment. The point is just that in that case, company will not be ordered imprisonment. Company will be fined. Next is Pahuja Taki. Ye detail mein padhne wala case hai. Aage badhte hain. Workman of Rohtas. यहाँ पे इतना सा हेल्ड किया गया था BIFR के अंदर कि वर्कमैन हैज टू पेड इन प्रायोरिटी इवन बिफोर सिक्योर्ड क्रेडिटर. आई डोंट थिंक ये केस का रिलेवेंस है बिकॉज अब जब से वाटरफॉल आया है तो वाटरफॉल के आने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है. बट यहाँ पे हम पढ़ के जाएंगे कि कभी भी केस आ रहा था वर्कमैन हैज टू बी गिवन प्रायोरिटी ओवर इवन सिक्योर्ड क्रेडिटर, तो ये तो हम हमेशा याद रखेंगे. देन इट इज द केस ऑफ सास हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर. बहुत ईजी सा केस था, बड़ा ऑब्वियस सा केस था. इन्होंने कोई भी केस है अगर कंपनी रिलेटेड तो उसके लिए प्राइमरी फोरम क्या रहेगा? एनसीएलटी. तो आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते, आपको जाना होगा कहां? एनसीएलटी. सो एनसीएलटी इज द प्राइमरी फोरम फॉर ऑल कंपनी रिलेटेड केसेस. एनसीएलटी इज द प्राइमरी फोरम फॉर ऑल कंपनी रिलेटेड केसेस. फिर आया हमारा ये केस, ये भी डिटेल में जाएगा. फिर आता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस द श्रीनिवास. इसमें क्या 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 हेल्ड हुआ था? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स विल बी हैंडल्ड बाय सिक्योर्ड क्रेडिट विल बी हैंडल्ड बाय कंपनी कोर्ट ओनली एंड नॉट बाय सिविल कोर्ट. तो इनका कहना है कि अगर कोई सिविल कोर्ट है, आप समझना ध्यान से, इनका हमने आपको ये किस तरह से पढ़ना है, फोकस करना ध्यान से. फॉर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को अगर कभी कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल करेंगे हमारा पैसा दो, तो वो उनको केस करना होगा कंपनी कोर्ट में.
वो उनको केस करना होगा कंपनी कोर्ट में, बिकॉज कंपनी कोर्ट इज मोर पावरफुल देन सिविल कोर्ट, और रेदर आई कैन से कंपनी कोर्ट हैज द करेक्ट ज्यूरिसडिक्शन ओवर दिस इशू. कि अगर आपका सिक्योर क्रेडिटर भी है तो आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते, आपको जाना होगा कंपनी कोर्ट में ही. आर वी क्लियर? आपको कंपनी कोर्ट में ही जाना होगा, कंपनी कोर्ट में ही जाना, आप सिविल कोर्ट में जा नहीं सकते. जो पिछला भी केस था जैसे कि एनसीएलटी इज द करेक्ट फोरम, इस तरह से आएगा कि कंपनी कोर्ट इज द करेक्ट फोरम इवन फॉर सिक्योर क्रेडिटर्स, यू कैन नॉट गो इन सिविल कोर्ट. आपको कहां जाना होगा? कंपनी कोर्ट, कंपनी कोर्ट, कंपनी कोर्ट, कंपनी कोर्ट, कंपनी कोर्ट में ही. यू कैन नॉट गो इन सिविल कोर्ट. आर वी अंडरस्टैंडिंग? चलो उसके बाद आता है 65 डिटेल में पढ़ना है. और लास्ट केस आता है हमारा S. Ahmed Marine versus Ronnie George and others, जिसके अंदर कहा गया the waiver of the requirement of minimum number of applicants to conduct EGM has to be given in exceptional circumstances. आपको इसी केस याद आ रहा होगा कि इस केस में क्या होता कि EGM करने के लिए कम से कम कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, तो कोर्ट ने यहाँ पे अलाउ कर दिया कि कम नहीं है तो भी आप कर सकते हो. आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ लोग नहीं है तो भी आप EGM कर सकते हो. ये केस गया NCLT के पास कि हे कोर्ट, आप छोटे मोटे जगह पे वेवर नहीं दे सकते हो, वेवर आपको एक्सेप्शनल केसेस में देना है. और इस केस में रेफरेंस दिया था साइरस मिस्त्री और टाटा वाले केस का, कि उस केस में साइरस मिस्त्री और टाटा वाले केस में हमने दिया था एग्जम्पशन, तो वो बिल्कुल वैलिड था. आप हर किसी केस में एग्जम्पशन नहीं दे सकते हो. सो एग्जम्पशन जो आप दे रहे हो, जो आप वेवर कर रहे हो, ये आप नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में नहीं कर सकते, ये होगा सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में. तो जो केस था उसमें वेवर जो दिया था उसको वापस ले लिया गया कि आप वेवर नहीं दे सकते, और रेफरेंस दिया गया टाटा और साइरस मिस्त्री का केस का, कि टाटा और साइरस मिस्त्री के केस में हमने दिया था वेवर बिकॉज वहां पे एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस थे, यहां पे एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस नहीं है. द वेवर फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स टू कंडक्ट ईजीएम हैज टू बी गिवन इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस. आर वी अंडरस्टैंडिंग? हियर वी आर पीपल. या तो हमने हमारा सब्सटेंशियल जो टारगेट था वो कंप्लीट कर लिया. अब हमें क्या करना है समझना. हमने 66 केसेस सबका रिवीजन किया है, इसमें से कुछ हमने 10 केसेस है जो नहीं पढ़ पाए, जो कि मैंने कहा डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा आपको, कि उसको आप समरी तरीके से नहीं पढ़ते, तो उनको मैं मेरे समरी बुक से पढ़ाऊंगा. दिस इज नॉट अ समरी बुक, दिस इज माई क्विक समरी बुक. तो जो मेरी समरी बुक है उससे उन 10 केसेस को मैं आपको पढ़ाता हूं, ताकि आप बच्चों को प्रॉब्लम नहीं रहेगा. वो समरी बुक कुछ ऐसी है, इसके अंदर हर एक केस का समरी है. तो इसके अंदर यहां से मैं आपको समरी जो है यहां से जो आपके वो जो 10 केसेस है जो हमने कहा जिनको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है उनको भी हम पढ़कर रैप अप करते हैं. फिलहाल मेरी आपसे अपेक्षा क्या है कि नहीं आप ये नहीं फिलहाल मेरी आपसे अपेक्षा है कि फटाफट से आप एक चीज करोगे कि ये जो 66 के 66 केसेस है इन समरी नोट से फटाफट से देख लो, इन क्विक समरी नोट से क्विक नोट से देख लो कि आपको हाँ आपको पढ़ना कैसे. वापस बता रहा हूं मैं आपको. आपको सबसे पहले देखना है केस का नंबर, केस का नाम, ठीक है. फिर आपको नेक्स्ट ये केस का टॉपिक कौन सा है और उसकी इमेज क्या है ये देखा, और इससे प्रिंसिपल आपको ऑटोमेटिकली याद आना चाहिए. इस तरह से समझ रहे हो आप? सबसे पहले ये देखोगे, फिर ये देखोगे, फिर ये देखोगे, फिर ये आपको ऑटोमेटिकली याद आना चाहिए. तो आपको उस तरह से जाना है कि आप ये देखो, इससे ऑटोमेटिक ये याद आ जाए, इससे ऑटोमेटिक ये याद आ जाए, इससे ऑटोमेटिक याद आ जाता है. जितना याद आता है आप समझो, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि ओपन बुक है सर याद क्यों करना है. जितना आपका रिविजन आता है, जितना आपका याद आएगा, ये वीडियो जितनी बार आप देखो, मैं कह रहा हूँ 10 बार ये वीडियो देखो, तो ये वीडियो आपने जितनी बार देखा हर संडे देखो, टॉपिक का रिविजन होता है, उससे आपको जितना आपको याद आ जाएगा उतना आपका एग्जाम में टाइम बचेगा. और MCS में आपके लिए टाइम बचाना बहुत जरूरी रहेगा, उतना जल्दी आप केस तक पहुंचोगे. चलो कीपिंग इट अपार्ट, 66 केस जो हमने पढ़े फटाफट से आप करो. तो इसके बाद में नेक्स्ट टारगेट इज गोइंग टू बी जो मैंने केसेस बीच में छोड़े जिनको डिटेल में पढ़ना है उसको भी मैं आपको समरी तरीके से पढ़ा दूंगा. फटाफट से करेंगे, वीडियो को पॉज करके आप आगे जाएंगे एंड फटाफट से उनको एक बार देख करेंगे. मैं बोल रहा हूं ऐसा करो, फटाफट से देख करो. जब ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तब आपको देखना, दूसरी तीसरी बार देख लो तो बैक टू बैक देख लो. तो फटाफट से जाके 1 to 66 सारे केसेस को फटाफट से समरी तरीके से देख के आओ, कैसे 1, 2, 3 and 4 फॉर्मेट से फुल स्पीड में. Yes, people. चलिए आ रहा हूं, आगे बढ़ते हैं आ रहा हूं. तो आई थिंक आपने एक बार 66 को फटाफट से रिवाइज कर लिया होगा. अब इसके अंदर जो जो हमारे केसेस बाकी हैं जिसके अंदर हमें और डिटेल में पढ़ना था, जहां जहां मैंने लिखा था डिटेल्स, अब उसको हम क्विकली तरीके से देखेंगे एंड दैट विल गो अहेड. चलिए आ रहा हूं, पीछे से शुरू करेंगे. सबसे लास्ट केस था 66 नंबर 65, मॉन्ट्रैक्स रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड अदर्स वर्सेस एस्कॉर्ट होल्डर्स एंड रिसोर्ट लिमिटेड एंड अदर्स NCLT का केस है. इसको हम लोग देखते हैं केस नंबर 65. Additional case 2, additional case 1, 66 and this is 65. Chali aro, focus karna yahan pe. Yes people, chali. 65 था Montrex Resort Private Limited Others वाला. इसको हमें थोड़ा सा इसको ऊपर ऊपर से देखें सकते हैं because इसके facts बहुत ज़्यादा relevant है. इसके अंदर कैसा हुआ था, understand very carefully. There was a resort, there was a company by the name of MR Limited. इसको हम MR Limited बोल रहे हैं, ठीक है. ये है हमारी appellant company MR Limited.
हुआ ऐसा है कि इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड फॉर द पर्पस कि वो एक रिसोर्ट बनेगा इसी पर्पस से. इसके शेयर्स किस किस के पास समझना, तीन लोग, 1, 2 and 3. इन तीन लोगों ने मिलके इसमें सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट किया और मिलके सोचा है कि इस कंपनी के अंदर शेयर्स खरीदें और ये रिसोर्ट को बनवाना है. अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. इस वन ने फ्रॉडुलेंट तरीके से क्या किया, इस वन ने अपने रिलेटिव्स, वाइफ, बच्चे, उनको भी शेयर होल्डर बना लिया फ्रॉडुलेंट तरीके से. सबके हमें बताया, उनको भी शेयर्स इशू करवा दिए. उसके बाद में वन का सब्सटेंशियल कंट्रोल भी था, तो ये एमआर के लिए जो भी पैसा था, एमआर का जो पैसा था इस रिसॉर्ट का, तो उसके लिए असेट्स खरीदने ना, लैंड खरीदना होगा एमआर को बहुत सारा, उसके आसपास का अक्वायर करना होगा. तो जब लैंड अक्वायर किया तो पैसा तो एमआर के अकाउंट से गया उस कंपनी के, और वो लैंड उसने रजिस्टर कराए अपने ही रिलेटिव, अपने नॉमिनीज के नाम पे. तो वो कंपनी का पैसा यूज करके खुद के ही पहचान वालों के नाम पे लैंड खरीद रहा है, वो अपने पहचान वालों के शेयर होल्डिंग बढ़ा रहा है, और ये सब उसने करता रहा. ऐसे फैक्ट्स थे यहाँ पे. तो यहाँ पे इतना सा हेल्ड हुआ that this is also operation and mismanagement, that this case also falls in operation and mismanagement. तो आपको ध्यान रखना है कि अगर एक व्यक्ति है, मल्टीपल लोगों ने मिलकर कंपनी फॉर्म की, उस कंपनी के अंदर रिसॉर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो एक आस्पेक्ट तो क्या है कि इसने अपने ही रिलेटिव्स के नाम पे और शेयर्स इशू करवाए अनऑथराइज. दूसरा कि इसने कंपनी के नाम पे जो असेट्स खरीदने चाहिए थे, लैंड खरीदना चाहिए था, वो अपने ही नॉमिनी, अपने ही पहचान वालों के नाम पे खरीदा. ये दूसरा आस्पेक्ट. तीसरा आस्पेक्ट, एक और चीज इन्होंने क्या की, इन्होंने आगे ही ऑल्सो स्टार्टेड एन कंप्यूटिंग बिजनेस. तो इसी व्यक्ति ने कंप्यूटिंग बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया खुद का. तो ये सारी चीजें जो इसने की, सबको हेल्ड किया गया कि ये सब क्या है, ऑपरेशन है. सो दिस वाज द केस ऑफ मॉन्ट्रेक्स रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स. इसकी कुछ रीजंस वगैरह भी दिए हुए, तो यहां तो ये सब चीजें आपने अपने नोट्स में, मॉड्यूल में पढ़ी होगी. आई होप यू कैन रिमेंबर दिस केस कि अगर ऐसा कुछ आपने किया तो दिस विल ऑल्सो बी कवर्ड अंडर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट. चलिए यार, 65 के पहले हमने और पेंडिंग रखा है, 63 पे आते हैं. Yes, people, 63. मेरी बात को समझना. This is a super quick revision. तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि आप मेन तरीके से पढ़ चुके हो. आप मुझसे पढ़े तो हमने डिटेल में पढ़ लिया है, आप कहीं और पढ़ो तो भी आपने एक बार डिटेल में पढ़ लिया है, आप सेल्फ स्टडी करो तो आपने एक बार पढ़ लिया. अब ये क्विक रिविजन है ताकि वीडियो बार बार देख सके और आपको याद हो जाए कौन सा केस कौन सा है. फोकस करना 63 के जे सुरेश एंड अनदर वाला केस, टीमली स्टाफिंग सर्विसेज लिमिटेड. अब इसके अंदर भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, इसके अंदर भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है. इसका तो जो बेसिक फैक्ट्स है वही कॉम्प्लिकेटेड है, वही कॉम्प्लिकेटेड. समझना ध्यान से. Appellants were holding 100% equity shares of SPAT, ASAP, InfoSystem, and appellants entered into a share purchase agreement with the Teamly Staffing Services to sell the entire holding. Okay, the payment were made to the transferee company in tranches, and after initial payment, there has been default. Listen to me very carefully. First point: Appellants are holding, मतलब KJ, were holding 100% shares in ASAP. ये ASAP करके जो कंपनी है, इसके पूरी की पूरे शेयर्स किसके पास है, केजे के पास. होल्डिंग सब्सिडी बोलो 100% शेयर्स है, ठीक है. नाउ अंडरस्टैंड, एंटर इनटू अ शेयर परचेज अग्रीमेंट विद टीमलीज, टीएल से अग्रीमेंट किया टू सेल द एंटायर होल्डिंग. तो केजे के जो शेयर्स थे वो देंगे टीम लाइन को, और यहां से पूरा का पूरा मिलेगा पैसा. ये अग्रीमेंट है कि एसएफ राइट नाउ इज कंप्लीटली हेल्ड बाय केजे, दे आर सेलिंग द शेयर्स टू टीम लाइन. समझ में आ रहा है. तो यहां पे इनकी बात हुई थी कि टीम लाइन इनको टप्पे टप्पे में पैसे देगा, मतलब इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा करके पैसा देगा. उसके बाद में टीम लाइन फर्दर आगे अमालगमेशन वगैरह कर रहा है किसी से, ठीक है. और उसी बीच यहां पे इन्होंने एक इंस्टॉलमेंट देने के बाद में बाकी वाली इंस्टॉलमेंट में कर दिया है डिफॉल्ट. सो नाउ दिस केजे इज अगेंस्ट दिस अमालगमेशन. कि अमालगमेशन आप कैसे कर सकते हो, एक्चुअली केजे को पैसा नहीं मिला ना उसके शेयर परचेज एग्रीमेंट का, तो उसका पेट दुख रहा है, उसको बुरा लग रहा है, तो इससे उसने उसके अमालगमेशन के अगेंस्ट केस किया है. क्या पैसे कैसे अमालगमेशन कर सकते हो, हम आपके शेयर होल्डर या क्रेडिटर कहीं ना कहीं तो आने चाहिए, तो हमारे अप्रूवल के बिना आप अमालगमेशन कैसे कर सकते हो, ऐसे कैसे अमालगमेशन कर लिया. कोर्ट ने कह दिया कि ये सब आप अपने पर्सनल एजेंडा को कंप्लीट करने के लिए कर रहे हैं. सो अपील वॉज डिसमिस्ड कि यू डू नॉट हैव द राइट टू इंटरफेयर, दिस ट्रांजेक्शन इज डिफरेंट एंड दैट ट्रांजेक्शन इज डिफरेंट. आर यू अंडरस्टैंडिंग, ये वाला केस है जिसके अंदर आपको कहते हैं कि अलग ट्रांजेक्शन है, वो अलग ट्रांजेक्शन है, ये अलग ट्रांजेक्शन है, आप इसको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मिक्स नहीं कर सकते. तो अपील वॉज डिसमिस्ड. सो केजे हैज नो राइट टू अपील अगेंस्ट दिस अमालगमेशन जो टीएल आगे कर रहा है, बिल्कुल कर सकता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग. चलो सिक्सटी टू के पहले हमने 60 भी छोड़ा है, 60 पे आते हैं.
यस पीपल अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. अभी तक के तो दोनों मैंने से ऊपर ऊपर से बताया और मेरा उद्देश्य यहाँ पे पढ़ाना नहीं है. दिस इज अ रिविजन सो दैट आपको याद आने में इजी जाए. आर यू अंडरस्टैंडिंग? दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्पस. बाकी हमने रेगुलर लेक्चर्स में बहुत डिटेल में सारे केसेस ऑलरेडी पढ़े. दिस केस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इस केस के अंदर बहुत सारे चीजें बताई थी विद रिस्पेक्ट टू कंपाउंडिंग. कंपाउंडिंग तो आप क्या करोगे, जो अपनी समरी शीट है ना, क्विक समरी वाली, उसके अंदर कुछ इमेज बना दो जिससे कि कंपाउंडिंग याद है. कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग तो कंपाउंडिंग को लेके केस आता था. अब यहाँ पे आओगे केस नंबर 60 पे. तो कंपाउंडिंग को लेके बहुत सारे सवाल थे जिसके जवाब दिए गए थे यहाँ पे. पहला सवाल था, क्या जॉइंट एप्लीकेशन कंपाउंडिंग की दी जा सकती है? अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. क्या कंपनी ने भी ऑफेंस किया, ऑफिसर इन डिफॉल्ट ने भी ऑफेंस किया? बहुत सबसे ऑफेंस हुआ कंपाउंडिंग क्या है. आप सबको पता है कि अगर कोई ऑफेंस हो चुका है तो आप एक एप्लीकेशन देके कहते हो कि हमसे प्लीज फाइन वगैरह लेके खत्म करो. ठीक है, ये इशू जो हुआ है, हमसे गलती हो गई है, हमें इंप्रिजनमेंट मत दो, हमें फाइन वगैरह लेके खत्म कर दो, कंपाउंडिंग कर दो ऑफेंस का. तो क्या कंपनी, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, ये सबसे गलती हुई है कंपनी के अंदर डिफॉल्ट हुआ है, तो क्या सबका एक ही जॉइंट एप्लीकेशन को कंपाउंडिंग दिया जा सकता है या नहीं? पहला सवाल था. कोर्ट कहा कि बिल्कुल जॉइंट एप्लीकेशन देना अलाउड है. यू कैन गिव अ जॉइंट एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पीपल एज वेल. दूसरा सवाल आया, दूसरा सवाल था कि जब जॉइंट एप्लीकेशन की बात आती है, क्या एक कंपनी ने बैक टू बैक मल्टीपल ईयर के अंदर डिफॉल्ट किए, तो क्या मल्टीपल ईयर के भी सेम एप्लीकेशन में हम दे सकते हैं क्या? कोर्ट बोला यस, कि एक ही कंपनी के अगर मल्टीपल ईयर के हैं डिफॉल्ट तो भी वो एक ही कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन दे सकते हैं. तो पहला हुआ कि मल्टीपल लोगों की एक एप्लीकेशन जा सकती है कंपाउंडिंग की, यस. मल्टीपल ऑफेंसेस की भी एक एप्लीकेशन जा सकती है कंपाउंडिंग की, कोर्ट ने बोला यस. थर्ड बोला, समझना ध्यान से, कि अगर कोई ऑफेंस है विच इज पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट और फाइन, या फिर दैट इज पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट विद फाइन ओनली. देखो सुनो, तीन तरह के हो सकते हैं. एक तो विथ एनी ऑफेंस विच इज पनिशेबल विथ फाइन ओनली, एनी ऑफेंस विच इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट और फाइन, एनी ऑफेंस विच इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन. तो जो एंड फाइन वाला है वो तो कंपाउंडेबल ही नहीं होगा, बात खत्म. तो इम्प्रिजनमेंट और फाइन या फाइन ओनली, ये दो हैं जो कंपाउंडेबल होते हैं. ये आप एग्जीक्यूटिव में पढ़ चुके हो. तो फाइन ओनली या इम्प्रिजनमेंट और फाइन, ये अगर कोई ऑफेंस है, किसी व्यक्ति ने ये एक बार किया और तीन सालों में यही एक और बार कर दिया वही ऑफेंस, तो क्या वहां पे इंप्रिजनमेंट मैंडेटरी हो जाएगा क्या? लॉ बोला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये ऑफेंस अगर आपने तीन साल में बार बार रिपीट भी कर दिया तो भी ये फिर इंप्रिजनमेंट मैंडेटरी नहीं होता, बस आपका फाइन का अमाउंट डबल हो जाता है. आपका फाइन का अमाउंट डबल हो जाता है, आपको याद होगा, इस तरह से आपने पढ़ा था. उसके बाद में आता है कि क्या ट्रिब्यूनल के पास में 500,000 रुपए से कम का अगर कोई कंपाउंडिंग एप्लीकेशन है तो वो भी ट्रिब्यूनल एनसीएलटी ले सकता है क्या? कोर्ट सेज यस, कि ऐसा कोई पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन नहीं है, कोर्ट चाहे तो 5,000 से कम वाला भी एप्लीकेशन ले सकता है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. सो दिस वाज द केस विद रिस्पेक्ट टू कंपाउंडिंग. कंपाउंडिंग का जब आएगा तो ये सारे सवाल के जवाब आपके सामने क्लियर होने चाहिए. आई एम टेलिंग यू, अगर आपको लगता है कि आपका केस वीक है तो एक बार डिटेल में पढ़ो, एंड इफ रिक्वायर्ड देन आप कमेंट सेक्शन में बोलो मुझको, सो देन मैं उसका डिटेल एनालिसिस भी अपलोड कर दूंगा. जो केसेस आपको बहुत डिफिकल्ट लगते हैं टेल मी, तो मैं उसका डिटेल एनालिसिस अपलोड करूंगा. बट यहाँ पे हम डिटेल्स में जाकर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज आई वांट स्टूडेंट्स टू वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन एंड अगेन, सो आपको याद रहे कि कौन सा केस कौन सा है. द ऑब्जेक्टिव इज डिफरेंट, क्लियर है यारों? तो दिस वॉज अनदर केस ऑफ विद रिस्पेक्ट टू कंपाउंडिंग. 55 को हमने वापस पेंडिंग रखा है. ये तो बहुत ईजी है, इसमें सिर्फ प्रोसेस है तो इसमें मुझे कुछ पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है. 55 ये समरी बुक है, इसमें आते हैं हम 55 पे. नहीं नहीं गुस्सा नहीं, 55 ये 55 तो 55 के केस के अंदर क्या था, इसमें कुछ भी पढ़ने ऐसा नहीं है कि एक वॉलंटरी बाइंडिंग अप की एप्लीकेशन है तो उसके अंदर ये क्या था. कोर्ट ने देखा कि अगर ये सब है तो वॉलंटरी बाइंडिंग अप अलाउ कर दिया. क्या सब है? ऑडिटेड बैलेंस शीट आनी चाहिए, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी आना चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन होना चाहिए, नो ड्यू सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए टैक्स डिपार्टमेंट से, नो ऑब्जेक्शन आना चाहिए आरओसीए से, इंडेमनिटी बॉन्ड ले लिया आपने डायरेक्टर से कि अगर कल को कोई और क्लेम रह भी गया तो हम उसको पर्सनली पे करेंगे, अगर ये सब आ गया है तो अप्रूव कर देंगे आप द वॉलंटरी वाइंडिंग अप. कुछ याद तो करना, ये ओपन बुक है. तो ये जो केस है दिस वॉज विद रिस्पेक्ट टू वॉलंटरी वाइंडिंग अप. तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप का प्रोसेस यहाँ दिया है. एक और केस आएगा जिसमें सिर्फ प्रोसेस दिया हुआ है. यस 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 पीपल. फिर आता है 47. Yes, people, 47. तो 47 के अंदर भी कुछ चीजें बात की थी कि यहाँ पे क्या हुआ था कि एक सब्सिडरी कंपनी थी जो कि स्टॉक एक्सचेंज का काम करती थी. सब्सिडरी कंपनी जो कि स्टॉक एक्सचेंज का काम करती थी, होल्डिंग कंपनी जो उसकी 100% होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी इज़ इनटू लॉसेस और वो बंद होने वाली है. तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर्ड मैंडेटरली दैट दिस होल्डिंग कंपनी हैज टू कंपल्सरली अक्वायर द सब्सिडरी कंपनी और इसके सारे जो भी लोन्स है इसको बंद नहीं होने देंगे. इसके सारे जो पेंडिंग लायबिलिटी लोन्स है सब कौन पे करेगा? होल्डिंग कंपनी. ये ऑर्डर पास किया गया था. Are we understanding? So this order was passed by the
कंपनी. अभी क्लियर? चलो, तो ये ऑर्डर पास किया गया था, तो इस ऑर्डर को लेकर बहुत सारे इश्यूज आए थे, तो वो इश्यूज हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं. ओके, या जस्ट गिव मी अ मिनट. Yes, people. Yep. Just give me a minute. I'll just change the battery. Yes, people. I'm really sorry for the delay. फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं इसको. हमने बात की थी, हम बात कर रहे थे इस केस के बारे में कि इस केस में बहुत सारी चीजें इश्यूज डिस्कस किए थे कि जब कंपलसरी एक्विजिशन ऑर्डर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट. पहला केस, वेदर द ऑर्डर इज इन वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. कोर्ट सेज नो, द ऑर्डर इज नॉट इन वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, बिकॉज इस केस के अंदर जो भी ऑब्जेक्शन आए थे वो ऑब्जेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमने सुने थे, हमने कमिटी बनाई, हमने सुने भी सही, लेकिन हमें पसंद नहीं आया तो हमने एक्सेप्ट नहीं किए. तो आपके ऑब्जेक्शन सजेशन हमने एक्सेप्ट नहीं किए, तो आप ये नहीं कह सकते कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग गट नहीं मिली. आपको मिली तो थी, आपको सजेस्ट को, आपके सजेशन को आपको सबमिट तो करने का मौका मिला ना. जरूरी नहीं कि हम आपके ऑब्जेक्शन सजेशन को एक्सेप्ट करें. एक्सेप्ट नहीं भी किया तो भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ट तो हमने आपको दी ही है. सेकंड, वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू ऑर्डर कंपल्सरी अमलगेशन ऑफ लॉस मेकिंग कंपनीज. यस, ऑफ कोर्स, अगर ये नहीं किया तो हर एक होल्डिंग कंपनी क्या करेगी, बहुत सारी सब्सिडी बनाएगी और कहीं कहीं पे लॉस हो रहा होगा तो उसको बोल देगी सेपरेटली कर एंटिटी, तुम तुम्हारा देखो. तो अगर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हमें बना के रखना है तो हमेशा ये अलाउड रहेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर कंपल्सरी अमलगेशन ऑफ होल्डिंग कंपनी इनटू इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी लॉस मेकिंग कंपनी. नेक्स्ट, वेर द ऑर्डर कैन बी सेड टू बी अनरीजनेबल अप्लाइंग द वेंसबरी प्रिंसिपल. वेंसबरी प्रिंसिपल क्या होता है? एनीथिंग विच इज अनरीजनेबल ऑन द फेस ऑफ इट. कोई चीज जो कि कभी कोई रैशनल बंदा कर ही नहीं सकता, एकदम अनरीजनेबल है, उसे कहा जाता है कि वो वेंसबरी प्रिंसिपल को पास नहीं कर सकता. तो रीजनेबिलिटी टेस्ट कह सकते हैं. तो क्या ये ऑर्डर अनरीजनेबल है? लॉ सेज नो, दिस ऑर्डर इज नॉट अनरीजनेबल. सुप्रीम कोर्ट क्लियरली कहता है कि तो ऑब्वियस सी बात है ना कि होल्डिंग कंपनी को लायबिलिटी लेनी ही होगी. लास्ट, वेर द ऑर्डर डिफाइज मतलब डिफीट्स द पर्पस अगेंस्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है कि किसी को भी जब आप पनिशमेंट देते हैं दैट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू दी, किसी को भी पनिशमेंट दैट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू दी ऑफेंस. अरे किसी ने चोरी की तो आप उसको एक साल की इम्प्रिजनमेंट दो, सिक्स मंथ्स की दो. किसी ने मर्डर किया तो आप उसको दस साल की दो, सात साल की दो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो आपके ऑफेंस के हिसाब से आपका प्रोपोर्शनेट आपका पनिशमेंट होना चाहिए. तो क्या यहाँ पे वो था क्या? बोले बिल्कुल था कि अगर स्टॉक एक्सचेंज को हम अगर कह देंगे कि हाँ बंद कर दे तो कोई बात नहीं, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा. अगर स्टॉक एक्सचेंज ऐसी कंपनी है तो 110% होल्डिंग कंपनी को उनका पूरा लॉस जो है बेयर करना पड़ेगा. तो इट वॉज कंप्लीटली रीजनेबल, इट वॉज कंप्लीटली प्रोपोर्शनेट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस, देयर वॉज, दिस इज केस नंबर 47, मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड. मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जहां पे कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ था. आप देखोगे तो जो मैंने आपको दिया है यहां, मैंने टॉपिक्स लिख के दिए 47 moons compulsory acquisition, compulsory acquisition. तो आप ये देखोगे ना, moons compulsory acquisition याद रहना चाहिए. अरे हाँ, ये सारी चीजें थी, स्टॉक एक्सचेंज जबरदस्ती acquire किया, proportionately भी पास होता है, reasonableness भी पास होता है. 47 के बाद अगर हम जाते हैं, yes, then is 30, case number 30. केस नंबर थर्टी भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. टिन प्लेट डीलर्स एसोसिएशन लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस सतीश चंद्र सवालका एंड अदर्स. अब पहले ऐसे यहां पे बात करने की जरूरत नहीं है. जहां पे भी कहीं पे भी केस में एंड अदर्स आता है, मतलब उस एपिलेंट के साथ में, उस रिस्पॉन्डेंट के साथ में और भी रिस्पॉन्डेंट और भी एपिलेंट्स हैं. तो यहां पे जैसे लिखा है सतीश चंद्र सवालका एंड अदर्स, मतलब सतीश चंद्र सवालका और साथ में और भी लोग होंगे. कभी कभी आपको दिखेगा सतीश चंद्र सवालका एंड एनआर, मतलब अनदर. अगर दो ही रिस्पॉन्डेंट है तो वहां पे लिखा होगा सतीश चंद्र सवाल का एंड अनदर. लेकिन अगर मान लीजिए पांच हैं, सतीश चंद्र सवाल का एंड अदर्स, तो अगर मल्टीपल हैं तो एंड अदर्स आता है, और सिर्फ दो ही लोग हैं तो एक का नाम एंड अनदर आता है. चलो छोड़ो. तो यहां पे क्या हुआ था, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, यहां पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन थी. एक ग्रुप है सवाल का ग्रुप, एक है गुप्ता ग्रुप. तो गुप्ता ग्रुप ने बहुत सारी ऐसी चीजें की थी जो कि सवाल का ग्रुप को लग रहा था कि हमारे अगेंस्ट की गई है, हमारे अगेंस्ट की गई है. जैसे कि गुप्ता ग्रुप में बोनस शेयर्स इशू कर दिए बिना पूछे. गुप्ता ग्रुप ने हमें जो शेयर्स कन्वर्ट होने वाले थे वो अलग तरीके से कन्वर्ट कर लिए. हमें जो शेयर्स इशू होने थे वो कैंसिल कर दिए. ऐसी बहुत सारी चीजें की गुप्ता ग्रुप ने, जिसकी गुप्ता ग्रुप ने इस कंपनी के ऊपर अपना कंट्रोल ले लिया. तो ये गया केस ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के लिए इसके पास, कोर्ट के पास. तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्प किया, अपील वॉज डिस्पोज ऑफ द डायरेक्शन. क्या क्या कहा सुना ध्यान से. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर
आर्टिकल्स में बोनस इशू करने की पावर नहीं था, बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते थे। और छोड़ो, गुप्ता ग्रुप ने क्या बोला, हमने बोनस शेयर इसलिए इशू किए क्योंकि हमें पैसों की जरूरत थी। अरे ये तो ऑन द फेस ऑफ इट क्लियरली दिख रहा है ना कि बोनस शेयर से कौन सा पैसा आने वाला है। तो इस तरह के कुछ एक्ट्स किए थे गुप्ता ग्रुप वालों ने। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एंड में कहा कि ये सर्टनली इज अ केस ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। तो केस नंबर 30 टिन प्लेट वाला है, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का, सवाल का और गुप्ता वाला केस, जहां पे गुप्ता ने बोनस शेयर्स इशू कर दिए थे, कुछ शेयर्स को कन्वर्ट करा दिया था, जैसे कि कुछ प्रेफरेंस शेयर्स थे उनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा दिया। सुप्रीम कोर्ट बोला ये कैसे कर दिया आपने, तो गुप्ता ग्रुप क्या बोले, हमने प्रेफरेंस शेयर्स को जो हमारे पास थे उनको बहुत समय से डिविडेंड नहीं मिला था, तो इस कारण से हमने उनको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट पूछा बताओ कितना डिविडेंड नहीं मिला था, कितने ईयर्स का डिविडेंड मिला था, कुछ डिटेल तो दो। गुप्ता ग्रुप वॉज अनेबल टू गिव एनी डिटेल। इन सबको ध्यान रखते हुए बोनस शेयर इशू करके बोल रहे हो कि पैसा चाहिए, प्रेफरेंस शेयर की कोई डिटेल नहीं दे रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट बॉडी दिस इज अ केस ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। सो द केस वाज ऑर्डर्ड अगेंस्ट गुप्ता ग्रुप। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो केस नंबर 30 इज सवाल का गुप्ता वाला केस, सवाल का गुप्ता वाला केस। चलो इसके अलावा कौन सा केस है जिसका हमें याद रखना है? 25 मिहिरलाल मफतलाल, ये भी कुछ भी नहीं, इसमें पढ़ना ही नहीं, इट वॉज जस्ट अ प्रोसेस। इस पर केस स्टडी क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल है। 25 पे आना है पहले हमको, इधर यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे उन्होंने सिंपली कहा है कि क्या क्या डायरेक्शंस फॉलो करने होते हैं आपको उस टाइम पे। सिंपल है, ये बोल रहे हैं कि सारे स्टेट्यूटरी प्रोसीजर फॉलो हो गए, मेजोरिटी का अप्रूवल ले लिया, सारे रेलेवेंट मटीरियल आ चुके डिसीजन लेने के लिए, सारे नेसेसरी मटेरियल आ गए 393 वाले, सारे रिक्वेस्टेड मटेरियल आ गए 391 वाले। एक और चीज़, आपको कभी भी सेक्शन नंबर पे फोकस नहीं करना है, बिकॉज ये जब केस है, मान लो बहुत पुराना केस है, तो उस ईयर के एक्ट का सेक्शन नंबर होगा, तो अपन को लोड नहीं लेना है। फिर उनको ध्यान रखना है कि कभी भी वॉयलेटिव नहीं होना चाहिए लॉ का, जो आपका मर्जर अमालगमेशन है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट कि सब लोग बोनाफाइड तरीके से काम कर रहे थे, जो ओवरऑल स्कीम है वो जस्ट फेयर एंड रीजनेबल है, और सारे पैरामीटर्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ याद ही नहीं करना है, ये केस कभी बनी नहीं सकता क्वेश्चन। ये क्या कह रहे हैं कि कभी भी अगर मर्जर अमालगमेशन का अप्रूवल देते रहे, कंपनी को क्या क्या, कोर्ट को क्या क्या देखना है, तो कोर्ट इन सब चीज़ों को देख के ही अपना डिसीजन देती है। तो यहाँ पे केस स्टडी क्वेश्चन बनना इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज जस्ट अ केस, हमारे सिलेबस में इसको हम पढ़ के रैपअप करते हैं। सिंपल, अगर ये ओपन बुक एग्जाम नहीं होता तो मुझे ये सब याद कराने होते, बट ये ओपन बुक एग्जाम है लकीली, तो हमें याद तो करनी है, जस्ट नो कि यहाँ पे प्रोसीजर या कोई फैक्ट्स वगैरह रेलेवेंट नहीं है। 25 के बाद एक और क्वेश्चन था यहीं कहीं, शायद ये वाला, लेट्स सी कौन सा एक और क्वेश्चन है, एक और केस है 23 यही वाला, यस। ट्वेंटी थ्री के अंदर भी बोला था कि अगर कभी भी कौन सा प्रोसीजर आ रहा है, यहाँ पे प्रोसीजर है वॉलंटरी वाइंडिंग अप, तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो रही, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, तो प्रोसीजर बताया गया यहाँ पे, दैट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लो, उसके बाद में एफिडेविट ले लो, वॉलंटरी लिक्विडिटी सारे अकाउंट ले लो, और अगर ऑफिशियल लिक्विडिटी भी सेटिस्फाइड है तब जाके आप ऑर्डर कर दोगे यहाँ पे, कौन सा आप यहाँ पे ऑर्डर कर दोगे, वॉलंटरी वाइंडिंग अप। देयर इज नथिंग इन हियर, क्वेश्चन वेशन नहीं बन सकता, सिर्फ प्रोसीजर दिया गया है वॉलंटरी लिक्विडेशन का। नाइनटीन्थ आई गेस प्रोबेबली आखिरी होगा जिसमें हमारा बाकी था कुछ पढ़ना, 19th। यस पीपल, इसके अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड से फैक्ट्स थे, इसको हम रैपअप करते हैं अच्छे से, समझना मेरी बात को। जो भी आपको केस डिफिकल्ट लगता है मुझे बोलो, तो मैं मेरा डिटेल जो उसका एक्सप्लेनेशन है, कुछ अगर आप एक दो केसेस मांगते हैं तो मैं उन एक दो केसेस का डिटेल एक्सप्लेनेशन अपलोड करेगा, यहाँ पे वो नहीं, यहाँ पे बस मुझे याद दिलाना है कौन सा केस कौन सा था, और मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि केसेस आपके पड़े हुए हैं, राइट, एंड दिस इज मोस्टली जो मेरे बच्चे भी हैं तो वो लोग इसको बार बार देख के रिवाइज कर पाए, दैट इज द पर्पस ऑफ दिस वीडियो। चलो मैसेज के अंदर क्या हुआ था सुनना, सबसे पहले इन्होंने एक अग्रीमेंट एंटर किया जहां पे एमजीजी ने जीजीएल के साथ किया शेयर परचेज अग्रीमेंट, एंड इट हैज अ नॉन कंप्लीट क्लॉज, कि आपने हमारे साथ अग्रीमेंट किया, आप किसी और कंपनी के साथ सिमिलर अग्रीमेंट नहीं कर सकते। ये अग्रीमेंट वन हुआ ही था, एमजीजी बेशरम उसने रुयास के साथ में भी A2 कर दिया, कि ऐसे कैसे चलेगा, उन्होंने A2 कर दिया रुयास के साथ में भी, कि यार कि सुनो ना हम आपके भी शेयर्स करने को तैयार हैं। जैसे ये चीज पता चली जीजीएल को, जीजीएल बोला ये क्या है, तो एमजीजी ऐसा जो किसको नाराज ही नहीं करता है, किसी को नाराज नहीं करता है, मतलब इसका अग्रीमेंट था उसको ये रुयास का करना अलाउड नहीं था, बट रुयास बोला कर लो, इसने कर लिया, अब रुयास के साथ किया है तो जीजीएल तो नाराज होगा ना, तो एमजीजी जीजीएल को क्या बोला, एक काम करो मैं अकेला रुयास को अक्वायर नहीं करता, हम दोनों मिलकर रुयास को अक्वायर करते हैं। जैसे ही पता चला रुयास को, रुयास बोला ये क्या बात हुई, हमारी तो बात हुई थी ना कि ये तो आप अकेले करने वाले हो। तो द पॉइंट इज जस्ट द फैक्ट्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, दैट देयर आर वेरियस शेयर परचेज अग्रीमेंट, and there are various share purchase agreement which are in violation with previous share purchase agreements, my god। यहाँ पे अच्छी चीज़ क्या है, इतना सारा complicated facts हो गए,
सुप्रीम कोर्ट क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट डिस्पोज द अपील बाय इंपोजिंग अ एग्जम्पलरी कॉस्ट. एग्जम्पलरी कॉस्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट बोला कि आपने क्या कर समझ रखा है, सुनना, अरे सबसे पहली लाइन पढ़ा रहा हूं बस सुनना. इन सुप्रीम कोर्ट्स व्यू दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अब्यूज ऑफ जुडिशियल प्रोसेस बाय अनस्क्रूपलस लिटिगेंट्स विथ मनी पावर. ये बोले कि आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी करोगे क्या, जुडिशियरी को अपने मजाक समझ रखा है, आप सब वो लोग जिनका बहुत सारा पैसा और जुडिशियल पूरा मैकेनिज्म का मजाक बना रखा है कि आपको जब केस फाइल करना, आप किसी भी अगेंस्ट केस फाइल कर रहे हो, ये चलेगा नहीं. कोर्ट हैज ऑर्डर्ड एग्जम्पलरी कॉस्ट, मतलब इन सबके अगेंस्ट फाइन किया गया मोटा फाइन, आप सबको पे करना पड़ेगा. एंड दिस वॉज दिस केस मेसर्स होल्डिंग. तो मल्टीपल शेयर परचेज अग्रीमेंट वाला केस है मेसर्स होल्डिंग. डिसेंडिंग वर्कमैन के पेमेंट को लेके अच्छा केस है ये भी. यस पीपल, 16 के अंदर केस ऐसा था कि एक स्कीम बन गई थी, बहुत सारे वर्कर्स ने अग्री कर दिया, कुछ वर्कर्स डिसेंटिंग थे. एक स्कीम बनी कि इस स्कीम के सबसे पेमेंट होगा, बहुत सारे वर्कर्स ने अग्री किया, कुछ वर्कर्स डिसेंटिंग थे. तो ये कुछ क्वेश्चन है जो इसके अंदर आंसर किया गया. पहला, वेदर द डिसेंटिंग वर्कमैन आर बाउंड बाय द कंसेंट टर्म और वेदर दे आर एंटाइटेड टू बी पेड अकॉर्डिंग विद दिस एक्ट. तो क्या वो कंसेंट टर्म से बाउंड है क्या, बोले कि अगर उन्होंने साइन ही नहीं किया, उनकी परमिशन से नहीं लिया गया था, तो डिसेंटिंग वर्कमैन विल नॉट बी बाउंड बाय द कंसेंट टर्म्स, दे विल नॉट बी बाउंड बाय द कंसेंट टर्म्स, दे विल बी पेड एज पर द एक्ट. ठीक है, इफ दे आर टू बी पेड, सेकंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एंटाइटलमेंट अंडर द एक्ट अप टू व्हाट डेट दे आर एंटाइटेड टू बी पेड वेजेस. अब क्या हुआ, सुनना ध्यान से, उनको वेजेस कब तक के मिलेंगे. अब इनको जैसे अलाउ किया कि आपको एक्ट के हिसाब से मिलेंगे, ये लोग तो और चढ़ गए, एक्ट के हिसाब से मिलेंगे तो हमको तो अभी तक के चाहिए, अभी तक के चाहिए क्योंकि हमारा अग्रीमेंट था. तो फिर सुप्रीम कोर्ट बोला कि रुको, आपका अग्रीमेंट था लेकिन स्कीम बनी है, तो जहां पे स्कीम में लिखा है उस डेट के हिसाब से आपको पेमेंट, उस डेट तक के आपको पेमेंट मिलेंगे. सुनना ध्यान से, आपको पेमेंट कंसेंट टर्म के हिसाब से नहीं मिलेंगे, आपको एक्ट के हिसाब से मिलेंगे. लेकिन कौन सी डेट तक मिलेंगे, जिस दिन की स्कीम कोर्ट ने अप्रूव की उस स्कीम के हिसाब से मिलेंगे, आपको अप टू डेट नहीं मिलेंगे. नेक्स्ट, वेदर दे आर एंटाइटल टू नोटिस पे, नोटिस पे मतलब होता है ना कि आपको बिना नोटिस दिए निकाल दिया, नोटिस पे, लीव वेजेस, बोनस, ग्रेचुटी एंड एनी इंटरेस्ट ऑन दीज ड्यूज, कि ये ड्यूज लेट मिले उस पे इंटरेस्ट, ये सब मिलेगा क्या. एक एक करके आंसर दिया गया. पहला, नोटिस पे मिलेगा क्या, देर इज नो क्वेश्चन ऑफ वर्कमैन गेटिंग एनी नोटिस पे, तो बेटा जी नोटिस पे तो नहीं मिलेगा. सेकेंड, लीव वेज मिलेगा क्या, द लीव दैट कैन दस बी इनकैश्ड अंडर सेक्शन 79 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट इज ओनली अर्नड और अक्यूमुलेटेड लीव ड्यूरिंग द कैलेंडर अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 30 डेज पर ईयर, तो लीव एक्ट के हिसाब से मिलेगा. नेक्स्ट, बोनस मिलेगा क्या, बोनस इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी, तो बोनस नहीं मिलेगा. अब बोल रहे हैं सरप्लस हो गया तो बात अलग है, अगर सरप्लस बच गया लिक्विडेशन पे तो मिल जाएगा, बट नॉर्मली आपको बोनस नहीं मिलेगा. ग्रेचुटी मिलेगी क्या, ऑन ग्रेचुटी ऑल पार्टी इंक्लूड ऑफिशियल लिक्विडेटर अग्री दैट ग्रेचुटी वुड बी पेबल, तो ग्रेचुटी पे होगी. इंटरेस्ट मिलेगा क्या, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. हाँ, एंड में सरप्लस आ गया तो मिलेगा, बात अलग है. ये सब क्वेश्चन का आंसर किया कि नोटिस पे नहीं मिलेगा, ली वेजेस मिलेंगे, बोनस नहीं मिलेगा, ग्रेचुटी मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. तो ये सारी क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर दिया गया. मैं अपेक्षा करता हूँ कि जो जो ये वाले केस डिटेल में मैं ले रहा हूँ, डिटेल मतलब थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे रहा हूँ, इसको आप और डिटेल में पढ़ेंगे. ये वो केसेस हैं जिनकी मैं समरी वन लाइनर नहीं दे सकता, तो जिनकी वन लाइनर समरी पॉसिबल है उनके लिए मैं वन लाइनर समरी यहीं पे दे रहा हूँ, राइट. जिनकी वन लाइनर समरी पॉसिबल, वन लाइनर समरी इसी समरी में दे रहा हूँ. जहाँ पे वन लाइनर समरी पॉसिबल नहीं है उसको मैं थोड़ा सा आपको याद दिला रहा हूँ कि कौन सा केस है. और ये 13th एंड आई गेस दिस इज द लास्ट केस. यस, 13 केस था जिसके अंदर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को लेके कोर्ट ने बहुत कुछ बोला था. याद रखना 13 केस कौन सा है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को लेके कोर्ट ने बहुत सारी बातें बोली थी. समझ में आना चाहिए क्या क्या बातें बोली थी. पहली बात, पॉइंट, इसको थोड़ा सा शांति से समझना आप अच्छे से. सेक्शन 22 ने क्या बोला कि इन रिस्पेक्ट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स व्हाट विल अप्लाई, सी का. लड़ाई थी सी का और सरफेसी में से कौन सा अप्लाई होगा, सी का और सरफेसी. सी का सेकेंडरी सील कंपनीज एक्ट, ऑफकोर्स कंपनीज एक, सरफेसी जो कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए होता है. तो बोला कि अगर क्रेडिटर अनसिक्योर्ड है तो उसके लिए तो सरफेसी वैसे भी नहीं है, तो अनसिक्योर्ड के लिए कौन सा अप्लाई करेगा, सी का. तो अगर अनसिक्योर्ड है उसके लिए अप्लाई करेगा सी का, सब ठीक है ना. यस, अनसिक्योर्ड के लिए अप्लाई करेगा सी का. वहीं बोले वेयर अ सिक्योर्ड क्रेडिटर है तो सिक्योर्ड क्रेडिटर के लिए अप्लाई करेगा कौन सा, सरफेसी. एक फेयर आइडिया, रुकना एकदम आराम से, कि अगर अनसिक्योर्ड है तो सी का, सिक्योर्ड है तो सरफेसी. एक बार तो ये आइडिया लग गया कि अगर कंपनी के अंदर अनसिक्योर्ड है तो सी का, सिक्योर्ड है तो सरफेसी. अब लड़ाई हो गई कि मान लो कंपनी के अंदर कुछ सिक्योर्ड है कुछ अनसिक्योर्ड है. समझना ध्यान से, इन अ सिचुएशन वेयर देयर आर मोर देन वन सिक्योर्ड क्रेडिटर ऑफ सिक इंडस्ट्रियल कंपनी और इट हैज बीन जॉइंटली फाइनेंस्ड बाय सिक्योर्ड, एटलीस्ट 60% ऑफ सच सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड वैल्यू ऑफ द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज ऑन रिकॉर्ड डेट
do not agree upon exercise of a right to realize their security under surface C, then Sika will continue to have full play. समझ में आना क्या कह रहे हैं ये लोग? ये कह रहे हैं कि अगर आपके यहाँ पे सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का कॉम्बिनेशन है, देन अगर 60% सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कह देते हैं सीका चाहिए तो सीका मिलेगा. 60% सिक्योर्ड क्रेडिटर्स अगर अग्री करते हैं तो आपको मिलेगा सीका. रुकना ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इनके सफिस्टिक इंडस्ट्रियल कंपनी हैविंग मोर देन वन सिक्योर्ड क्रेडिटर और बीइंग जॉइंटली फाइनेंस्ड बाय सिक्योर्ड रिप्रेजेंटिंग 60% और मोर वैल्यू ऑफ द अमाउंट ऑन रिकॉर्डेड विशेस टू एक्सरसाइज देयर राइट अंडर सारफेसी, तो उनको मिलेगा सारफेसी, देन सीका विल हैव नो रोल प्ले. और अगर 60% सिक्योर्ड क्रेडिटर अग्री करते हैं सारफेसी पे तो सारफेसी मिलेगा. आपको समझ में आ रहा है क्या? चार पॉइंट खत्म हो गया मुझे पढ़ाना था. अगर कंपनी में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है तो सीका, अगर कंपनी में सारे सिक्योर्ड है सारफेसी, अगर कंपनी में सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड मिक्स है और 60% उससे ज्यादा सिक्योर्ड क्रेडिटर कह देते हैं सीका, तो सीका 60% उससे ज्यादा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कह देते हैं, 60% उससे ज्यादा सिक्योर्ड क्रेडिटर कह देते हैं सीका, तो सीका 60% उससे ज्यादा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कह देते हैं सारफेसी, तो सारफेसी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है आपको? तो इवेंचुअली 60% डिसीजन लिया जाएगा. दिस इज हाउ इट इज. थोड़ा और डिटेल पढ़ेंगे तो आपको और बारीक चीजें पड़ेगी. मैंने एक ओवरव्यू बता दिया ताकि आपको याद रहे ये अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड वाला है. केस नंबर 13 मद्रास पेट्रोकेम वर्सेस बीआईएफआर. आर वी अंडरस्टैंडिंग? यहां पे देखो ये वाला है सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड वाला. और यहां पे हो चुके हैं हमारे सारे केसेस, 66 केसेस का एक क्विक रिवीजन हो चुका है. आप ये अपेक्षा मत रखो कि इससे आपको सब कुछ समझ में आ गया. मैं ये कह नहीं रहा हूं स्टूडेंट जो पहली बार पढ़ रहा है वो नहीं, लेकिन जिसने बार पढ़ चुके हैं उसके लिए क्विक रिवीजन के लिए दिस इज द परफेक्ट थिंग. और मेरा मेनली उद्देश्य है कि जो बच्चे मुझसे रेगुलर बैच के अंदर पढ़े तो उनके लिए दिस इज गोइंग टू बी अ क्विक रिवीजन कि अपने डिटेल में पढ़ लिया और ये क्विकली 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 आपका रिवाइज हो गया. और कोई बाहर का बच्चा भी है तो उसके लिए एक बार तो ये हेल्पफुल हो जाएगा मोस्टली. आर वी अंडरस्टैंडिंग? क्लियर है हम यहाँ पे? चलो यार ये हो चुका है. तो हमारे टारगेट के अंदर मैंने क्या कर दिया है? सबसे पहले चैप्टर ओवरव्यू दे दिया, सब्सटेंशियल जो काम था कंपनी लॉ के सारे केसेस का मैं रिवीजन करवा चुका हूं क्विक रिवीजन. अब जो दो एडिशनल केसेस हैं वो केयरफुली समझना. ये दो एडिशनल केसेस अब मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपको कह रहा हूं एडिशनल केसेस तो हर एक स्टूडेंट को एकदम रट के हाथ में अपने टिप्स पे लेके जाना. एडिशनल केसेस, एडिशनल केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जामिनेशन आएंगे मतलब आएंगे. नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द एडिशनल केसेस. फोकस ये वेरी केयरफुली. ये 66 आपके रेगुलर केसेस और यहां इसके बाद आते हैं दो एडिशनल केसेस, दो एडिशनल नए केसेस जो आपको पढ़ने हैं. एडिशनल केस वन, हरी सकरन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. मैं आपको कह रहा हूं पागल हो जाओगे. आप हरी सकरन को गूगल तो करो. आप हरी सकरन को गूगल करोगे तो यू विल गेट टू नो कि हरी सकरन के बारे में हरी सकरन कौन है और उसके बारे में बहुत सारी चीज आपको पता चलेगी. फोकस करना ध्यान से मेरे साथ में. जो भी एडिशनल केसेस होते हैं वो एकदम लेटेस्ट केसेस होते हैं. वो केसेस यहां पर हैं. ये देखिए यारों, ये है हरी सकरन. देखो ये क्या लिखा है, हरी सकरन एक्स बॉस ऑफ लैंडिंग फॉर्म ILNFS अरेस्टेड. ये दिख रहा है आपको कि व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया था हरी सकरन. ये वो है, ये ILNFS का वन ऑफ द बिगेस्ट जो डायरेक्टर था वो है हरी सकरन. ILNFS का बहुत बड़ा फ्रॉड होता है, लास्ट हम सबको पता है शेयर मार्केट ऑलमोस्ट क्रैश करा दिया था इसने. आर वी अंडरस्टैंडिंग? चलो तो इसका केस आया है सिलेबस में, बहुत ही बढ़िया केस, हरी सकरन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. फोकस करेंगे ध्यान से, बहुत आराम से समझेगा इसको, हम थोड़ा शांति से पढ़ेंगे. तो एडिशनल केस वन एडिशनल केस टू बहुत खास तरीके से पढ़ने हैं आपको कंपनी लॉ के. और ऐसी और तकरीबन 8 एडिशनल केसेस आएंगे, वो सब भी आपको शांति से पढ़ने. पहली चीज, ILNFS इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट. ओके, second that the said company ILNFS has 348 group companies including IFN and ITNL. ya IFN ITNL kya hai ki maine aage diya hua hai,
या ITNL. तो नीचे आपको दिया हुआ है IFN और ITNL क्या होते हैं, ILNFS फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एंड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लिमिटेड, ठीक है, इंक्लूडिंग IFN एंड ITNL. द सेड ILNFS इज अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी एंड सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ड्यूली अप्रूव्ड अंडर द RBI. ये सब क्या होता है, ये आपको सेटिंग अप में पता है, यहाँ पे आपको पता होना जरूरी भी नहीं है, नहीं पता होगा तो भी चलेगा, बट सेटिंग अप के अंदर आपने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा था, वहाँ पे ये सब कुछ था ना, कि व्हाट डू यू मीन फाइनेंशियल कंपनी, सिस्टमैटिकली फाइनेंशियल कंपनी, नॉन कोर, कोर फाइनेंशियल कंपनी, वो सब वहाँ पे था, वही है. तो ILNFS एक फाइनेंशियल कंपनी है जो यहाँ पे स्पेसिफाइड है वैसा. द सेड कंपनी इज प्रमोटेड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, HDFC एंड यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया. ये कंपनी को इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया था, समझ में आ रहा है, इन्होंने प्रमोट किया था. That the said company is a holding prominent infrastructure development finance company. India की one of finest finance companies में से एक है ये. सबसे बड़ी finance company में से एक. अब समझो, अभी तक तो यहाँ पे क्या time pass चल रहा है, अभी तक तो point पे आए नहीं है लोग, अब point पे आ रहे हैं. ILNFS during the financial year 17-18 had 169 companies, out of which 24 companies are direct subsidiaries, 135 companies are indirect subsidiaries, and 6 companies are joint ventures, and 4 companies are associate. उन्होंने कह दिया कि आपके ILNFS के रिकॉर्ड्स को हम रिकास्ट करना चाहते हैं, रिफोर्स को हम चेक करना चाहते हैं, वापस रिकास्ट करना चाहते हैं, रीओपन करना चाहते हैं. ILNFS फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, IFN जिसको कहते हैं, एंड ITNL जिसको कह रहे हैं, फॉर द लास्ट 5 years. सिंपल क्या हुआ, NCLT बोला कि हम 5 साल के लिए आपके इन रिकॉर्ड्स को चेक करना चाहते हैं, ठीक है, और इसके अगेंस्ट हमारे एपिलेंट कौन, हरी सकरन ने अपील की है सुप्रीम कोर्ट में. आरबीआई केस खत्म. अरे मैं अभी तक तो बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा था कि ट्रिब्यूनल बोला है कि हम आपके पिछले 5 साल के रिकॉर्ड्स को चेक करना चाहते हैं, और हमारे एपिलेंट ने जो कि डायरेक्टर है कंपनी का, उसने अपील की है सुप्रीम कोर्ट में कि इनको रिकॉर्ड्स चेक करने नहीं दिए जाए. अब समझते हैं इसका रीजन क्या है. The appellant mostly relied on the contention. Appellant का एक ही base ground था, that मतलब बहुत सारे ground में से एक सबसे important ground था, that the order made by NCLT is contrary to section 130 of the Companies Act. अब आप 130 Google करेंगे, आपको मिल जाएगा, फिर आपको याद है तो 130 is reopening of financial statements by court or tribunal. कि tribunal या court कभी भी चाहे तो reopen कर सकती है. तो appellant का कहना था कि ये जो इन्होंने reopening order किया ना, ये 130 के against है, violation में है, contradiction में है. So the appellant mostly relied on the contention that the order made by NCLT is contrary to section 130 of Companies Act, that is reopening of accounts on court or tribunal's order. Supreme Court held that NCLT is well aware about section 130. Supreme बोला कि अरे सुनो ना, ये हरी सकरन साहब आप रुको, आपको लग रहा है कि NCLT ने 130 को violate करके किया है, NCLT is well aware about 130 section, उसकी requirement क्या है, सुना ध्यान से. NCLT has considered the preliminary report submitted by ICAI and SFIO. And the observations made in the aforesaid report, ICAI सबको पता है, SFI, Serious Fraud Investigation Office, and the observation made in the aforesaid report, preliminary report, thereafter having satisfied that the condition precedent for invoking powers under Section 130 of Companies Act, stated in 131 or 132 of Companies Act, are satisfied, thereafter the learned tribunal has passed an order allowing the application. आपको समझ में आ रही है, कह रहे हैं, हे हरी सकरन, आप क्या कह रहे हो कि हम 130 के अगेंस्ट है? पता है आपको कि क्या किया है ट्रिब्यूनल ने, ट्रिब्यूनल ने पहले रिपोर्ट मंगवाई है, रिपोर्ट में चेक किया है कि 130 के क्लॉज 1 क्लॉज 2 कंप्लाई हो रहे हैं, और उसके बाद में ये ऑर्डर पास किया. आप क्या बात कर रहे हो, फॉर रीओपनिंग ऑफ द बुक्स. अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस द अपील. हरिशंकरन की अपील को क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया. आर यू अंडरस्टैंडिंग, उसका कहा था 130 को सेटिस्फाई नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि NCLT ने बिल्कुल 130 को पूरी तरीके से सेटिस्फाई किया है. आर यू अंडरस्टैंडिंग, तो रीओपनिंग के अगेंस्ट गए थे वो, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि बिल्कुल जेन्युइन 130 को कंप्लाई करके रीओपनिंग कर रहे हैं, तो बिल्कुल अलाउड है. एंड दिस इज द केस ऑफ हरी सकरन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट. आर यू अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद तो केस बहुत आगे गया, हरी सकरन अरेस्ट वगैरह भी हो गया था, एंड देयर आफ्टर चीजें बहुत आगे जा चुकी है, पूरा फ्रॉड सामने आ गया था. आर यू अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट एडिशनल केस. तो दिस इज द फर्स्ट एडिशनल केस. एडिशनल केसेस में आपको समरी करने की कोशिश भी नहीं करना है, इसको तो पूरा का पूरा अपने टिप्स पे लेके एग्जाम में जाना है, इस पे तो पेपर में क्वेश्चन आना है, मतलब क्वेश्चन आना है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं कितना फोर्सफुली आपको समझा रहा हूं. चलो एडिशनल केस एक और है, तो ये करने के बाद मोर लेस हमारा आज का पर्पस समाप्त हो जाएगा. सिर्फ मैं वायर्ड चार्ट का कांसेप्ट बताऊंगा और हम लोग रुक जाएंगे आज के लिए. एडिशनल केस 2 इज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स दिल्ली वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज दिल्ली एंड अदर्स. बहुत इजी सा केस था, समझना ध्यान से. Messrs. Nexus Marketing Private Limited was incorporated in 2007 mein company incorporated hui, and 2011 the company applied for striking of its name under fast track exit scheme. 2011 mein ek fast track exit scheme aayi jisme jo bhi aisi company inko striking off karwana hai unko striking off ka mauka diya gaya. To is company ne apne aap ko strike off karwa liya, theek hai, suna dhyan se.
विच वॉज प्रोसेस्ड बाय रेस्पॉन्डेंट, ROC ने उसको प्रोसेस कर दिया, दिल्ली प्रोसेस हो गया दिल्ली में, ROC इशूड नोटिसेस टू कंपनी एंड फॉरवर्डेड कॉपी ऑफ द नोटिस टू रेवेन्यू फॉर ऑब्जेक्शन। जब भी स्ट्राइकिंग ऑफ होती है तो ROC ने उसका उसके नोटिस हर तरह पब्लिसाइज कर दिए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेवेन्यू उनको भेज दिया कि आपका कुछ पेंडिंग होता है NOC अभी बता दो आप, नहीं तो हम इस कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर रहे हैं। 30 दिन का टाइम होता है, ROC ने सबको नोटिस दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 30 दिन के अंदर कोई भी रिप्लाई नहीं आया, बात खत्म हो गई, तो उन्होंने इस कंपनी को कर दिया स्ट्राइक ऑफ, द कंपनी वॉज स्ट्रिकन ऑफ। सिंस नो ऑब्जेक्शन वर रिसीव्ड बाय ROC फ्रॉम एनी स्टेक होल्डर विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ 30 डेज, नेम ऑफ द कंपनी वॉज स्ट्रक ऑफ। नाउ व्हाट हैपेंड, अब स्ट्राइकिंग ऑफ हो गया, फिर जग के कौन आया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेवेन्यू, द रेवेन्यू फाइल, रेवेन्यू का मतलब है डिपार्टमेंट, द डिपार्टमेंट फाइल्ड एन अपील टू NCLT सीकिंग रिस्टोरेशन ऑफ नेम ऑफ द कंपनी ऑन द ग्राउंड दैट द टैक्स ड्यूज अगेंस्ट द कंपनी वर नॉट डिटरमिन्ड व्हिच वाज डिसमिस्ड। अब समझो क्या हुआ, रेवेन्यू जो है ना ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गया NCLT के पास कि सुनो ना, इस कंपनी का नाम वापस रिस्टोर करो, हमारा टैक्स लेना बाकी है, हमें क्लेम करना बाकी है। तो NCLT वाला चाहो चलो रवाना हो, क्या चल रहा है तुम्हारा तरीका, किसी भी कारण से आप क्या अभी भी आओगे क्या कि आपका रिस्टोर करो, हमने पहले नोटिस भेजा था आपने रिप्लाई नहीं किया, तो NCLT ने उनको डिसमिस कर दिया। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहाँ जाएगा, NCLT के अगेंस्ट NCLAT में, तो वो गए NCLAT में और NCLAT ने भी उनके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया, क्या लिखा, अपील वॉज डिसमिस्ड, डिसमिस कर दिया कि क्या बाद में आ रहे हो कैसे चलेगा। सुना ध्यान से क्या बोला यहाँ पे NCLAT ने, रिपोर्ट कम एफिडेविट फाइल्ड बाय ROC, फोकस हियर, रिपोर्ट कम एफिडेविट फाइल्ड बाय ROC सैटिस्फैक्टरीली establish that the procedure let down for striking off the name of the company from ROC has been observed in letter and spirit. इनका कहना है कि जो भी requirement थी वो हमने proper तरीके से letter and spirit में comply की है, कि जो भी आपकी requirement है ना वो हमने letter और spirit मतलब on paper जो लिखा है वो भी और जो actually required है वो भी हमने comply किया है, so everything has been complied in letter and spirit. Company thereafter the only question which is left is whether the company resorted to FTE, FTE का मतलब जो उन्होंने fast track exemption किया ना, the only question was कि यहाँ पे बस एक सवाल था कि कहीं वो कंपनी ने fraudulent तरीके से FTE में तो नहीं गई ना, fast track exemption हुआ ना उनका, fast track तरीके से उनको strike off किया है, तो कहीं कंपनी ने fraudulent तरीके से fast track तो नहीं कर लिया reply कि fast track में खुद को strike off करा दिया क्योंकि उनको tax भी करना पड़ता तो fast track में जल्दी जल्दी हो जाएगा, एक सवाल ये बच गया था। सुना ध्यान से, the only question which is left is whether the company resorted to FTE with malefic intention was defrauding the creditors would be a consideration having a bearing on the application of FTE guidelines for defunct companies. FTE सिर्फ defunct company के लिए था, defunct company मतलब ऐसी company जिसने कभी business चालू ही नहीं किया, जैसे कि 2007 में incorporated, 2011 तक कुछ काम ही नहीं किया है, कोई asset नहीं है, कोई liability नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसी company के लिए FTE आया था। यहाँ पे डर इतना सा था कि कहीं अगर सुनो रेवेन्यू की साइड, रेवेन्यू का एक ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि अगर वो ये प्रूव कर दें कि ये कंपनी डिफंक्ट कंपनी नहीं है तो FTE में अलाउड नहीं होता तो उनका रिस्टोरेशन हो जाएगा, अदरवाइज तो कुछ नहीं। और यहाँ पे जबकि रेवेन्यू ने तो यहाँ पे कुछ एफर्ट्स ही नहीं लिए, एंड दे फेल्ड, दे डिड नो एफर्ट्स एंड दे फेल्ड, ये तो प्रूव नहीं कर पाए, तो एट द एंड सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के जब आप प्रूव ही नहीं कर पाओगे तो बात खत्म, हम आपकी अपील को कर रहे हैं डिसमिस, जेन्युइन तरीके से ये तो हुआ था, डिफंक्ट प्रूव नहीं कर पाए, बात खत्म। और एक और एस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये भी देखा, समझना ध्यान से, कि इवन इफ अ कंपनीज नेम हैज बीन स्ट्रिकन ऑफ, एनी क्रेडिटर इवन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन रिकवर द मनी फ्रॉम द डायरेक्टर्स, क्योंकि जब भी कंपनी का स्ट्राइकिंग ऑफ होता है डायरेक्टर्स इंडेमनिटी बॉन्ड देते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर बाद में क्लेम लेकर आ गया तो हम उसको पे करेंगे, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्टिल हैज दैट ऑप्शन, स्टिल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज बिहाइंड रिस्टोरेशन ऑफ द क्लेम, द नेम। कंसिडरिंग ऑल ऑफ दिस यहां पे द अपील वॉज डिसमिस बाय NCLAT, आर यू अंडरस्टैंडिंग, एंड दिस इज द सिंपल केस, दो केसेस एडिशनल बहुत अरे चिपक जाना चाहिए दिमाग में, दोनों केस, एडिशनल केस वन, एडिशनल केस टू। एडिशनल केस वन किसका था हमारा, ILNFS वाला, ठीक है, जिसके अंदर वो अपना हीरो था हरी, वो आया था कि आप रीओपन करने मत दो सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बोला बिल्कुल रीओपन होगा 130 के हिसाब से रीओपन होगा। और दूसरा केस आया हमारा कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस ROC, इसमें कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस ROC, इसमें हाँ यहाँ पे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बोला था अरे रीओपन कर दो यार, इन्होंने जबरदस्ती अपना बंद कर दिया, हमें टैक्स देना बाकी है, तो NCLAT बोला कि कोई रीओपन नहीं होगा, या तो आप ये प्रूव कर दो कि इन्होंने इलीगल तरीके से स्ट्राइक ऑफ करवाया, प्रूव कर दो कि डिफंक नहीं है, वो आप प्रूव नहीं कर पा रहे हो, और आपके पास डायरेक्टर से पैसे लेने का ऑप्शन तो है ही ना, तो यहाँ पे हम कंपनी को रिस्टोर नहीं कर रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग पीपल, आई होप जो भी लेक्चर था पूरा आपको बहुत 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 फ्रूटफुल रहा होगा एकदम। अब आते हैं हम लोग लास्ट पार्ट पे, आज का टारगेट क्या था, पहला पेपर डिस्कस करना कर लिया, 66 केसेस का क्विक रिवीजन करना कर लिया, उसके बाद में था एडिशनल दो केसेस करना कर लिए, एंड लास्ट आते हैं ऑन वायर्ड चार्ट के कंसेप्ट पे। यस पीपल, आई विल इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ वायर्ड चार्ट, लेट्स गो हियर। यस पीपल, नाउ अंडरस्टैंड वायर्ड चार्ट का कंसेप्ट कैसा है, बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, बस फोकस करना समझने के लिए अच्छे से। अभी हमने कंपनी लॉ कंप्लीट किया,
कंपनी लॉ के अंदर देयर आर 66 केसेस. देखो एडिशनल को मैं इग्नोर करके चलता हूँ. एडिशनल तो आपको मतलब पूरा यहाँ रखना है दिमाग में ताकि गलती करने का संभव नहीं. तो एडिशनल तो शीट्स आपके एग्जाम में भी आपके टिप्स में होनी चाहिए. 10 ही तो केसेस हैं और मैं आपको कह रहा हूँ 10 में से एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन आएंगे. एडिशनल के 10 में से एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन आएंगे. अब आएंगे मैं क्यों कह रहा हूँ कि पास एग्जाम के ट्रेंड के हिसाब से. तो एडिशनल तो आपको एकदम कंठस्थ करके जाना है. उसके अलावा बात यार 300 केस है यार बच्चा पढ़ेगा कैसे. तो समझना कंपनी लॉ की बात करता हूँ. 66 केसेस हैं. अब एग्जाम में क्वेश्चन देखिए वो आइडेंटिफाइड कि हाँ ये कंपनी लॉ का केस है. बट नाउ अब समझ नहीं आ रहा कि कंपनी लॉ का 66 में कैसा है. तो आप ये फ्लिप करके टाइम वेस्ट करते हो. वहाँ पे आप क्या कर सकते हो देखो क्वेश्चन रीड करके यू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन किसका है. ये क्वेश्चन BIFRC का सिक कंपनी का है. सीका का कहीं पर है. ये वाइंडिंग अप का केस है. ये अमालगमेशन मर्जर का क्वेश्चन है. ये ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का क्वेश्चन है. ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया. आप समझो मान लीजिए BIFRC का है तो पूरे सिलेबस में पूरे 66 में से BIFRC के कौन कौन से क्वेश्चन है वो यहाँ से रिलेट किए हुए हैं. समझ रहे हैं मुझे बताओ BIFRC के कौन कौन से क्वेश्चन होंगे. आपको दिख रहा है 16, 15, 13, 61, 37 और 32. तो अब आपको क्या करना है अपनी जो क्विक समरी शीट है उसमें फटाफट से इस पे गए. मैंने प्रिंसिपल लिखा हुआ है. प्रिंसिपल ओके ये वाला एप्लीकेबल है और फिर ओपन करके आंसर लिखना चालू कर दे. अरे आप सोचो तो सही यार आपके लिए आंसर होना कितना फास्ट हो जाएगा. सेम फॉर अमालगमेशन मर्जर, सेम फॉर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट एंड इसी तरह से दो चार्ट है कंपनी लॉ के. सेम फॉर दिस टॉपिक जैसे कि हमने कहा रिफ्यूजल टू रजिस्टर शेयर. तो रिफ्यूजल टू रजिस्टर के हमारे टोटल सिलेबस में 4 केसेस हैं. एग्जाम में क्वेश्चन है कि रिफ्यूजल क्या है. यार पहले ढूंढना पड़ेगा ना कि रिफ्यूजल कौन से केस का रेफरेंस है. तो हमारे पास पता है रिफ्यूजल के 4 केस है 50, 44, 38 और 35. बात खत्म. आई एम टेलिंग यू दिस इज गोइंग टू मेक अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस. कोई भी केस ऐसा कोई भी क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में नहीं होगा जिसका आप केस नहीं ढूंढ पाओगे. ये बात तो है. देखो हम लोग प्रिपेयर होके तो इतना बेहतरीन तरीके से जाएंगे दैट आप क्वेश्चन को देख के पहचान लो. लेकिन कभी भी क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है. कभी कभी हो सकता है कि आपकी प्रिपरेशन में कुछ लैग रह गया आप टेंशन में आ गए. तो कम से कम दिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू गेट टू द केस. आर यू अंडरस्टैंडिंग. एनीवेज एक चीज है पेपर लिखना कैसे क्वेश्चन मिल गया लिखना कैसे वो सब तो हमारे लास्ट सेशन के लास्ट टॉपिक रहेगा ही सही. तो उसमें मैं आऊंगा धीरे धीरे. लेकिन अभी आज का जो टॉपिक था आई होप हमने बहुत फ्रूटफुल तरीके से वापस सब कर दिया. मैं वापस बताता हूं कि मेरा आज का उद्देश्य केसेस आपको समझाना नहीं था क्योंकि उसमें तो समय लगेगा वो डिटेल में वो मैं ऐसे क्विकली नहीं कर सकता. आज का उद्देश्य था कि आपने अच्छे से पहले समझे आपका क्विक रिकैप ताकि आपको केस का नंबर के साथ में याद हो जाए कौन सा केस कौन सा. आपसे हर एक से रिक्वेस्ट है ये जो नोट्स हैं ये मैंने आपको बताया कि आपको जहां से मिलेंगे वहां से लेकर और शिद्दत से अपने मॉड्यूल में अपने बुक में अपने नोट्स में भी केस नंबर मार्क कर दिया. जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके तो ऑलरेडी जो मैंने बुक दिया उसके अंदर मार्क हमारी केस नंबर्स हैं. तो आपको अपने बुक में मार्क देना जो अगर हमारे बच्चे नहीं है. ओके वी वर्कड रियली रियली हार्ड फॉर ऑल ऑफ दिस. आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट यू पीपल टू गिव अस अ फ्यू पॉजिटिव सजेशंस एज वेल कि अगर आपको लगता है कि ये ऐसा और कर सकते हैं तो वी आर रेडी टू इंप्रूव ऑन. लेट्स हिट इट एंड लेट्स जस्ट मेक श्योर कि एटलीस्ट ये एक सब्जेक्ट होगा जो ओवरऑल सिलेबस से एक सब्जेक्ट कम फील होगा हमको. ओके and this will be all from my end today. Thank you so much for your nice patience throughout the day. Yeah people thank you so much. Okay bye bye. Of course ye jo hai chart ye sari cheeze bhi aapko unhi notes ke sath mein milegi. Ek mera request hai ye jo chart hai wired chart se jab aap pen down print out lete ho compulsorily ye jo quick summary sheets hai na puri ki puri ye color print out lijiyega. Iska black and white print out nahi kariyega iska color print out hi kariyega. समरी शीट्स जो है क्विक समरी शीट्स इनका कलर प्रिंट आउट करिएगा ताकि एग्जाम के अंदर आपके लिए बहुत फास्ट हो और इंश्योर के प्रिंट आउट अच्छा हो. देखिए अच्छी जगह से प्रिंट आउट लीजिएगा इसका. इसके अंदर प्रिंटिंग में कॉम्प्रोमाइज नहीं करिएगा. ओके दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय एंड. आई विल बी कमिंग सून फॉर अदर थिंग्स एंड मतलब मैं अगले सेट्स आपके अभी बहुत ही जल्द आते रहेंगे. बट ऐसे मत कहिएगा कब आएंगे. ऑफकोर्स देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि चल रही है लूप में. तो जैसे ही समय परमिट करेगा एंड थिंग्स विल परमिट आई विल बी कमिंग अप विद अदर पार्ट्स एज वेल. जून अटेम्प्ट के पहले मैं सारे पार्ट्स रिलीज करूंगा दैट इज फॉर श्योर ताकि जून के बच्चे भी उसका उसके लिए उनके लिए भी ये टॉपिक्स फ्रूटफुल रह सके. ओके थैंक यू सो मच फॉर नाइस पेशेंस. आई विल सी पीपल टुमारो. आई विल नॉट सी पीपल टुमारो. आई विल सी यू पीपल सून विद द नेक्स्ट थिंग. ओके थैंक यू सो मच. बाय बाय.